आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है ड्राइव और अगर आप लोग भी दोस्तों इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा करेंगे साथ ही में इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में डीप में बात करेंगे तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस फिल्म के बारे में क्या आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा इस फ़िल्म के अंदर क्या स्टोरी है गाने कैसे हैं इन सब के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों ड्राइव जो कि 2019 की बॉलीवुड की फिल्म है जिसके अंदर आपको क्राइम एक्शन देखने को मिलता है और इस मूवी का रन टाइम दो घंटे और सत्ताईस मिनट का है वहीं इस मूवी की जो आई है वो टेन आउट ऑफ थ्री की है और ये जो फिल्म थी रही थी दोस्तों इसे काफ़ी पसंद भी किया गया था और इस मूवी के कोई ना कोई आप लोगों ने जो टेटस जरूर देखे होंगे शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि इस मूवी को डायरेक्ट रिलीज़ कर दिया गया था नेटफ्लिक्स पे ये मूवी दोस्तों सिनेमाघर में रिलीज़ नहीं हुई थी चलिए अब बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर हिंदी के अंदर अवेलेबल है क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं इनके बारे में चर्चा करते हैं दरअसल अगर आप ड्राई मूवी को YouTube पर देखने की सोच रहे दोस्तों तो YouTube पर यह मूवी शायद आपको मिल भी जाएंगी लेकिन आपको एच क्वालिटी में नहीं मिलेंगी हो सकता है उसकी क्वालिटी बेकार हो या फिर बैकग्राउंड के अंदर कोई म्यूज़िक चल रहा हो अगर आपको इस मूवी को ऑफिशियल देखना है तो आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जहाँ पर दोस्तों ये मूवी आपको हिंदी के अंदर और वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी तो जाइए नेटफ्लिक्स पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को इंजॉय करिए आपको ये मूवी कैसी लगती है आप दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा वहीं अगर हम इस फिल्म के डायरेक्शन के बारे में दोस्तों बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है तरुण मनु सुखनी ने अगर हम इनकी थोड़ी और चर्चा करें तो इनकी एक मूवी आने वाली है फ्यूचर में जिसका नाम हाउसफुल फाइव रहने वाला है देखते हैं कि वो उनकी कैसी फिल्म रहती है हालांकि इससे पहले भी इन्होंने काफ़ी सारी फिल्में दोस्तों दे रखी हैं और वो दोस्तों ऑडियंस को जो है वो अच्छी भी लगी है तो ये वाली मूवी भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया रही है और ये भी फिल्म दोस्तों जो है ऑडियंस को पसंद ज़रूर आएंगी तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में साथ ही मैं आपको मैं कुछ फैक्ट इस मूवी के बारे में बताता हूँ जो फिल्म के अंदर लीड कास्ट इसमें आपको सुशांत सिंह राजपूत जैकलिन विक्रमजीत विर्क सपना पडीम बॉमन ईरानी पंकज त्रिपाठी रमेश खन्ना कुस्ताब कुमार विभा चिबार इसके अलावा पनीजा रहमाना और ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं और इस मूवी के अंदर जो हीरो है इनकी एक्टिंग भी काफ़ी बढ़िया है जिनका नाम समर रहता है हालांकि वो भी इस दुनिया के अंदर तो नहीं रहे हैं लेकिन उनकी मूवीज़ दोस्तों आज भी याद की जाती हैं ये फिल्म दोस्तों काफ़ी अच्छी मुझे लगी है और मुझे ये भी उम्मीद है कि जब आप इस मूवी को देखने बैठेंगे तो ये मूवी आपको भी शायद अच्छी लगेंगी तो चलिए दोस्तों एक नज़र इस मूवी की कहानी की तरफ डाल लेते हैं और जानते हैं कि फ़िल्म की कहानी जो है वो किस प्रकार की है क्या सी इस मूवी के अंदर वी है इन सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं दरअसल दोस्तों इस फिल्म की कहानी जो है वो क्या है ये तो शायद आप लोग इसका ट्रेलर देख थोड़ा बहुत जो है प्रेडिक कर सकते हैं लेकिन अगर पूरी आपको फिल्म पूरी कहानी जाननी है तो इसके लिए तो आपको हर मूवी ही देखनी पड़ेंगी दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको जो है वो एक रेस भी देखने को मिलती है जिसे मतलब एक यहाँ पर एक हीरो है और एक और भी किरदार है जिसे रेसिंग का शौक़ होता है अब जो सुशान सिंह राजपूत है वो यहाँ पर एक मिस्टेरियस लड़के किरदार में आपको देखने को मिलते हैं जिनका पूरा जिनके नाम पर पूरी फिल्म बता ही नहीं गया है अब उन्हें अंत तक जो है वो मिस्टर शर्मा शर्मा ज़रूर कहा जा सकता है अब जो ताका है जो तारा है यानी कि जैकलिन अब इनके दोस्त होते हैं विक्की यानी कि विक्रमजीत वीरक और नैना यानी कि सपना पब्बी जो कि काफ़ी फ्राड फ्रॉड इंसान होते हैं सुशांत और जैकलिन दोनों दोस्त संग मिलकर एक बड़ी चोरी का प्लान करते हैं हालांकि उन्हें पता होता है कि चोरी को करने के लिए जो है इन्हें काफ़ी सारी मुसीबत का सामना ज़रूर करना पड़ेगा लेकिन फिर भी दोस्तों जो है वो इसे अंजाम देते हैं अब यहाँ पर दिल्ली के जो राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन होते हैं वहाँ पर वो जो चोरी जो करने वाले होते हैं जहाँ पर एक भ्रष्ट अफसर ने अपने जो करोड़ों का काला धन छुपा कर रखा होता है और उन्हीं पैसों से सुशांत और जैकलिन जो है चुराना चाहते हैं फिल्म की कहानी दोस्तों यही है साथ ही यहाँ पर इसका जो ट्रीटमेंट है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर आपको अच्छा लगेगा अब रेसिंग से लेकर चोरी का चोरी करने का और एक दूसरे के लिए चोरी के लिए जो क्लू छोड़ जाना ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेंगी ही इतना नहीं दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छे दृश्य भी देखने को मिलेंगे जो कि आपको कुछ पुरानी मूवीज़ की याद दिला देंगे जिसमें आप ऐसी रेसिंग और एक ऐसी चोरी की कहानी आप देखने देखने वाले हैं जो कि शायद आपने पहले ना देखी हो हालांकि यहाँ पर काफ़ी सारे सीन जो है वो आपको ऐसा लगेगा कि हम पहले देख चुके होंगे लेकिन फ़िल्म के अंदर वो सीन जो है इस मूवी के अंदर देखने में थोड़ा और मज़ा आता है अगर आप लोगों ने धूम टू देखी होगी तो शायद आपको याद होगा कि वहाँ पृतिक तो रौशन का उस फिल्म के अंदर चोरी करने का अंदाज़ एकदम अलग था इसके साथ ही वो हर चोरी के साथ अपनी निशानी छोड़कर जाते थे बस वहीं यहाँ पर पूरा सीक्वेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर भी जो फिल्म का हीरो हिरोन होते हैं वो भी चोरी कर कर कुछ क्लू छोड़ते हैं अब मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये फिल्म रीमेक है लेकिन फिल्म के अंदर जो एक्टिंग है वो यहाँ पर जो सुशांत सिंह राजपूत इनकी बहुत ही बढ़िया है साथ ही में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम फिल्म के अंदर किया है और मूवी दोस्तों आपको जो है जरूर कुछ कर सकती है अगर आप लोगों को रॉबरी या फिर ऐसी रेसिंग वाली मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो फिर डेफ़िनेटली ये मूवी दोस्तों आपको एक बार चेकआउट करनी चाहिए आपको अच्छी लगेंगी आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो और टी पर यह मूवी बहुत ही कम आती है तो आप इसे अभी तो शायद टी पर पता नहीं कब देख पाएंगे लेकिन हाँ आप इसे अभी नेटफ्लिक्स पर जो है वो इंजॉय कर सकते हैं फिलहाल ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर भी अनऑफिशियली अवेलेबल है तो चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं लेकिन आपको वही बात है कि क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेंगी अगर आपको अच्छी क्वालिटी में देखना है तो आपको नेटफ्लिक्स पर जाना पड़ेगा जहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में मिलेंगी आप इस मूवी को ज़रूर देखिए आपको जो है कौन सा कैरेक्टर फिल्म के अंदर बढ़िया लगता है आप दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है ड्राइव और अगर आप लोग भी दोस्तों इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा करेंगे साथ ही में इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में डीप में बात करेंगे तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस फिल्म के बारे में क्या आपको फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा इस फिल्म के अंदर क्या स्टोरी है गाने कैसे हैं इन सब के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों ड्राइव जो कि 2019 की बॉलीवुड की फिल्म है जिसके अंदर आपको क्राइम एक्शन देखने को मिलता है और इस मूवी का रन टाइम दो घंटे और 27 मिनट का है वहीं इस मूवी की जो आई है वो 10 आउट ऑफ 3.2 की है और ये जो फ़िल्म थी रही थी दोस्तों इसे काफ़ी पसंद भी किया गया था और इस मूवी के कोई ना कोई आप लोगों ने जो टेटस ज़रूर देखी होगी शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि इस मूवी को डायरेक्ट रिलीज़ कर दिया गया था नेटफ्लिक्स पे, ये मूवी दोस्तों सिनेमाघर में रिलीज़ नहीं हुई थी चलिए बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर हिंदी के अंदर अवेलेबल है क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं इनके बारे में चर्चा करते हैं दरअसल अगर आप ड्राई मूवी को यूटूब पर देखने की सोच रहे दोस्तों तो यूट्यूब पर यह मूवी शायद आपको मिल भी जाएंगी लेकिन आपको एच क्वालिटी में नहीं मिलेंगी हो सकता है उसकी क्वालिटी बेकार हो या फिर बैकग्राउंड के अंदर कोई म्यूज़िक चल रहा हो अगर आपको इस मूवी को ऑफिशियल देखना है तो आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जहाँ पर दोस्तों ये मूवी आपको हिंदी के अंदर और वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी तो जाइए नेटफ्लिक्स पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को इंजॉय करिए आपको ये मूवी कैसी लगती है आप दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा वहीं अगर हम इस फिल्म के डायरेक्शन के बारे में दोस्तों बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है तरुण मनुसुखनी ने अगर हम इनकी थोड़ी और चर्चा करें तो इनकी एक मूवी आने वाली है फ्यूचर में जिसका नाम हाउसफुल फाइव रहने वाला है देखते हैं कि वो इनकी कैसी फिल्म रहती है हालांकि इससे पहले भी इन्होंने काफ़ी सारी फिल्में दोस्तों दे रखी हैं और वो दोस्तों ऑडियंस को जो है वो अच्छी भी लगी है तो ये वाली मूवी भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया रही है और ये भी फिल्म दोस्तों जो है ऑडियंस को पसंद ज़रूर आएँगी तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में साथ ही मैं आपको मैं कुछ फैक्ट इस मूवी के बारे में बताता हूँ जो फिल्म के अंदर लेडकास्ट कास्ट इसमें आपको सुशांत सिंह राजपूत जैकलिन विक्रमजीत विर्क सपना पडीम बोमन ईरानी पंकज त्रिपाठी रमेश खन्ना कुस्ताब कुमार विभा चिबार इसके अलावा पनीजा रहमाना और ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं और इस मूवी के अंदर जो हीरो है इनकी एक्टिंग भी काफ़ी बढ़िया है जिनका नाम समर रहता है हालांकि वो भी इस दुनिया के अंदर तो नहीं रहे हैं लेकिन उनकी मूवीज़ दोस्तों आज भी याद की जाती हैं ये फिल्म दोस्तों काफ़ी अच्छी मुझे लगी है और मुझे ये भी उम्मीद है कि जब आप इस मूवी को देखने बैठेंगे तो ये मूवी आपको भी शायद अच्छी लगेंगी तो चलिए दोस्तों एक नज़र इस मूवी की कहानी की तरफ़ डाल लेते हैं और जानते हैं कि फ़िल्म की कहानी जो है वो किस प्रकार की है क्या सी इस मूवी के अंदर वी एफ एक्स है इन सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं दरअसल दोस्तों इस फिल्म की कहानी जो है वो क्या है ये तो शायद आप लोग इसका ट्रेलर देख कर थोड़ा बहुत जो है प्रेडिक कर सकते हैं लेकिन अगर पूरी आपको फिल्म पूरी कहानी जाननी है तो इसके लिए तो आपको हर मूवी ही देखनी पड़ेंगी दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको जो है वो एक रेस भी देखने को मिलती है जिसे मतलब एक यहाँ पर एक हीरो है और एक और भी किरदार है जिसे रेसिंग का शौक़ होता है अब जो सुसानिंग राजपूत है वो यहाँ पर एक मिस्टेरियस लड़के किरदार में आपको देखने को मिलते हैं जिनका पूरा जिनके नाम पर पूरी फिल्म बता ही नहीं गया है अब उन्हें अंत तक जो है वो मिस्टर शर्मा शर्मा ज़रूर कहा जा सकता है अब जो ताका है जो तारा है यानी कि जैकलिन अब इनके दोस्त होते हैं विक्की यानी कि विक्रमजीत वीरक और नैना यानी कि सपना पब्बी जो कि काफ़ी फ्राड फ्रॉड इंसान होते हैं सुशांत और जैकलिन दोनों दोस्त संग मिलकर एक बड़ी चोरी का प्लान करते हैं हालांकि उन्हें पता होता है कि चोरी को करने के लिए जो है इन्हें काफ़ी सारी मुसीबत का सामना ज़रूर करना पड़ेगा लेकिन फिर भी दोस्तों जो है वो इसे अंजाम देते हैं अब यहाँ पर दिल्ली के जो राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन होते हैं वहाँ पर वो जो चोरी जो करने वाले होते हैं जहाँ पर एक भ्रष्ट अफसर ने अपने जो करोड़ों का काला धन छुपा कर रखा होता है और उन्हीं पैसों से सुशांत और जैकलिन जो है चुराना चाहते हैं फिल्म की कहानी दोस्तों यही है साथ ही यहाँ पर इसका जो ट्रीटमेंट है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर आपको अच्छा लगेगा अब रेसिंग से लेकर चोरी का चोरी करने का और एक दूसरे के लिए चोरी के लिए जो क्लू छोड़ जाना ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेंगी इतना नहीं दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छे दृश्य भी देखने को मिलेंगे जो कि आपको कुछ पुरानी मूवीज़ की याद दिला देंगे जिसमें आप ऐसी रेसिंग और एक ऐसी चोरी की कहानी आप देखने देखने वाले हैं जो कि शायद आपने पहले ना देखी हो हालांकि यहाँ पर काफ़ी सारे सीन जो है वो आपको ऐसा लगेगा कि हम पहले देख चुके होंगे लेकिन फ़िल्म के अंदर वो सीन जो है इस मूवी के अंदर देखने में थोड़ा और मज़ा आता है अगर आप लोगों ने धूम तो देखी होगी तो शायद आपको याद होगा कि वहाँ पृतिक रौशन का उस फिल्म के अंदर चोरी करने का अंदाज़ एकदम अलग था इसके साथ ही वो हर चोरी के साथ अपनी निशानी छोड़कर जाते थे बस वही यहाँ पर पूरा सीक्वेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर भी जो फिल्म का हीरो हीरोइन होते हैं वो भी चोरी कर कर कुछ क्लू छोड़ते हैं अब मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये फिल्म रीमेक है लेकिन फिल्म के अंदर जो एक्टिंग है वो यहाँ पर जो सुशांत सिंह राजपूत इनकी बहुत ही बढ़िया है साथ ही में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम फिल्म के अंदर किया है और मूवी दोस्तों आपको जो है ज़रूर कोस कर सकती है अगर आप लोगों को रॉबरी या फिर ऐसी रेसिंग वाली मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो फिर डेफिनेटली ये मूवी दोस्तों आपको एक बार चेकआउट करनी चाहिए आपको अच्छी लगेंगी आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो और टी पर यह मूवी बहुत ही कम आती है तो आप इसे अभी तो शायद टी पर पता नहीं कब देख पाएंगे लेकिन हाँ आप इसे अभी नेटफ्लिक्स पर जो है इंजॉय कर सकते हैं फिलहाल ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर भी अनऑफिशियली अवेलेबल है तो चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं लेकिन आपको वही बात है कि क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेंगी अगर आपको अच्छी क्वालिटी में देखना है तो आपको नेटफ्लिक्स पर जाना पड़ेगा जहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में मिलेंगी आप इस मूवी को ज़रूर देखिए आपको जो है कौन सा कैरेक्टर फिल्म के अंदर बढ़िया लगता है आप दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है ड्राइव और अगर आप लोग भी दोस्तों इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा करेंगे साथ ही में इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में डीप में बात करेंगे तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस फिल्म के बारे में क्या आपको फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा इस फिल्म के अंदर क्या स्टोरी है गाने कैसे हैं इन सब के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों ड्राइव जो कि 2019 की बॉलीवुड की फिल्म है जिसके अंदर आपको क्राइम एक्शन देखने को मिलता है और इस मूवी का रन टाइम दो घंटे और सत्ताईस मिनट का है वहीं इस मूवी की जो आई है वो टेन आउट ऑफ थ्री की है और ये जो फ़िल्म थी रही थी दोस्तों इसे काफ़ी पसंद भी किया गया था और इस मूवी के कोई ना कोई आप लोगों ने जो टेटस ज़रूर देखी होगी शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि इस मूवी को डायरेक्ट रिलीज़ कर दिया गया था नेटफ्लिक्स पे, ये मूवी दोस्तों सिनेमाघर में रिलीज़ नहीं हुई थी चलिए बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर हिंदी के अंदर अवेलेबल है क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं इनके बारे में चर्चा करते हैं दरअसल अगर आप ड्राई मूवी को YouTube पर देखने की सोच रहे दोस्तों तो YouTube पर यह मूवी शायद आपको मिल भी जाएंगी लेकिन आपको एच क्वालिटी में नहीं मिलेंगी हो सकता है उसकी क्वालिटी बेकार हो या फिर बैकग्राउंड के अंदर कोई म्यूजिक चल रहा हो अगर आपको इस मूवी को ऑफिशियल देखना है तो आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जहाँ पर दोस्तों ये मूवी आपको हिंदी के अंदर और वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी तो जाइए नेटफ्लिक्स पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को इंजॉय करिए आपको ये मूवी कैसी लगती है आप दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा वहीं अगर हम इस फिल्म के डायरेक्शन के बारे में दोस्तों बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है तरुण मनु सुखनी ने अगर हम इनकी थोड़ी और चर्चा करें तो इनकी एक मूवी आने वाली है फ्यूचर में जिसका नाम हाउसफुल फाइव रहने वाला है देखते हैं कि वो उनकी कैसी फिल्म रहती है हालांकि इससे पहले भी इन्होंने काफ़ी सारी फिल्में दोस्तों दे रखी हैं और वो दोस्तों ऑडियंस को जो है वो अच्छी भी लगी है तो ये वाली मूवी भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया रही है और ये भी फिल्म दोस्तों जो है ऑडियंस को पसंद ज़रूर आएंगी तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में साथ ही मैं आपको मैं कुछ फैक्ट इस मूवी के बारे में बताता हूँ जो फिल्म के अंदर लीड कास्ट इसमें आपको सुशांत सिंह राजपूत जैकलिन विक्रमजीत विर्क सपना पड्डी बमन ईरानी पंकज त्रिपाठी रमेश खन्ना कुस्ताब कुमार विभा चिबार इसके अलावा पनीजा रहमाना और ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं और इस मूवी के अंदर जो हीरो है इनकी एक्टिंग भी काफ़ी बढ़िया है जिनका नाम समर रहता है हालांकि वो भी इस दुनिया के अंदर तो नहीं रहे हैं लेकिन उनकी मूवीज़ दोस्तों आज भी याद की जाती हैं ये फिल्म दोस्तों काफ़ी अच्छी मुझे लगी है और मुझे ये भी उम्मीद है कि जब आप इस मूवी को देखने बैठेंगे तो ये मूवी आपको भी शायद अच्छी लगेंगी तो चलिए दोस्तों एक नज़र इस मूवी की कहानी की तरफ़ डाल लेते हैं और जानते हैं कि फ़िल्म की कहानी जो है वो किस प्रकार की है क्या सी इस मूवी के अंदर वी है इन सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं दरअसल दोस्तों इस फिल्म की कहानी जो है वो क्या है ये तो शायद आप लोग इसका ट्रेलर देख थोड़ा बहुत जो है प्रेडिक कर सकते हैं लेकिन अगर पूरी आपको फिल्म पूरी कहानी जाननी है तो इसके लिए तो आपको हर मूवी ही देखनी पड़ेंगी दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको जो है वो एक रेस भी देखने को मिलती है जिसे मतलब एक यहाँ पर एक हीरो है और एक और भी किरदार है जिसे रेसिंग का शौक़ होता है अब जो सुशान सिंह राजपूत है वो यहाँ पर एक मिस्टेरियस लड़के किरदार में आपको देखने को मिलते हैं जिनका पूरा जिनके नाम पर पूरी फिल्म बता ही नहीं गया है अब उन्हें अंत तक जो है वो मिस्टर शर्मा शर्मा ज़रूर कहा जा सकता है अब जो ताका है जो तारा है यानी कि जैकलिन अब इनके दोस्त होते हैं विक्की यानी कि विक्रमजीत वीरक और नैना यानी कि सपना पबी जो कि काफ़ी फ्राड फ्रॉड इंसान होते हैं सुशांत और जैकलिन दोनों दोस्त संग मिलकर एक बड़ी चोरी का प्लान करते हैं हालांकि उन्हें पता होता है कि चोरी को करने के लिए जो है इन्हें काफ़ी सारी मुसीबत का सामना ज़रूर करना पड़ेगा लेकिन फिर भी दोस्तों जो है वो इसे अंजाम देते हैं अब यहाँ पर दिल्ली के जो राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन होते हैं वहाँ पर वो जो चोरी जो करने वाले होते हैं जहाँ पर एक भ्रष्ट अफसर ने अपने जो करोड़ों का काला धन छुपा कर रखा होता है और उन्हीं पैसों से सुशांत और जैकलिन जो है चुराना चाहते हैं फिल्म की कहानी दोस्तों यही है साथ ही यहाँ पर इसका जो ट्रीटमेंट है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर आपको अच्छा लगेगा अब रेसिंग से लेकर चोरी का चोरी करने का और एक दूसरे के लिए चोरी के लिए जो क्लू छोड़ जाना ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेंगी ही इतना नहीं दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छे दृश्य भी देखने को मिलेंगे जो कि आपको कुछ पुरानी मूवीज़ की याद दिला देंगे जिसमें आप ऐसी रेसिंग और एक ऐसी चोरी की कहानी आप देखने देखने वाले हैं जो कि शायद आपने पहले ना देखी हो हालांकि यहाँ पर काफ़ी सारे सीन जो है वो आपको ऐसा लगेगा कि हम पहले देख चुके होंगे लेकिन फ़िल्म के अंदर वो सीन जो है इस मूवी के अंदर देखने में थोड़ा और मज़ा आता है अगर आप लोगों ने धूम तो देखी होगी तो शायद आपको याद होगा कि वहाँ पृतिक तो रोशन का उस फिल्म के अंदर चोरी करने का अंदाज़ एकदम अलग था इसके साथ ही वो हर चोरी के साथ अपनी निशानी छोड़कर जाते थे बस वहीं यहाँ पर पूरा सीक्वेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर भी जो फिल्म का हीरो हिरोन होते हैं वो भी चोरी कर कर कुछ क्लू छोड़ते हैं अब मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये फिल्म रीमेक है लेकिन फिल्म के अंदर जो एक्टिंग है वो यहाँ पर जो सुशांत सिंह राजपूत इनकी बहुत ही बढ़िया है साथ ही में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम फिल्म के अंदर किया है और मूवी दोस्तों आपको जो है जरूर कोच कर सकती है अगर आप लोगों को रॉबरी या फिर ऐसी रेसिंग वाली मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो फिर डेफिनेटली ये मूवी दोस्तों आपको एक बार चेकआउट करनी चाहिए आपको अच्छी लगेंगी आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो और टी पर यह मूवी बहुत ही कम आती है तो आप इसे अभी तो शायद टी पर पता नहीं कब देख पाएंगे लेकिन हाँ आप इसे अभी नेटफ्लिक्स पर जो है इंजॉय कर सकते हैं फिलहाल ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर भी अनऑफिशियली अवेलेबल है तो चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं लेकिन आपको वही बात है कि क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेंगी अगर आपको अच्छी क्वालिटी में देखना है तो आपको नेटफ्लिक्स पर जाना पड़ेगा जहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में मिलेंगी आप इस मूवी को ज़रूर देखिए आपको जो है कौन सा कैरेक्टर फिल्म के अंदर बढ़िया लगता है आप दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है ड्राइव और अगर आप लोग भी दोस्तों इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा करेंगे साथ ही में इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में डीप में बात करेंगे तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस फिल्म के बारे में क्या आपको फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा इस फिल्म के अंदर क्या स्टोरी है गाने कैसे हैं इन सब के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों ड्राइव जो कि 2019 की बॉलीवुड की फिल्म है जिसके अंदर आपको क्राइम एक्शन देखने को मिलता है और इस मूवी का रन टाइम दो घंटे और 27 मिनट का है वहीं इस मूवी की जो आई है वो 10 आउट ऑफ 3.2 की है और ये जो फ़िल्म थी रही थी दोस्तों इसे काफ़ी पसंद भी किया गया था और इस मूवी के कोई ना कोई आप लोगों ने जो टेटस ज़रूर देखी होगी शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि इस मूवी को डायरेक्ट रिलीज़ कर दिया गया था नेटफ्लिक्स पे। ये मूवी दोस्तों सिनेमाघर में रिलीज़ नहीं हुई थी चलिए बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर हिंदी के अंदर अवेलेबल है क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं इनके बारे में चर्चा करते हैं दरअसल अगर आप ड्राई मूवी को यूटूब पर देखने की सोच रहे दोस्तों तो यूट्यूब पर यह मूवी शायद आपको मिल भी जाएंगी लेकिन आपको एच क्वालिटी में नहीं मिलेंगी हो सकता है उसकी क्वालिटी बेकार हो या फिर बैकग्राउंड के अंदर कोई म्यूज़िक चल रहा हो अगर आपको इस मूवी को ऑफिशियल देखना है तो आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जहाँ पर दोस्तों ये मूवी आपको हिंदी के अंदर और वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी तो जाइए नेटफ्लिक्स पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को एंजॉय करिए आपको ये मूवी कैसी लगती है आप दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा वहीं अगर हम इस फिल्म के डायरेक्शन के बारे में दोस्तों बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है तरुण मनुसुखनी ने अगर हम इनकी थोड़ी और चर्चा करें तो इनकी एक मूवी आने वाली है फ्यूचर में जिसका नाम हाउसफुल फाइव रहने वाला है देखते हैं कि वो उनकी कैसी फिल्म रहती है हालांकि इससे पहले भी इन्होंने काफ़ी सारी फिल्में दोस्तों दे रखी हैं और वो दोस्तों ऑडियंस को जो है वो अच्छी भी लगी है तो ये वाली मूवी भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया रही है और ये भी फिल्म दोस्तों जो है ऑडियंस को पसंद ज़रूर आएँगी तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में साथ ही में आपको मैं कुछ फैक्ट इस मूवी के बारे में बताता हूँ जो फिल्म के अंदर लेडकास्ट कास्ट इसमें आपको सुशांत सिंह राजपूत जैकलिन विक्रमजीत विर्क सपना पडीम बोमन ईरानी पंकज त्रिपाठी रमेश खन्ना कुस्ताब कुमार विभा चिबार इसके अलावा पनीजा रहमाना और ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं और इस मूवी के अंदर जो हीरो है इनकी एक्टिंग भी काफ़ी बढ़िया है जिनका नाम समर रहता है हालांकि वो भी इस दुनिया के अंदर तो नहीं रहे हैं लेकिन उनकी मूवीज़ दोस्तों आज भी याद की जाती हैं ये फिल्म दोस्तों काफ़ी अच्छी मुझे लगी है और मुझे ये भी उम्मीद है कि जब आप इस मूवी को देखने बैठेंगे तो ये मूवी आपको भी शायद अच्छी लगेंगी तो चलिए दोस्तों एक नज़र इस मूवी की कहानी की तरफ डाल लेते हैं और जानते हैं कि फ़िल्म की कहानी जो है वो किस प्रकार की है क्या चीज़ इस मूवी के अंदर वी एफ एक्स है इन सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं दरअसल दोस्तों इस फिल्म की कहानी जो है वो क्या है ये तो शायद आप लोग इसका ट्रेलर देख कर थोड़ा बहुत जो है प्रेडिक कर सकते हैं लेकिन अगर पूरी आपको फिल्म पूरी कहानी जाननी है तो इसके लिए तो आपको हर मूवी ही देखनी पड़ेंगी दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको जो है वो एक रेस भी देखने को मिलती है जिसे मतलब एक यहाँ पर एक हीरो है और एक और भी किरदार है जिसे रेसिंग का शौक़ होता है अब जो सुसानिंग राजपूत है वो यहाँ पर एक मिस्टेरियस लड़के किरदार में आपको देखने को मिलते हैं जिनका पूरा जिनके नाम पर पूरी फिल्म बता ही नहीं गया है अब उन्हें अंत तक जो है वो मिस्टर शर्मा शर्मा ज़रूर कहा जा सकता है अब जो ताका है जो तारा है यानी कि जैकलिन अब इनके दोस्त होते हैं विक्की यानी कि विक्रमजीत वीरक और नैना यानी कि सपना पब्बी जो कि काफ़ी फ्राड फ्रॉड इंसान होते हैं सुशांत और जैकलिन दोनों दोस्त संग मिलकर एक बड़ी चोरी का प्लान करते हैं हालांकि उन्हें पता होता है कि चोरी को करने के लिए जो है इन्हें काफ़ी सारी मुसीबत का सामना जरूर करना पड़ेगा लेकिन फिर भी दोस्तों जो है वो इसे अंजाम देते हैं अब यहाँ पर दिल्ली के जो राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन होते हैं वहाँ पर वो जो चोरी जो करने वाले होते हैं जहाँ पर एक भ्रष्ट अफसर ने अपने जो करोड़ों का काला धन छुपा कर रखा होता है और उन्हीं पैसों से सुशांत और जैकलिन जो है चुराना चाहते हैं फिल्म की कहानी दोस्तों यही है साथ ही यहाँ पर इसका जो ट्रीटमेंट है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर आपको अच्छा लगेगा अब रेसिंग से लेकर चोरी का चोरी करने का और एक दूसरे के लिए चोरी के लिए जो क्लू छोड़ जाना ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेंगी ही इतना नहीं दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छे दृश्य भी देखने को मिलेंगे जो कि आपको कुछ पुरानी मूवीज़ की याद दिला देंगे जिसमें आप ऐसी रेसिंग और एक ऐसी चोरी की कहानी आप देखने देखने वाले हैं जो कि शायद आपने पहले ना देखी हो हालांकि यहाँ पर काफ़ी सारे सीन जो है वो आपको ऐसा लगेगा कि हम पहले देख चुके होंगे लेकिन फ़िल्म के अंदर वो सीन जो है इस मूवी के अंदर देखने में थोड़ा और मज़ा आता है अगर आप लोगों ने धूम टू देखी होगी तो शायद आपको याद होगा कि वहाँ पृत्युक रौशन का उस फिल्म के अंदर चोरी करने का अंदाज़ एकदम अलग था इसके साथ ही वो हर चोरी के साथ अपनी निशानी छोड़कर जाते थे बस वहीं यहाँ पर पूरा सीक्वेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर भी जो फिल्म का हीरो हीरोइन होते हैं वो भी चोरी कर कुछ क्लू छोड़ते हैं अब मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये फिल्म रीमेक है लेकिन फिल्म के अंदर जो एक्टिंग है वो यहाँ पर जो सुशांत सिंह राजपूत इनकी बहुत ही बढ़िया है साथ ही में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम फिल्म के अंदर किया है और मूवी दोस्तों आपको जो है ज़रूर कोज कर सकती है अगर आप लोगों को रॉबरी या फिर ऐसी रेसिंग वाली मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो फिर डेफिनेटली ये मूवी दोस्तों आपको एक बार चेकआउट करनी चाहिए आपको अच्छी लगेंगी आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो और टी पर यह मूवी बहुत ही कम आती है तो आप इसे अभी तो शायद टी पर पता नहीं कब देख पाएंगे लेकिन हाँ आप इसे अभी नेटफ्लिक्स पर जो है इन्जॉय कर सकते हैं फिलहाल ये मूवी दोस्तों यूटूब पर भी अनऑफिशियली अवेलेबल है तो चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं लेकिन आपको वही बात है कि क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेंगी अगर आपको अच्छी क्वालिटी में देखना है तो आपको नेटफ्लिक्स पर जाना पड़ेगा जहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में मिलेंगी आप इस मूवी को ज़रूर देखिए आपको जो है कौन सा कैरेक्टर फिल्म के अंदर बढ़िया लगता है आप दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है ड्राइव और अगर आप लोग भी दोस्तों इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा करेंगे साथ ही में इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में डीप में बात करेंगे तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस फिल्म के बारे में क्या आपको फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा इस फिल्म के अंदर क्या स्टोरी है गाने कैसे हैं इन सब के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों ड्राइव जो कि 2019 की बॉलीवुड की फिल्म है जिसके अंदर आपको क्राइम एक्शन देखने को मिलता है और इस मूवी का रन टाइम दो घंटे और 27 मिनट का है वहीं इस मूवी की जो आईएमडीबी है वो 10 आउट ऑफ 3.2 की है और ये जो फ़िल्म थी रही थी दोस्तों इसे काफ़ी पसंद भी किया गया था और इस मूवी के कोई ना कोई आप लोगों ने जो टेटस ज़रूर देखी होगी शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि इस मूवी को डायरेक्ट रिलीज़ कर दिया गया था नेटफ्लिक्स पे, ये मूवी दोस्तों सिनेमाघर में रिलीज़ नहीं हुई थी चलिए बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर हिंदी के अंदर अवेलेबल है क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं इनके बारे में चर्चा करते हैं दरअसल अगर आप ड्राई मूवी को YouTube पर देखने की सोच रहे दोस्तों तो YouTube पर यह मूवी शायद आपको मिल भी जाएंगी लेकिन आपको एच क्वालिटी में नहीं मिलेंगी हो सकता है उसकी क्वालिटी बेकार हो या फिर बैकग्राउंड के अंदर कोई म्यूजिक चल रहा हो अगर आपको इस मूवी को ऑफिशियल देखना है तो आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जहाँ पर दोस्तों ये मूवी आपको हिंदी के अंदर और वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी तो जाइए नेटफ्लिक्स पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को इंजॉय करिए आपको ये मूवी कैसी लगती है आप दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा वहीं अगर हम इस फिल्म के डायरेक्शन के बारे में दोस्तों बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है तरुण मनु सुखनी ने अगर हम इनकी थोड़ी और चर्चा करें तो इनकी एक मूवी आने वाली है फ्यूचर में जिसका नाम हाउसफुल फाइव रहने वाला है देखते हैं कि वो उनकी कैसी फिल्म रहती है हालांकि इससे पहले भी इन्होंने काफ़ी सारी फिल्में दोस्तों दे रखी हैं और वो दोस्तों ऑडियंस को जो है वो अच्छी भी लगी है तो ये वाली मूवी भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया रही है और ये भी फिल्म दोस्तों जो है ऑडियंस को पसंद ज़रूर आएंगी तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में साथ ही मैं आपको मैं कुछ फैक्ट इस मूवी के बारे में बताता हूँ जो फिल्म के अंदर लेडकास्ट इसमें आपको सुशांत सिंह राजपूत जैकलिन विक्रमजीत विर्क सपना पडीम बमन ईरानी पंकज त्रिपाठी रमेश खन्ना कुस्ताब कुमार विभा चिबार इसके अलावा पनीजा रहमाना और ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं और इस मूवी के अंदर जो हीरो है इनकी एक्टिंग भी काफ़ी बढ़िया है जिनका नाम समर रहता है हालांकि वो भी इस दुनिया के अंदर तो नहीं रहे हैं लेकिन उनकी मूवीज़ दोस्तों आज भी याद की जाती हैं ये फिल्म दोस्तों काफ़ी अच्छी मुझे लगी है और मुझे ये भी उम्मीद है कि जब आप इस मूवी को देखने बैठेंगे तो ये मूवी आपको भी शायद अच्छी लगेंगी तो चलिए दोस्तों एक नज़र इस मूवी की कहानी की तरफ़ डाल लेते हैं और जानते हैं कि फ़िल्म की कहानी जो है वो किस प्रकार की है क्या सी इस मूवी के अंदर वी है इन सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं दरअसल दोस्तों इस फिल्म की कहानी जो है वो क्या है ये तो शायद आप लोग इसका ट्रेलर देख थोड़ा बहुत जो है प्रेडिक कर सकते हैं लेकिन अगर पूरी आपको फिल्म पूरी कहानी जाननी है तो इसके लिए तो आपको हर मूवी ही देखनी पड़ेगी दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको जो है वो एक रेस भी देखने को मिलती है जिसे मतलब एक यहाँ पर एक हीरो है और एक और भी किरदार है जिसे रेसिंग का शौक़ होता है अब जो सुशान सिंह राजपूत है वो यहाँ पर एक मिस्टेरियस लड़के किरदार में आपको देखने को मिलते हैं जिनका पूरा जिनके नाम पर पूरी फिल्म बता ही नहीं गया है अब उन्हें अंत तक जो है वो मिस्टर शर्मा शर्मा ज़रूर कहा जा सकता है अब जो ताका है जो तारा है यानी कि जैकलिन अब इनके दोस्त होते हैं विक्की यानी कि विक्रमजीत वीरक और नैना यानी कि सपना पब्बी जो कि काफ़ी फ्राड फ्रॉड इंसान होते हैं सुशांत और जैकलिन दोनों दोस्त संग मिलकर एक बड़ी चोरी का प्लान करते हैं हालांकि उन्हें पता होता है कि चोरी को करने के लिए जो है इन्हें काफ़ी सारी मुसीबत का सामना ज़रूर करना पड़ेगा लेकिन फिर भी दोस्तों जो है वो इसे अंजाम देते हैं अब यहाँ पर दिल्ली के जो राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन होते हैं वहाँ पर वो जो चोरी जो करने वाले होते हैं जहाँ पर एक भ्रष्ट अफसर ने अपने जो करोड़ों का काला धन छुपा कर रखा होता है और उन्हीं पैसों से सुशांत और जैकलिन जो है चुराना चाहते हैं फिल्म की कहानी दोस्तों यही है साथ ही यहाँ पर इसका जो ट्रीटमेंट है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर आपको अच्छा लगेगा अब रेसिंग से लेकर चोरी का चोरी करने का और एक दूसरे के लिए चोरी के लिए जो क्लू छोड़ जाना ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेंगी ही इतना नहीं दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छे दृश्य भी देखने को मिलेंगे जो कि आपको कुछ पुरानी मूवीज़ की याद दिला देंगे जिसमें आप ऐसी रेसिंग और एक ऐसी चोरी की कहानी आप देखने देखने वाले हैं जो कि शायद आपने पहले ना देखी हो हालांकि यहाँ पर काफ़ी सारे सीन जो है वो आपको ऐसा लगेगा कि हम पहले देख चुके होंगे लेकिन फ़िल्म के अंदर वो सीन जो है इस मूवी के अंदर देखने में थोड़ा और मज़ा आता है अगर आप लोगों ने धूम तो देखी होगी तो शायद आपको याद होगा कि वहाँ पृतिक तो रौशन का उस फिल्म के अंदर चोरी करने का अंदाज़ एकदम अलग था इसके साथ ही वो हर चोरी के साथ अपनी निशानी छोड़कर जाते थे बस वहीं यहाँ पर पूरा सीक्वेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर भी जो फिल्म का हीरो हिरोन होते हैं वो भी चोरी कर कुछ क्लू छोड़ते हैं अब मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये फिल्म रीमेक है लेकिन फिल्म के अंदर जो एक्टिंग है वो यहाँ पर जो सुशांत सिंह राजपूतन की बहुत ही बढ़िया है साथ ही में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम फिल्म के अंदर किया है और मूवी दोस्तों आपको जो है ज़रूर कुछ कर सकती है अगर आप लोगों को रॉबरी या फिर ऐसी रेसिंग वाली मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो फिर डेफिनेटली ये मूवी दोस्तों आपको एक बार चेकआउट करनी चाहिए आपको अच्छी लगेंगी आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो और टी पर यह मूवी बहुत ही कम आती है तो आप इसे अभी तो शायद टी पर पता नहीं कब देख पाएंगे लेकिन हाँ आप इसे अभी नेटफ्लिक्स पर जो है वो इन्जॉय कर सकते हैं फिलहाल ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर भी अनऑफिशियली अवेलेबल है तो चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं लेकिन आपको वही बात है कि क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेंगी अगर आपको अच्छी क्वालिटी में देखना है तो आपको नेटफ्लिक्स पर जाना पड़ेगा जहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में मिलेंगी आप इस मूवी को ज़रूर देखिए आपको जो है कौन सा कैरेक्टर फिल्म के अंदर बढ़िया लगता है आप दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है ड्राइव और अगर आप लोग भी दोस्तों इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा करेंगे साथ ही में इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में डीप में बात करेंगे तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस फिल्म के बारे में क्या आपको फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा इस फिल्म के अंदर क्या स्टोरी है गाने कैसे हैं इन सब के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों ड्राइव जो कि 2019 की बॉलीवुड की फिल्म है जिसके अंदर आपको क्राइम एक्शन देखने को मिलता है और इस मूवी का रन टाइम दो घंटे और 27 मिनट का है वहीं इस मूवी की जो आईएमडीबी है वो 10 आउट ऑफ 3.2 की है और ये जो फ़िल्म थी रही थी दोस्तों इसे काफ़ी पसंद भी किया गया था और इस मूवी के कोई ना कोई आप लोगों ने जो टेटस ज़रूर देखी होगी शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि इस मूवी को डायरेक्ट रिलीज़ कर दिया गया था नेटफ्लिक्स पे, ये मूवी दोस्तों सिनेमाघर में रिलीज़ नहीं हुई थी चलिए बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर हिंदी के अंदर अवेलेबल है क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं इनके बारे में चर्चा करते हैं दरअसल अगर आप ड्राई मूवी को YouTube पर देखने की सोच रहे दोस्तों तो YouTube पर यह मूवी शायद आपको मिल भी जाएंगी लेकिन आपको एच क्वालिटी में नहीं मिलेंगी हो सकता है उसकी क्वालिटी बेकार हो या फिर बैकग्राउंड के अंदर कोई म्यूज़िक चल रहा हो अगर आपको इस मूवी को ऑफिशियल देखना है तो आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जहाँ पर दोस्तों ये मूवी आपको हिंदी के अंदर और वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी तो जाइए नेटफ्लिक्स पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को इंजॉय करिए आपको ये मूवी कैसी लगती है आप दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा वहीं अगर हम इस फिल्म के डायरेक्शन के बारे में दोस्तों बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है तरुण मनु सुखनी ने अगर हम इनकी थोड़ी और चर्चा करें तो इनकी एक मूवी आने वाली है फ्यूचर में जिसका नाम हाउसफुल फाइव रहने वाला है देखते हैं कि वो इनकी कैसी फिल्म रहती है हालांकि इससे पहले भी इन्होंने काफ़ी सारी फिल्में दोस्तों दे रखी हैं और वो दोस्तों ऑडियंस को जो है वो अच्छी भी लगी है तो ये वाली मूवी भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया रही है और ये भी फिल्म दोस्तों जो है ऑडियंस को पसंद ज़रूर आएँगी तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में साथ ही मैं आपको मैं कुछ फैक्ट इस मूवी के बारे में बताता हूँ जो फिल्म के अंदर लेडकास्ट कास्ट इसमें आपको सुशांत सिंह राजपूत जैकलिन विक्रमजीत विरक सपना पडीम बोमन ईरानी पंकज त्रिपाठी रमेश खन्ना कुश्ताभ कुमार विभा चिबार इसके अलावा पनीजा रहमाना और ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं और इस मूवी के अंदर जो हीरो है इनकी एक्टिंग भी काफ़ी बढ़िया है जिनका नाम समर रहता है हालांकि वो भी इस दुनिया के अंदर तो नहीं रहे हैं लेकिन उनकी मूवीज़ दोस्तों आज भी याद की जाती हैं ये फिल्म दोस्तों काफ़ी अच्छी मुझे लगी है और मुझे ये भी उम्मीद है कि जब आप इस मूवी को देखने बैठेंगे तो ये मूवी आपको भी शायद अच्छी लगेंगी तो चलिए दोस्तों एक नज़र इस मूवी की कहानी की तरफ डाल लेते हैं और जानते हैं कि फ़िल्म की कहानी जो है वो किस प्रकार की है क्या सी इस मूवी के अंदर वी एफ एक्स है इन सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं दरअसल दोस्तों इस फिल्म की कहानी जो है वो क्या है ये तो शायद आप लोग इसका ट्रेलर देख कर थोड़ा बहुत जो है प्रडिक कर सकते हैं लेकिन अगर पूरी आपको फिल्म पूरी कहानी जाननी है तो इसके लिए तो आपको हर मूवी ही देखनी पड़ेंगी दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको जो है वो एक रेस भी देखने को मिलती है जिसे मतलब एक यहाँ पर एक हीरो है और एक और भी किरदार है जिसे रेसिंग का शौक़ होता है अब जो सुजानिंग राजपूत है वो यहाँ पर एक मिस्टेरियस लड़के किरदार में आपको देखने को मिलते हैं जिनका पूरा जिनके नाम पर पूरी फिल्म बता ही नहीं गया है अब उन्हें अंत तक जो है वो मिस्टर शर्मा शर्मा ज़रूर कहा जा सकता है अब जो ताका है जो तारा है यानी कि जैकलिन अब इनके दोस्त होते हैं विक्की यानी कि विक्रमजीत वीरक और नैना यानी कि सपना पब्बी जो कि काफ़ी फ्राड फ्रॉड इंसान होते हैं सुशांत और जैकलिन दोनों दोस्त संग मिलकर एक बड़ी चोरी का प्लान करते हैं हालांकि उन्हें पता होता है कि चोरी को करने के लिए जो है इन्हें काफ़ी सारी मुसीबत का सामना जरूर करना पड़ेगा लेकिन फिर भी दोस्तों जो है वो इसे अंजाम देते हैं अब यहाँ पर दिल्ली के जो राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन होते हैं वहाँ पर वो जो चोरी जो करने वाले होते हैं जहाँ पर एक भ्रष्ट अफसर ने अपने जो करोड़ों का काला धन छुपा कर रखा होता है और उन्हीं पैसों से सुशांत और जैकलिन जो है चुराना चाहते हैं फिल्म की कहानी दोस्तों यही है साथ ही यहाँ पर इसका जो ट्रीटमेंट है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर आपको अच्छा लगेगा अब रेसिंग से लेकर चोरी का चोरी करने का और एक दूसरे के लिए चोरी के लिए जो क्लू छोड़ जाना ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेंगी ही इतना नहीं दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छे दृश्य भी देखने को मिलेंगे जो कि आपको कुछ पुरानी मूवीज़ की याद दिला देंगे जिसमें आप ऐसी रेसिंग और एक ऐसी चोरी की कहानी आप देखने देखने वाले हैं जो कि शायद आपने पहले ना देखी हो हालांकि यहाँ पर काफ़ी सारे सीन जो है वो आपको ऐसा लगेगा कि हम पहले देख चुके होंगे लेकिन फ़िल्म के अंदर वो सीन जो है इस मूवी के अंदर देखने में थोड़ा और मज़ा आता है अगर आप लोगों ने धूम तो देखी होगी तो शायद आपको याद होगा कि वहाँ पृतिक रौशन का उस फिल्म के अंदर चोरी करने का अंदाज़ एकदम अलग था इसके साथ ही वो हर चोरी के साथ अपनी निशानी छोड़कर जाते थे बस वहीं यहाँ पर पूरा सीक्वेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर भी जो फिल्म का हीरो हीरोइन होते हैं वो भी चोरी कर कर कुछ क्लू छोड़ते हैं अब मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये फिल्म रीमेक है लेकिन फिल्म के अंदर जो एक्टिंग है वो यहाँ पर जो सुशांत सिंह राजपूत इनकी बहुत ही बढ़िया है साथ ही में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम फिल्म के अंदर किया है और मूवी दोस्तों आपको जो है जरूर कुछ कर सकती है अगर आप लोगों को रॉबरी या फिर ऐसी रेसिंग वाली मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो फिर डेफिनेटली ये मूवी दोस्तों आपको एक बार चेकआउट करनी चाहिए आपको अच्छी लगेंगी आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो और टी पर यह मूवी बहुत ही कम आती है तो आप इसे अभी तो शायद टी पर पता नहीं कब देख पाएंगे लेकिन हाँ आप इसे अभी नेटफ्लिक्स पर जो है इंजॉय कर सकते हैं फिलहाल ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर भी अनऑफिशियली अवेलेबल है तो चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं लेकिन आपको वही बात है कि क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेंगी अगर आपको अच्छी क्वालिटी में देखना है तो आपको नेटफ्लिक्स पर जाना पड़ेगा जहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में मिलेंगी आप इस मूवी को ज़रूर देखिए आपको जो है कौन सा कैरेक्टर फिल्म के अंदर बढ़िया लगता है आप दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है ड्राइव और अगर आप लोग भी दोस्तों इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा करेंगे साथ ही में इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में डीप में बात करेंगे तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस फिल्म के बारे में क्या आपको फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा इस फिल्म के अंदर क्या स्टोरी है गाने कैसे हैं इन सब के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों ड्राइव जो कि 2019 की बॉलीवुड की फिल्म है जिसके अंदर आपको क्राइम एक्शन देखने को मिलता है और इस मूवी का रन टाइम दो घंटे और 27 मिनट का है वहीं इस मूवी की जो आईएमडीबी है वो 10 आउट ऑफ 3.2 की है और ये जो फ़िल्म थी रही थी दोस्तों इसे काफ़ी पसंद भी किया गया था और इस मूवी के कोई ना कोई आप लोगों ने जो टेटस ज़रूर देखे होगी शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि इस मूवी को डायरेक्ट रिलीज़ कर दिया गया था नेटफ्लिक्स पे, ये मूवी दोस्तों सिनेमा घर में रिलीज़ नहीं हुई थी चलिए बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर हिंदी के अंदर अवेलेबल है क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं इनके बारे में चर्चा करते हैं दरअसल अगर आप ड्राई मूवी को यूटूब पर देखने की सोच रहे दोस्तों तो यूटूब पर यह मूवी शायद आपको मिल भी जाएंगी लेकिन आपको एच क्वालिटी में नहीं मिलेंगी हो सकता है उसकी क्वालिटी बेकार हो या फिर बैकग्राउंड के अंदर कोई म्यूज़िक चल रहा हो अगर आपको इस मूवी को ऑफिशियल देखना है तो आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जहाँ पर दोस्तों ये मूवी आपको हिंदी के अंदर और वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी तो जाइए नेटफ्लिक्स पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को इंजॉय करिए आपको ये मूवी कैसी लगती है आप दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा वहीं अगर हम इस फिल्म के डायरेक्शन के बारे में दोस्तों बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है तरुण मनुसुखनी ने अगर हम इनकी थोड़ी और चर्चा करें तो इनकी एक मूवी आने वाली है फ्यूचर में जिसका नाम हाउसफुल फाइव रहने वाला है देखते हैं कि वो उनकी कैसी फिल्म रहती है हालांकि इससे पहले भी इन्होंने काफ़ी सारी फिल्में दोस्तों दे रखी हैं और वो दोस्तों ऑडियंस को जो है वो अच्छी भी लगी है तो ये वाली मूवी भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया रही है और ये भी फिल्म दोस्तों जो है ऑडियंस को पसंद ज़रूर आएँगी तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में साथ ही मैं आपको मैं कुछ फैक्ट इस मूवी के बारे में बताता हूँ जो फिल्म के अंदर लीड कास्ट इसमें आपको सुशांत सिंह राजपूत जैकलिन विक्रमजीत विर्क सपना पड्डी बमन ईरानी पंकज त्रिपाठी रमेश खन्ना कुस्ताब कुमार विभा चिबार इसके अलावा पनीजा रहमाना और ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं और इस मूवी के अंदर जो हीरो है इनकी एक्टिंग भी काफ़ी बढ़िया है जिनका नाम समर रहता है हालांकि वो भी इस दुनिया के अंदर तो नहीं रहे हैं लेकिन उनकी मूवीज़ दोस्तों आज भी याद की जाती हैं ये फिल्म दोस्तों काफ़ी अच्छी मुझे लगी है और मुझे ये भी उम्मीद है कि जब आप इस मूवी को देखने बैठेंगे तो ये मूवी आपको भी शायद अच्छी लगेंगी तो चलिए दोस्तों एक नज़र इस मूवी की कहानी की तरफ डाल लेते हैं और जानते हैं कि फ़िल्म की कहानी जो है वो किस प्रकार की है क्या सी इस मूवी के अंदर वी है इन सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं दरअसल दोस्तों इस फिल्म की कहानी जो है वो क्या है ये तो शायद आप लोग इसका ट्रेलर देख थोड़ा बहुत जो है प्रेडिक कर सकते हैं लेकिन अगर पूरी आपको फिल्म पूरी कहानी जाननी है तो इसके लिए तो आपको हर मूवी ही देखनी पड़ेगी दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको जो है वो एक रेस भी देखने को मिलती है जिसे मतलब एक यहाँ पर एक हीरो है और एक और भी किरदार है जिसे रेसिंग का शौक़ होता है अब जो सुशान सिंह राजपूत है वो यहाँ पर एक मिस्टेरियस लड़के किरदार में आपको देखने को मिलते हैं जिनका पूरा जिनके नाम पर पूरी फिल्म बता ही नहीं गया है अब उन्हें अंत तक जो है वो मिस्टर शर्मा शर्मा ज़रूर कहा जा सकता है अब जो ताका है जो तारा है यानी कि जैकलिन अब इनके दोस्त होते हैं विक्की यानी कि विक्रमजीत वीरक और नैना यानी कि सपना पबी जो कि काफ़ी फ्राड फ्रॉड इंसान होते हैं सुशांत और जैकलिन दोनों दोस्त संग मिलकर एक बड़ी चोरी का प्लान करते हैं हालांकि उन्हें पता होता है कि इस चोरी को करने के लिए जो है इन्हें काफ़ी सारी मुसीबत का सामना ज़रूर करना पड़ेगा लेकिन फिर भी दोस्तों जो है वो इसे अंजाम देते हैं अब यहाँ पर दिल्ली के जो राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन होते हैं वहाँ पर वो जो चोरी जो करने वाले होते हैं जहाँ पर एक भ्रष्ट अफसर ने अपने जो करोड़ों का काला धन छुपा कर रखा होता है और उन्हीं पैसों से सुशांत और जैकलिन जो है चुराना चाहते हैं फिल्म की कहानी दोस्तों यही है साथ ही यहाँ पर इसका जो ट्रीटमेंट है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर आपको अच्छा लगेगा अब रेसिंग से लेकर चोरी का चोरी करने का और एक दूसरे के लिए चोरी के लिए जो क्लू छोड़ जाना ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेंगी इतना नहीं दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छे दृश्य भी देखने को मिलेंगे जो कि आपको कुछ पुरानी मूवीज़ की याद दिला देंगे जिसमें आप ऐसी रेसिंग और एक ऐसी चोरी की कहानी आप देखने देखने वाले हैं जो कि शायद आपने पहले ना देखी हो हालांकि यहाँ पर काफ़ी सारे सीन जो है वो आपको ऐसा लगेगा कि हम पहले देख चुके होंगे लेकिन फ़िल्म के अंदर वो सीन जो है इस मूवी के अंदर देखने में थोड़ा और मज़ा आता है अगर आप लोगों ने धूम टू देखी होगी तो शायद आपको याद होगा कि वहाँ पृतिक तो तो रौशन का उस फिल्म के अंदर चोरी करने का अंदाज़ एकदम अलग था इसके साथ ही वो हर चोरी के साथ अपनी निशानी छोड़कर जाते थे बस वहीं यहाँ पर पूरा सीक्वेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर भी जो फिल्म का हीरो हीरोइन होते हैं वो भी चोरी कर कर कुछ क्लू छोड़ते हैं अब मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये फ़िल्म रीमेक है लेकिन फिल्म के अंदर जो एक्टिंग है वो यहाँ पर जो सुशांत सिंह राजपूत इनकी बहुत ही बढ़िया है साथ ही में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम फिल्म के अंदर किया है और मूवी दोस्तों आपको जो है ज़रूर कोज कर सकती है अगर आप लोगों को रॉबरी या फिर ऐसी रेसिंग वाली मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो फिर डेफिनेटली ये मूवी दोस्तों आपको एक बार चेकआउट करनी चाहिए आपको अच्छी लगेंगी आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो और टी पर ये मूवी बहुत ही कम आती है तो आप इसे अभी तो शायद टी पर पता नहीं कब देख पाएंगे लेकिन हाँ आप इसे अभी नेटफ्लिक्स पर जो है इंजॉय कर सकते हैं फिलहाल ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर भी अनऑफिशियली अवेलेबल है तो चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं लेकिन आपको वही बात है कि क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेंगी अगर आपको अच्छी क्वालिटी में देखना है तो आपको नेटफ्लिक्स पर जाना पड़ेगा जहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में मिलेंगी आप इस मूवी को ज़रूर देखिए आपको जो है कौन सा कैरेक्टर फिल्म के अंदर बढ़िया लगता है आप दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है ड्राइव और अगर आप लोग भी दोस्तों इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा करेंगे साथ ही में इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में डीप में बात करेंगे तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस फिल्म के बारे में क्या आपको फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा इस फिल्म के अंदर क्या स्टोरी है गाने कैसे हैं इन सब के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों ड्राइव जो कि 2019 की बॉलीवुड की फिल्म है जिसके अंदर आपको क्राइम एक्शन देखने को मिलता है और इस मूवी का रन टाइम दो घंटे और 27 मिनट का है वहीं इस मूवी की जो आईएमडीबी है वो 10 आउट ऑफ 3.2 की है और ये जो फ़िल्म थी रही थी दोस्तों इसे काफ़ी पसंद भी किया गया था और इस मूवी के कोई ना कोई आप लोगों ने जो टेटस ज़रूर देखी होगी शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि इस मूवी को डायरेक्ट रिलीज़ कर दिया गया था नेटफ्लिक्स पे, ये मूवी दोस्तों सिनेमाघर में रिलीज़ नहीं हुई थी चलिए बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर हिंदी के अंदर अवेलेबल है क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं इनके बारे में चर्चा करते हैं दरअसल अगर आप ड्राई मूवी को YouTube पर देखने की सोच रहे दोस्तों तो YouTube पर यह मूवी शायद आपको मिल भी जाएंगी लेकिन आपको एच क्वालिटी में नहीं मिलेंगी हो सकता है उसकी क्वालिटी बेकार हो या फिर बैकग्राउंड के अंदर कोई म्यूज़िक चल रहा हो अगर आपको इस मूवी को ऑफिशियल देखना है तो आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जहाँ पर दोस्तों ये मूवी आपको हिंदी के अंदर और वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी तो जाइए नेटफ्लिक्स पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को एंजॉय करिए आपको ये मूवी कैसी लगती है आप दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा वहीं अगर हम इस फिल्म के डायरेक्शन के बारे में दोस्तों बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है तरुण मनु सुखनी ने अगर हम इनकी थोड़ी और चर्चा करें तो इनकी एक मूवी आने वाली है फ्यूचर में जिसका नाम हाउसफुल फाइव रहने वाला है देखते हैं कि वो इनकी कैसी फिल्म रहती है हालांकि इससे पहले भी इन्होंने काफ़ी सारी फिल्में दोस्तों दे रखी हैं और वो दोस्तों ऑडियंस को जो है वो अच्छी भी लगी है तो ये वाली मूवी भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया रही है और ये भी फिल्म दोस्तों जो है ऑडियंस को पसंद ज़रूर आएँगी तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में साथ ही मैं आपको मैं कुछ फैक्ट इस मूवी के बारे में बताता हूँ जो फिल्म के अंदर लेडकास्ट कास्ट इसमें आपको सुशांत सिंह राजपूत जैकलिन विक्रमजीत विरक सपना पडीम बोमन ईरानी पंकज त्रिपाठी रमेश खन्ना कुस्ताब कुमार विभा चिबार इसके अलावा पनीजा रहमाना और ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं और इस मूवी के अंदर जो हीरो है इनकी एक्टिंग भी काफ़ी बढ़िया है जिनका नाम समर रहता है हालांकि वो भी इस दुनिया के अंदर तो नहीं रहे हैं लेकिन उनकी मूवीज़ दोस्तों आज भी याद की जाती हैं ये फिल्म दोस्तों काफ़ी अच्छी मुझे लगी है और मुझे ये भी उम्मीद है कि जब आप इस मूवी को देखने बैठेंगे तो ये मूवी आपको भी शायद अच्छी लगेंगी तो चलिए दोस्तों एक नज़र इस मूवी की कहानी की तरफ डाल लेते हैं और जानते हैं कि फ़िल्म की कहानी जो है वो किस प्रकार की है क्या सी इस मूवी के अंदर वी एफ एक्स है इन सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं दरअसल दोस्तों इस फिल्म की कहानी जो है वो क्या है ये तो शायद आप लोग इसका ट्रेलर देख कर थोड़ा बहुत जो है प्रेडिक कर सकते हैं लेकिन अगर पूरी आपको फिल्म पूरी कहानी जाननी है तो इसके लिए तो आपको हर मूवी ही देखनी पड़ेंगी दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको जो है वो एक रेस भी देखने को मिलती है जिसे मतलब एक यहाँ पर एक हीरो है और एक और भी किरदार है जिसे रेसिंग का शौक़ होता है अब जो सुजानिंग राजपूत है वो यहाँ पर एक मिस्टेरियस लड़के किरदार में आपको देखने को मिलते हैं जिनका पूरा जिनके नाम पर पूरी फिल्म बता ही नहीं गया है अब उन्हें अंत तक जो है वो मिस्टर शर्मा शर्मा ज़रूर कहा जा सकता है अब जो ताका है जो तारा है यानी कि जैकलिन अब इनके दोस्त होते हैं विक्की यानी कि विक्रमजीत वीरक और नैना यानी कि सपना पब्बी जो कि काफ़ी फ्राड फ्रॉड इंसान होते हैं सुशांत और जैकलिन दोनों दोस्त संग मिलकर एक बड़ी चोरी का प्लान करते हैं हालांकि उन्हें पता होता है कि चोरी को करने के लिए जो है इन्हें काफ़ी सारी मुसीबत का सामना ज़रूर करना पड़ेगा लेकिन फिर भी दोस्तों जो है वो इसे अंजाम देते हैं अब यहाँ पर दिल्ली के जो राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन होते हैं वहाँ पर वो जो चोरी जो करने वाले होते हैं जहाँ पर एक भ्रष्ट अफसर ने अपने जो करोड़ों का काला धन छुपा कर रखा होता है और उन्हीं पैसों से सुशांत और जैकलिन जो है चुराना चाहते हैं फिल्म की कहानी दोस्तों यही है साथ ही यहाँ पर इसका जो ट्रीटमेंट है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर आपको अच्छा लगेगा अब रेसिंग से लेकर चोरी का चोरी करने का और एक दूसरे के लिए चोरी के लिए जो क्लू छोड़ जाना ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेंगी ही इतना नहीं दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छे दृश्य भी देखने को मिलेंगे जो कि आपको कुछ पुरानी मूवीज़ की याद दिला देंगे जिसमें आप ऐसी रेसिंग और एक ऐसी चोरी की कहानी आप देखने देखने वाले हैं जो कि शायद आपने पहले ना देखी हो हालांकि यहाँ पर काफ़ी सारे सीन जो है वो आपको ऐसा लगेगा कि हम पहले देख चुके होंगे लेकिन इस फ़िल्म के अंदर वो सीन जो है इस मूवी के अंदर देखने में थोड़ा और मज़ा आता है अगर आप लोगों ने धूम तो देखी होगी तो शायद आपको याद होगा कि वहाँ पृत्युक रौशन का उस फिल्म के अंदर चोरी करने का अंदाज़ एकदम अलग था इसके साथ ही वो हर चोरी के साथ अपनी निशानी छोड़कर जाते थे बस वही यहाँ पर पूरा सीक्वेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर भी जो फिल्म का हीरो हीरोइन होते हैं वो भी चोरी कर कर कुछ क्लू छोड़ते हैं अब मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये फिल्म रीमेक है लेकिन फिल्म के अंदर जो एक्टिंग है वो यहाँ पर जो सुशांत सिंह राजपूत इनकी बहुत ही बढ़िया है साथ ही में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम फिल्म के अंदर किया है और मूवी दोस्तों आपको जो है जरूर कुछ कर सकती है अगर आप लोगों को रॉबरी या फिर ऐसी रेसिंग वाली मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो फिर डेफिनेटली ये मूवी दोस्तों आपको एक बार चेकआउट करनी चाहिए आपको अच्छी लगेंगी आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो और टी पर यह मूवी बहुत ही कम आती है तो आप इसे अभी तो शायद टी पर पता नहीं कब देख पाएंगे लेकिन हाँ आप इसे अभी नेटफ्लिक्स पर जो है इन्जॉय कर सकते हैं फिलहाल ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर भी अनऑफिशियली अवेलेबल है तो चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं लेकिन आपको वही बात है कि क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेंगी अगर आपको अच्छी क्वालिटी में देखना है तो आपको नेटफ्लिक्स पर जाना पड़ेगा जहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में मिलेंगी आप इस मूवी को ज़रूर देखिए आपको जो है कौन सा कैरेक्टर फिल्म के अंदर बढ़िया लगता है आप दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है ड्राइव और अगर आप लोग भी दोस्तों इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा करेंगे साथ ही में इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में डीप में बात करेंगे तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस फिल्म के बारे में क्या आपको फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा इस फिल्म के अंदर क्या स्टोरी है गाने कैसे हैं इन सब के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों ड्राइव जो कि 2019 की बॉलीवुड की फिल्म है जिसके अंदर आपको क्राइम एक्शन देखने को मिलता है और इस मूवी का रन टाइम दो घंटे और 27 मिनट का है वहीं इस मूवी की जो आईएमडीबी है वो 10 आउट ऑफ 3.2 की है और ये जो फ़िल्म थी रही थी दोस्तों इसे काफ़ी पसंद भी किया गया था और इस मूवी के कोई ना कोई आप लोगों ने जो टेटस ज़रूर देखी होगी शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि इस मूवी को डायरेक्ट रिलीज़ कर दिया गया था नेटफ्लिक्स पे, ये मूवी दोस्तों सिनेमाघर में रिलीज़ नहीं हुई थी चलिए बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर हिंदी के अंदर अवेलेबल है क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं इनके बारे में चर्चा करते हैं दरअसल अगर आप ड्राई मूवी को यूटूब पर देखने की सोच रहे दोस्तों तो यूटूब पर यह मूवी शायद आपको मिल भी जाएंगी लेकिन आपको एच क्वालिटी में नहीं मिलेंगी हो सकता है उसकी क्वालिटी बेकार हो या फिर बैकग्राउंड के अंदर कोई म्यूजिक चल रहा हो अगर आपको इस मूवी को ऑफिशियल देखना है तो आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जहाँ पर दोस्तों ये मूवी आपको हिंदी के अंदर और वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी तो जाइए नेटफ्लिक्स पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को इंजॉय करिए आपको ये मूवी कैसी लगती है आप दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा वहीं अगर हम इस फिल्म के डायरेक्शन के बारे में दोस्तों बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है तरुण मनुसुखनी ने अगर हम इनकी थोड़ी और चर्चा करें तो इनकी एक मूवी आने वाली है फ्यूचर में जिसका नाम हाउसफुल फाइव रहने वाला है देखते हैं कि वो उनकी कैसी फिल्म रहती है हालांकि इससे पहले भी इन्होंने काफ़ी सारी फ़िल्में दोस्तों दे रखी हैं और वो दोस्तों ऑडियंस को जो है वो अच्छी भी लगी है तो ये वाली मूवी भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया रही है और ये भी फ़िल्म दोस्तों जो है ऑडियंस को पसंद ज़रूर आएंगी तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में साथ ही मैं आपको मैं कुछ फैक्ट इस मूवी के बारे में बताता हूँ जो फिल्म के अंदर लेडकास्ट कास्ट इसमें आपको सुशांत सिंह राजपूत जैकलिन विक्रमजीत विर्क सपना पडीम बमन ईरानी पंकज त्रिपाठी रमेश खन्ना कुस्ताब कुमार विभा चिबार इसके अलावा पनीजा रहमाना और ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं और इस मूवी के अंदर जो हीरो है इनकी एक्टिंग भी काफ़ी बढ़िया है जिनका नाम समर रहता है हालांकि वो भी इस दुनिया के अंदर तो नहीं रहे हैं लेकिन उनकी मूवीज़ दोस्तों आज भी याद की जाती हैं ये फिल्म दोस्तों काफ़ी अच्छी मुझे लगी है और मुझे ये भी उम्मीद है कि जब आप इस मूवी को देखने बैठेंगे तो ये मूवी आपको भी शायद अच्छी लगेंगी तो चलिए दोस्तों एक नज़र इस मूवी की कहानी की तरफ़ डाल लेते हैं और जानते हैं कि फ़िल्म की कहानी जो है वो किस प्रकार की है क्या सी इस मूवी के अंदर वी है इन सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं दरअसल दोस्तों इस फिल्म की कहानी जो है वो क्या है ये तो शायद आप लोग इसका ट्रेलर देख थोड़ा बहुत जो है प्रेडिक कर सकते हैं लेकिन अगर पूरी आपको फिल्म पूरी कहानी जाननी है तो इसके लिए तो आपको हर मूवी ही देखनी पड़ेगी दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको जो है वो एक रेस भी देखने को मिलती है जिसे मतलब एक यहाँ पर एक हीरो है और एक और भी किरदार है जिसे रेसिंग का शौक़ होता है अब जो सुसानिंग राजपूत है वो यहाँ पर एक मिस्टेरियस लड़के किरदार में आपको देखने को मिलते हैं जिनका पूरा जिनके नाम पर पूरी फिल्म बता ही नहीं गया है अब उन्हें अंत तक जो है वो मिस्टर शर्मा शर्मा ज़रूर कहा जा सकता है अब जो ताका है जो तारा है यानी कि जैकलिन अब इनके दोस्त होते हैं विक्की यानी कि विक्रमजीत वीरक और नैना यानी कि सपना पब्बी जो कि काफ़ी फ्राड फ्रॉड इंसान होते हैं सुशांत और जैकलिन दोनों दोस्त संग मिलकर एक बड़ी चोरी का प्लान करते हैं हालांकि उन्हें पता होता है कि इस चोरी को करने के लिए जो है इन्हें काफ़ी सारी मुसीबत का सामना ज़रूर करना पड़ेगा लेकिन फिर भी दोस्तों जो है वो इसे अंजाम देते हैं अब यहाँ पर दिल्ली के जो राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन होते हैं वहाँ पर वो जो चोरी जो करने वाले होते हैं जहाँ पर एक भ्रष्ट अफसर ने अपने जो करोड़ों का काला धन छुपा कर रखा होता है और उन्हीं पैसों से सुशांत और जैकलिन जो है चुराना चाहते हैं फिल्म की कहानी दोस्तों यही है साथ ही यहाँ पर इसका जो ट्रीटमेंट है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर आपको अच्छा लगेगा अब रेसिंग से लेकर चोरी का चोरी करने का और एक दूसरे के लिए चोरी के लिए जो क्लू छोड़ जाना ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेंगी इतना नहीं दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छे दृश्य भी देखने को मिलेंगे जो कि आपको कुछ पुरानी मूवीज़ की याद दिला देंगे जिसमें आप ऐसी रेसिंग और एक ऐसी चोरी की कहानी आप देखने देखने वाले हैं जो कि शायद आपने पहले ना देखी हो हालांकि यहाँ पर काफ़ी सारे सीन जो है वो आपको ऐसा लगेगा कि हम पहले देख चुके होंगे लेकिन फिल्म के अंदर वो सीन जो है इस मूवी के अंदर देखने में थोड़ा और मज़ा आता है अगर आप लोगों ने धूम टू देखी होगी तो शायद आपको याद होगा कि वहाँ पृत्युक तो रौशन का उस फिल्म के अंदर चोरी करने का अंदाज़ एकदम अलग था इसके साथ ही वो हर चोरी के साथ अपनी निशानी छोड़कर जाते थे बस वहीं यहाँ पर पूरा सीक्वेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर भी जो फिल्म का हीरो हीरोइन होते हैं वो भी चोरी कर कुछ क्लू छोड़ते हैं अब मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये फिल्म रीमेक है लेकिन फिल्म के अंदर जो एक्टिंग है वो यहाँ पर जो सुशांत सिंह राजपूत इनकी बहुत ही बढ़िया है साथ ही में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम फिल्म के अंदर किया है और मूवी दोस्तों आपको जो है ज़रूर कोज कर सकती है अगर आप लोगों को रॉबरी या फिर ऐसी रेसिंग वाली मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो फिर डेफिनेटली ये मूवी दोस्तों आपको एक बार चेकआउट करनी चाहिए आपको अच्छी लगेंगी आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो और टी पर ये मूवी बहुत ही कम आती है तो आप इसे अभी तो शायद टी पर पता नहीं कब देख पाएंगे लेकिन हाँ आप इसे अभी नेटफ्लिक्स पर जो है इन्जॉय कर सकते हैं फिलहाल ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर भी अनऑफिशियली अवेलेबल है तो चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं लेकिन आपको वही बात है कि क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेंगी अगर आपको अच्छी क्वालिटी में देखना है तो आपको नेटफ्लिक्स पर जाना पड़ेगा जहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में मिलेंगी आप इस मूवी को ज़रूर देखिए आपको जो है कौन सा कैरेक्टर फिल्म के अंदर बढ़िया लगता है आप दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है ड्राइव और अगर आप लोग भी दोस्तों इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा करेंगे साथ ही में इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में डीप में बात करेंगे तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस फिल्म के बारे में क्या आपको फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा इस फिल्म के अंदर क्या स्टोरी है गाने कैसे हैं इन सब के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों ड्राइव जो कि 2019 की बॉलीवुड की फिल्म है जिसके अंदर आपको क्राइम एक्शन देखने को मिलता है और इस मूवी का रन टाइम दो घंटे और सत्ताईस मिनट का है वहीं इस मूवी की जो आई है वो टेन आउट ऑफ थ्री की है और ये जो फ़िल्म थी रही थी दोस्तों इसे काफ़ी पसंद भी किया गया था और इस मूवी के कोई ना कोई आप लोगों ने जो टेटस जरूर देखी होगी शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि इस मूवी को डायरेक्ट रिलीज़ कर दिया गया था नेटफ्लिक्स पे, ये मूवी दोस्तों सिनेमाघर में रिलीज़ नहीं हुई थी चलिए बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर हिंदी के अंदर अवेलेबल है क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं इनके बारे में चर्चा करते हैं दरअसल अगर आप ड्राई मूवी को यूटूब पर देखने की सोच रहे दोस्तों तो यूट्यूब पर यह मूवी शायद आपको मिल भी जाएंगी लेकिन आपको एच क्वालिटी में नहीं मिलेंगी हो सकता है उसकी क्वालिटी बेकार हो या फिर बैकग्राउंड के अंदर कोई म्यूज़िक चल रहा हो अगर आपको इस मूवी को ऑफिशियल देखना है तो आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जहाँ पर दोस्तों ये मूवी आपको हिंदी के अंदर और वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी तो जाइए नेटफ्लिक्स पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को एंजॉय करिए आपको ये मूवी कैसी लगती है आप दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा वहीं अगर हम इस फिल्म के डायरेक्शन के बारे में दोस्तों बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है तरुण मनु सुखनी ने अगर हम इनकी थोड़ी और चर्चा करें तो इनकी एक मूवी आने वाली है फ्यूचर में जिसका नाम हाउसफुल फाइव रहने वाला है देखते हैं कि वो उनकी कैसी फिल्म रहती है हालांकि इससे पहले भी इन्होंने काफ़ी सारी फिल्में दोस्तों दे रखी हैं और वो दोस्तों ऑडियंस को जो है वो अच्छी भी लगी है तो ये वाली मूवी भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया रही है और ये भी फिल्म दोस्तों जो है ऑडियंस को पसंद ज़रूर आएंगी तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में साथ ही मैं आपको मैं कुछ फैक्ट इस मूवी के बारे में बताता हूँ जो फिल्म के अंदर लेडकास्ट कास्ट इसमें आपको सुशांत सिंह राजपूत जैकलिन विक्रमजीत विर्क सपना पडीम बमन ईरानी पंकज त्रिपाठी रमेश खन्ना कुस्ताब कुमार विभा चिबार इसके अलावा पनीजा रहमाना और ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं और इस मूवी के अंदर जो हीरो है इनकी एक्टिंग भी काफ़ी बढ़िया है जिनका नाम समर रहता है हालांकि वो भी इस दुनिया के अंदर तो नहीं रहे हैं लेकिन उनकी मूवीज़ दोस्तों आज भी याद की जाती हैं ये फिल्म दोस्तों काफ़ी अच्छी मुझे लगी है और मुझे ये भी उम्मीद है कि जब आप इस मूवी को देखने बैठेंगे तो ये मूवी आपको भी शायद अच्छी लगेंगी तो चलिए दोस्तों एक नज़र इस मूवी की कहानी की तरफ डाल लेते हैं और जानते हैं कि फ़िल्म की कहानी जो है वो किस प्रकार की है क्या सी इस मूवी के अंदर वी है इन सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं दरअसल दोस्तों इस फिल्म की कहानी जो है वो क्या है ये तो शायद आप लोग इसका ट्रेलर देख थोड़ा बहुत जो है प्रेडिक कर सकते हैं लेकिन अगर पूरी आपको फिल्म पूरी कहानी जाननी है तो इसके लिए तो आपको हर मूवी ही देखनी पड़ेंगी दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको जो है वो एक रेस भी देखने को मिलती है जिसे मतलब एक यहाँ पर एक हीरो है और एक और भी किरदार है जिसे रेसिंग का शौक़ होता है अब जो सुशान सिंह राजपूत है वो यहाँ पर एक मिस्टेरियस लड़के किरदार में आपको देखने को मिलते हैं जिनका पूरा जिनके नाम पर पूरी फिल्म बता ही नहीं गया है अब उन्हें अंत तक जो है वो मिस्टर शर्मा शर्मा ज़रूर कहा जा सकता है अब जो ताका है जो तारा है यानी कि जैकलिन अब इनके दोस्त होते हैं विक्की यानी कि विक्रमजीत वीरक और नैना यानी कि सपना पब्बी जो कि काफ़ी फ्राड फ्रॉड इंसान होते हैं सुशांत और जैकलिन दोनों दोस्त संग मिलकर एक बड़ी चोरी का प्लान करते हैं हालांकि उन्हें पता होता है कि चोरी को करने के लिए जो है इन्हें काफ़ी सारी मुसीबत का सामना ज़रूर करना पड़ेगा लेकिन फिर भी दोस्तों जो है वो इसे अंजाम देते हैं अब यहाँ पर दिल्ली के जो राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन होते हैं वहाँ पर वो जो चोरी करने वाले होते हैं जहाँ पर एक भ्रष्ट अफसर ने अपने जो करोड़ों का काला धन छुपा कर रखा होता है और उन्हीं पैसों से सुशांत और जैकलिन जो है चुराना चाहते हैं फिल्म की कहानी दोस्तों यही है साथ ही यहाँ पर इसका जो ट्रीटमेंट है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर आपको अच्छा लगेगा अब रेसिंग से लेकर चोरी का चोरी करने का और एक दूसरे के लिए चोरी के लिए जो क्लू छोड़ जाना ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेंगी ही इतना नहीं दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छे दृश्य भी देखने को मिलेंगे जो कि आपको कुछ पुरानी मूवीज़ की याद दिला देंगे जिसमें आप ऐसी रेसिंग और एक ऐसी चोरी की कहानी आप देखने देखने वाले हैं जो कि शायद आपने पहले ना देखी हो हालांकि यहाँ पर काफ़ी सारे सीन जो है वो आपको ऐसा लगेगा कि हम पहले देख चुके होंगे लेकिन फ़िल्म के अंदर वो सीन जो है इस मूवी के अंदर देखने में थोड़ा और मज़ा आता है अगर आप लोगों ने धूम तो देखी होगी तो शायद आपको याद होगा कि वहाँ पृतिक रौशन का उस फिल्म के अंदर चोरी करने का अंदाज़ एकदम अलग था इसके साथ ही वो हर चोरी के साथ अपनी निशानी छोड़कर जाते थे बस वहीं पर पूरा सीक्वेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर भी जो फिल्म का हीरो हिरोन होते हैं वो भी चोरी कर कर कुछ क्लू छोड़ते हैं अब मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये फिल्म रीमेक है लेकिन फिल्म के अंदर जो एक्टिंग है वो यहाँ पर जो सुशांत सिंह राजपूत इनकी बहुत ही बढ़िया है साथ ही में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम फिल्म के अंदर किया है और मूवी दोस्तों आपको जो है जरूर कोच कर सकती है अगर आप लोगों को रॉबरी या फिर ऐसी रेसिंग वाली मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो फिर डेफिनेटली ये मूवी दोस्तों आपको एक बार चेकआउट करनी चाहिए आपको अच्छी लगेंगी आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो और टी पर यह मूवी बहुत ही कम आती है तो आप इसे अभी तो शायद टी पर पता नहीं कब देख पाएंगे लेकिन हाँ आप इसे अभी नेटफ्लिक्स पर जो है वो इन्जॉय कर सकते हैं फिलहाल ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर भी अनऑफिशियली अवेलेबल है तो चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं लेकिन आपको वही बात है कि क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेंगी अगर आपको अच्छी क्वालिटी में देखना है तो आपको नेटफ्लिक्स पर जाना पड़ेगा जहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में मिलेंगी आप इस मूवी को ज़रूर देखिए आपको जो है कौन सा कैरेक्टर फिल्म के अंदर बढ़िया लगता है आप दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है ड्राइव और अगर आप लोग भी दोस्तों इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा करेंगे साथ ही में इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में डीप में बात करेंगे तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस फिल्म के बारे में क्या आपको फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा इस फिल्म के अंदर क्या स्टोरी है गाने कैसे हैं इन सब के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों ड्राइव जो कि 2019 की बॉलीवुड की फिल्म है जिसके अंदर आपको क्राइम एक्शन देखने को मिलता है और इस मूवी का रन टाइम दो घंटे और 27 मिनट का है वहीं इस मूवी की जो आई है वो 10 आउट ऑफ 3.2 की है और ये जो फ़िल्म थी रही थी दोस्तों इसे काफ़ी पसंद भी किया गया था और इस मूवी के कोई ना कोई आप लोगों ने जो टेटस ज़रूर देखी होगी शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि इस मूवी को डायरेक्ट रिलीज़ कर दिया गया था नेटफ्लिक्स पे, ये मूवी दोस्तों सिनेमाघर में रिलीज़ नहीं हुई थी चलिए बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर हिंदी के अंदर अवेलेबल है क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं इनके बारे में चर्चा करते हैं दरअसल अगर आप ड्राई मूवी को यूटूब पर देखने की सोच रहे दोस्तों तो यूटूब पर यह मूवी शायद आपको मिल भी जाएंगी लेकिन आपको एच क्वालिटी में नहीं मिलेंगी हो सकता है उसकी क्वालिटी बेकार हो या फिर बैकग्राउंड के अंदर कोई म्यूज़िक चल रहा हो अगर आपको इस मूवी को ऑफिशियल देखना है तो आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जहाँ पर दोस्तों ये मूवी आपको हिंदी के अंदर और वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी तो जाइए नेटफ़्लिक्स पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को इंजॉय करिए आपको ये मूवी कैसी लगती है आप दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा वहीं अगर हम इस फिल्म के डायरेक्शन के बारे में दोस्तों बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है तरुण मनु सुखनी ने अगर हम इनकी थोड़ी और चर्चा करें तो इनकी एक मूवी आने वाली है फ्यूचर में जिसका नाम हाउसफुल फाइव रहने वाला है देखते हैं कि वो उनकी कैसी फिल्म रहती है हालांकि इससे पहले भी इन्होंने काफ़ी सारी फिल्में दोस्तों दे रखी हैं और वो दोस्तों ऑडियंस को जो है वो अच्छी भी लगी है तो ये वाली मूवी भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया रही है और ये भी फिल्म दोस्तों जो है ऑडियंस को पसंद ज़रूर आएँगी तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में साथ ही मैं आपको मैं कुछ फैक्ट इस मूवी के बारे में बताता हूँ जो फिल्म के अंदर लीड कास्ट इसमें आपको सुशांत सिंह राजपूत जैकलिन विक्रमजीत विर्क सपना पडीम बोमन ईरानी पंकज त्रिपाठी रमेश खन्ना कुस्ताब कुमार विभा चिबार इसके अलावा पनीजा रहमाना और ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं और इस मूवी के अंदर जो हीरो है इनकी एक्टिंग भी काफ़ी बढ़िया है जिनका नाम समर रहता है हालांकि वो भी इस दुनिया के अंदर तो नहीं रहे हैं लेकिन उनकी मूवीज़ दोस्तों आज भी याद की जाती हैं ये फिल्म दोस्तों काफ़ी अच्छी मुझे लगी है और मुझे ये भी उम्मीद है कि जब आप इस मूवी को देखने बैठेंगे तो ये मूवी आपको भी शायद अच्छी लगेंगी तो चलिए दोस्तों एक नज़र इस मूवी की कहानी की तरफ़ डाल लेते हैं और जानते हैं कि फ़िल्म की कहानी जो है वो किस प्रकार की है क्या सी इस मूवी के अंदर वी है इन सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं दरअसल दोस्तों इस फिल्म की कहानी जो है वो क्या है ये तो शायद आप लोग इसका ट्रेलर देख थोड़ा बहुत जो है प्रेडिक कर सकते हैं लेकिन अगर पूरी आपको फिल्म पूरी कहानी जाननी है तो इसके लिए तो आपको हर मूवी ही देखनी पड़ेंगी दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको जो है वो एक रेस भी देखने को मिलती है जिसे मतलब एक यहाँ पर एक हीरो है और एक और भी किरदार है जिसे रेसिंग का शौक़ होता है अब जो सुसानिंग राजपूत है वो यहाँ पर एक मिस्टेरियस लड़के किरदार में आपको देखने को मिलते हैं जिनका पूरा जिनके नाम पर पूरी फिल्म बता ही नहीं गया है अब उन्हें अंत तक जो है वो मिस्टर शर्मा शर्मा ज़रूर कहा जा सकता है अब जो ताका है जो तारा है यानी कि जैकलिन अब इनके दोस्त होते हैं विक्की यानी कि विक्रमजीत वीरक और नैना यानी कि सपना पब्बी जो कि काफ़ी फ्राड फ्रॉड इंसान होते हैं सुशांत और जैकलिन दोनों दोस्त संग मिलकर एक बड़ी चोरी का प्लान करते हैं हालांकि उन्हें पता होता है कि चोरी को करने के लिए जो है इन्हें काफ़ी सारी मुसीबत का सामना ज़रूर करना पड़ेगा लेकिन फिर भी दोस्तों जो है वो इसे अंजाम देते हैं अब यहाँ पर दिल्ली के जो राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन होते हैं वहाँ पर वो जो चोरी जो करने वाले होते हैं जहाँ पर एक भ्रष्ट अफसर ने अपने जो करोड़ों का काला धन छुपा कर रखा होता है और उन्हीं पैसों से सुशांत और जैकलिन जो है चुराना चाहते हैं फिल्म की कहानी दोस्तों यही है साथ ही यहाँ पर इसका जो ट्रीटमेंट है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर आपको अच्छा लगेगा अब रेसिंग से लेकर चोरी का चोरी करने का और एक दूसरे के लिए चोरी के लिए जो क्लू छोड़ जाना ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेंगी ही इतना नहीं दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छे दृश्य भी देखने को मिलेंगे जो कि आपको कुछ पुरानी मूवीज़ की याद दिला देंगे जिसमें आप ऐसी रेसिंग और एक ऐसी चोरी की कहानी आप देखने देखने वाले हैं जो कि शायद आपने पहले ना देखी हो हालांकि यहाँ पर काफ़ी सारे सीन जो है वो आपको ऐसा लगेगा कि हम पहले देख चुके होंगे लेकिन फ़िल्म के अंदर वो सीन जो है इस मूवी के अंदर देखने में थोड़ा और मज़ा आता है अगर आप लोगों ने धूम टू देखी होगी तो शायद आपको याद होगा कि वहाँ पृत्युक तो तो रौशन का उस फिल्म के अंदर चोरी करने का अंदाज़ एकदम अलग था इसके साथ ही वो हर चोरी के साथ अपनी निशानी छोड़कर जाते थे बस वही यहाँ पर पूरा सीक्वेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर भी जो फिल्म का हीरो हीरोइन होते हैं वो भी चोरी कर कुछ क्लू छोड़ते हैं अब मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये फिल्म रीमेक है लेकिन फिल्म के अंदर जो एक्टिंग है वो यहाँ पर जो सुशांत सिंह राजपूत इनकी बहुत ही बढ़िया है साथ ही में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम फिल्म के अंदर किया है और मूवी दोस्तों आपको जो है ज़रूर कोज कर सकती है अगर आप लोगों को रॉबरी या फिर ऐसी रेसिंग वाली मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो फिर डेफिनेटली ये मूवी दोस्तों आपको एक बार चेकआउट करनी चाहिए आपको अच्छी लगेंगी आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो और टी पर यह मूवी बहुत ही कम आती है तो आप इसे अभी तो शायद टी पर पता नहीं कब देख पाएंगे लेकिन हाँ आप इसे अभी नेटफ्लिक्स पर जो है इंजॉय कर सकते हैं फिलहाल ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर भी अनऑफिशियली अवेलेबल है तो चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं लेकिन आपको वही बात है कि क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेंगी अगर आपको अच्छी क्वालिटी में देखना है तो आपको नेटफ्लिक्स पर जाना पड़ेगा जहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में मिलेंगी आप इस मूवी को ज़रूर देखिए आपको जो है कौन सा कैरेक्टर फिल्म के अंदर बढ़िया लगता है आप दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है ड्राइव और अगर आप लोग भी दोस्तों इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा करेंगे साथ ही में इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में डीप में बात करेंगे तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस फिल्म के बारे में क्या आपको फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा इस फिल्म के अंदर क्या स्टोरी है गाने कैसे हैं इन सब के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों ड्राइव जो कि 2019 की बॉलीवुड की फिल्म है जिसके अंदर आपको क्राइम एक्शन देखने को मिलता है और इस मूवी का रन टाइम दो घंटे और 27 मिनट का है वहीं इस मूवी की जो आईएमडीबी है वो 10 आउट ऑफ 3.2 की है और ये जो फ़िल्म थी रही थी दोस्तों इसे काफ़ी पसंद भी किया गया था और इस मूवी के कोई ना कोई आप लोगों ने जो टेटस जरूर देखी होगी शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि इस मूवी को डायरेक्ट रिलीज़ कर दिया गया था नेटफ्लिक्स पे, ये मूवी दोस्तों सिनेमाघर में रिलीज़ नहीं हुई थी चलिए बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर हिंदी के अंदर अवेलेबल है क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं इनके बारे में चर्चा करते हैं दरअसल अगर आप ड्राई मूवी को यूटूब पर देखने की सोच रहे दोस्तों तो यूट्यूब पर यह मूवी शायद आपको मिल भी जाएंगी लेकिन आपको एच क्वालिटी में नहीं मिलेंगी हो सकता है उसकी क्वालिटी बेकार हो या फिर बैकग्राउंड के अंदर कोई म्यूज़िक चल रहा हो अगर आपको इस मूवी को ऑफिशियल देखना है तो आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जहाँ पर दोस्तों ये मूवी आपको हिंदी के अंदर और वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी तो जाइए नेटफ्लिक्स पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को एंजॉय करिए आपको ये मूवी कैसी लगती है आप दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा वहीं अगर हम इस फिल्म के डायरेक्शन के बारे में दोस्तों बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है तरुण मनु सुखनी ने अगर हम इनकी थोड़ी और चर्चा करें तो इनकी एक मूवी आने वाली है फ्यूचर में जिसका नाम हाउसफुल फाइव रहने वाला है देखते हैं कि वो उनकी कैसी फिल्म रहती है हालांकि इससे पहले भी इन्होंने काफ़ी सारी फिल्में दोस्तों दे रखी हैं और वो दोस्तों ऑडियंस को जो है वो अच्छी भी लगी है तो ये वाली मूवी भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया रही है और ये भी फिल्म दोस्तों जो है ऑडियंस को पसंद ज़रूर आएंगी तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में साथ ही मैं आपको मैं कुछ फैक्ट इस मूवी के बारे में बताता हूँ जो फिल्म के अंदर लेडकास्ट कास्ट इसमें आपको सुशांत सिंह राजपूत जैकलिन विक्रमजीत विर्क सपना पडीम बमन ईरानी पंकज त्रिपाठी रमेश खन्ना कुस्ताब कुमार विभा चिबार इसके अलावा पनीजा रहमाना और ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं और इस मूवी के अंदर जो हीरो है इनकी एक्टिंग भी काफ़ी बढ़िया है जिनका नाम समर रहता है हालांकि वो भी इस दुनिया के अंदर तो नहीं रहे हैं लेकिन उनकी मूवीज़ दोस्तों आज भी याद की जाती हैं ये फिल्म दोस्तों काफ़ी अच्छी मुझे लगी है और मुझे ये भी उम्मीद है कि जब आप इस मूवी को देखने बैठेंगे तो ये मूवी आपको भी शायद अच्छी लगेंगी तो चलिए दोस्तों एक नज़र इस मूवी की कहानी की तरफ डाल लेते हैं और जानते हैं कि फ़िल्म की कहानी जो है वो किस प्रकार की है क्या सी इस मूवी के अंदर वी है इन सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं दरअसल दोस्तों इस फिल्म की कहानी जो है वो क्या है ये तो शायद आप लोग इसका ट्रेलर देख थोड़ा बहुत जो है प्रेडिक कर सकते हैं लेकिन अगर पूरी आपको फिल्म पूरी कहानी जाननी है तो इसके लिए तो आपको हर मूवी ही देखनी पड़ेंगी दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको जो है वो एक रेस भी देखने को मिलती है जिसे मतलब एक यहाँ पर एक हीरो है और एक और भी किरदार है जिसे रेसिंग का शौक़ होता है अब जो सुशान सिंह राजपूत है वो यहाँ पर एक मिस्टेरियस लड़के किरदार में आपको देखने को मिलते हैं जिनका पूरा जिनके नाम पर पूरी फिल्म बता ही नहीं गया है अब उन्हें अंत तक जो है वो मिस्टर शर्मा शर्मा ज़रूर कहा जा सकता है अब जो ताका है जो तारा है यानी कि जैकलिन अब इनके दोस्त होते हैं विक्की यानी कि विक्रमजीत वीरक और नैना यानी कि सपना पब्बी जो कि काफ़ी फ्राड फ्रॉड इंसान होते हैं सुशांत और जैकलिन दोनों दोस्त संग मिलकर एक बड़ी चोरी का प्लान करते हैं हालांकि उन्हें पता होता है कि चोरी को करने के लिए जो है इन्हें काफ़ी सारी मुसीबत का सामना ज़रूर करना पड़ेगा लेकिन फिर भी दोस्तों जो है वो इसे अंजाम देते हैं अब यहाँ पर दिल्ली के जो राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन होते हैं वहाँ पर वो जो चोरी जो करने वाले होते हैं जहाँ पर एक भ्रष्ट अफसर ने अपने जो करोड़ों का काला धन छुपा कर रखा होता है और उन्हीं पैसों से सुशांत और जैकलिन जो है चुराना चाहते हैं फिल्म की कहानी दोस्तों यही है साथ ही यहाँ पर इसका जो ट्रीटमेंट है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर आपको अच्छा लगेगा अब रेसिंग से लेकर चोरी का चोरी करने का और एक दूसरे के लिए चोरी के लिए जो क्लू छोड़ जाना ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेंगी ही इतना नहीं दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छे दृश्य भी देखने को मिलेंगे जो कि आपको कुछ पुरानी मूवीज़ की याद दिला देंगे जिसमें आप ऐसी रेसिंग और एक ऐसी चोरी की कहानी आप देखने देखने वाले हैं जो कि शायद आपने पहले ना देखी हो हालांकि यहाँ पर काफ़ी सारे सीन जो है वो आपको ऐसा लगेगा कि हम पहले देख चुके होंगे लेकिन फ़िल्म के अंदर वो सीन जो है इस मूवी के अंदर देखने में थोड़ा और मज़ा आता है अगर आप लोगों ने धूम तो देखी होगी तो शायद आपको याद होगा कि वहाँ पृतिक रौशन का उस फिल्म के अंदर चोरी करने का अंदाज़ एकदम अलग था इसके साथ ही वो हर चोरी के साथ अपनी निशानी छोड़कर जाते थे बस वहीं यहाँ पर पूरा सीक्वेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर भी जो फिल्म का हीरो हिरोइन होते हैं वो भी चोरी कर कर कुछ क्लू छोड़ते हैं अब मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये फिल्म रीमेक है लेकिन फिल्म के अंदर जो एक्टिंग है वो यहाँ पर जो सुशांत सिंह राजपूत इनकी बहुत ही बढ़िया है साथ ही में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम फिल्म के अंदर किया है और मूवी दोस्तों आपको जो है जरूर कोच कर सकती है अगर आप लोगों को रॉबरी या फिर ऐसी रेसिंग वाली मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो फिर डेफिनेटली ये मूवी दोस्तों आपको एक बार चेकआउट करनी चाहिए आपको अच्छी लगेंगी आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो और टी पर यह मूवी बहुत ही कम आती है तो आप इसे अभी तो शायद टी पर पता नहीं कब देख पाएंगे लेकिन हाँ आप इसे अभी नेटफ्लिक्स पर जो है वो इन्जॉय कर सकते हैं फिलहाल ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर भी अनऑफिशियली अवेलेबल है तो चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं लेकिन आपको वही बात है कि क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेंगी अगर आपको अच्छी क्वालिटी में देखना है तो आपको नेटफ्लिक्स पर जाना पड़ेगा जहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में मिलेंगी आप इस मूवी को ज़रूर देखिए आपको जो है कौन सा कैरेक्टर फ़िल्म के अंदर बढ़िया लगता है आप दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है ड्राइव और अगर आप लोग भी दोस्तों इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा करेंगे साथ ही में इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में डीप में बात करेंगे तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस फिल्म के बारे में क्या आपको फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा इस फिल्म के अंदर क्या स्टोरी है गाने कैसे हैं इन सब के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों ड्राइव जो कि 2019 की बॉलीवुड की फिल्म है जिसके अंदर आपको क्राइम एक्शन देखने को मिलता है और इस मूवी का रन टाइम दो घंटे और 27 मिनट का है वहीं इस मूवी की जो आई है वो 10 आउट ऑफ 3.2 की है और ये जो फ़िल्म थी रही थी दोस्तों इसे काफ़ी पसंद भी किया गया था और इस मूवी के कोई ना कोई आप लोगों ने जो टेटस ज़रूर देखी होगी शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि इस मूवी को डायरेक्ट रिलीज़ कर दिया गया था नेटफ्लिक्स पे, ये मूवी दोस्तों सिनेमाघर में रिलीज़ नहीं हुई थी चलिए बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर हिंदी के अंदर अवेलेबल है क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं इनके बारे में चर्चा करते हैं दरअसल अगर आप ड्राई मूवी को यूटूब पर देखने की सोच रहे दोस्तों तो यूटूब पर यह मूवी शायद आपको मिल भी जाएंगी लेकिन आपको एच क्वालिटी में नहीं मिलेंगी हो सकता है उसकी क्वालिटी बेकार हो या फिर बैकग्राउंड के अंदर कोई म्यूज़िक चल रहा हो अगर आपको इस मूवी को ऑफिशियल देखना है तो आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जहाँ पर दोस्तों ये मूवी आपको हिंदी के अंदर और वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी तो जाइए नेटफ़्लिक्स पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को इंजॉय करिए आपको ये मूवी कैसी लगती है आप दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा वहीं अगर हम इस फिल्म के डायरेक्शन के बारे में दोस्तों बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है तरुण मनु सुखनी ने अगर हम इनकी थोड़ी और चर्चा करें तो इनकी एक मूवी आने वाली है फ्यूचर में जिसका नाम हाउसफुल फाइव रहने वाला है देखते हैं कि वो उनकी कैसी फिल्म रहती है हालांकि इससे पहले भी इन्होंने काफ़ी सारी फिल्में दोस्तों दे रखी हैं और वो दोस्तों ऑडियंस को जो है वो अच्छी भी लगी है तो ये वाली मूवी भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया रही है और ये भी फिल्म दोस्तों जो है ऑडियंस को पसंद ज़रूर आएँगी तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में साथ ही मैं आपको मैं कुछ फैक्ट इस मूवी के बारे में बताता हूँ जो फिल्म के अंदर लेडकास्ट कास्ट इसमें आपको सुशांत सिंह राजपूत जैकलिन विक्रमजीत विर्क सपना पडीम बमन ईरानी पंकज त्रिपाठी रमेश खन्ना कुस्ताब कुमार विभा चिबार इसके अलावा पनीजा रहमाना और ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं और इस मूवी के अंदर जो हीरो है इनकी एक्टिंग भी काफ़ी बढ़िया है जिनका नाम समर रहता है हालांकि वो भी इस दुनिया के अंदर तो नहीं रहे हैं लेकिन उनकी मूवीज़ दोस्तों आज भी याद की जाती हैं ये फिल्म दोस्तों काफ़ी अच्छी मुझे लगी है और मुझे ये भी उम्मीद है कि जब आप इस मूवी को देखने बैठेंगे तो ये मूवी आपको भी शायद अच्छी लगेंगी तो चलिए दोस्तों एक नज़र इस मूवी की कहानी की तरफ़ डाल लेते हैं और जानते हैं कि फ़िल्म की कहानी जो है वो किस प्रकार की है क्या सी इस मूवी के अंदर वी है इन सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं दरअसल दोस्तों इस फिल्म की कहानी जो है वो क्या है ये तो शायद आप लोग इसका ट्रेलर देख थोड़ा बहुत जो है प्रडिक कर सकते हैं लेकिन अगर पूरी आपको फिल्म पूरी कहानी जाननी है तो इसके लिए तो आपको हर मूवी ही देखनी पड़ेंगी दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको जो है वो एक रेस भी देखने को मिलती है जिसे मतलब एक यहाँ पर एक हीरो है और एक और भी किरदार है जिसे रेसिंग का शौक़ होता है अब जो सुसानिंग राजपूत है वो यहाँ पर एक मिस्टेरियस लड़के किरदार में आपको देखने को मिलते हैं जिनका पूरा जिनके नाम पर पूरी फिल्म बता ही नहीं गया है अब उन्हें अंत तक जो है वो मिस्टर शर्मा शर्मा ज़रूर कहा जा सकता है अब जो ताका है जो तारा है यानी कि जैकलिन अब इनके दोस्त होते हैं विक्की यानी कि विक्रमजीत वीरक और नैना यानी कि सपना पब्बी जो कि काफ़ी फ्राड फ्रॉड इंसान होते हैं सुशांत और जैकलिन दोनों दोस्त संग मिलकर एक बड़ी चोरी का प्लान करते हैं हालांकि उन्हें पता होता है कि चोरी को करने के लिए जो है इन्हें काफ़ी सारी मुसीबत का सामना ज़रूर करना पड़ेगा लेकिन फिर भी दोस्तों जो है वो इसे अंजाम देते हैं अब यहाँ पर दिल्ली के जो राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन होते हैं वहाँ पर वो जो चोरी जो करने वाले होते हैं जहाँ पर एक भ्रष्ट अफसर ने अपने जो करोड़ों का काला धन छुपा कर रखा होता है और उन्हीं पैसों से सुशांत और जैकलिन जो है चुराना चाहते हैं फिल्म की कहानी दोस्तों यही है साथ ही यहाँ पर इसका जो ट्रीटमेंट है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर आपको अच्छा लगेगा अब रेसिंग से लेकर चोरी का चोरी करने का और एक दूसरे के लिए चोरी के लिए जो क्लू छोड़ जाना ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेंगी ही इतना नहीं दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छे दृश्य भी देखने को मिलेंगे जो कि आपको कुछ पुरानी मूवीज़ की याद दिला देंगे जिसमें आप ऐसी रेसिंग और एक ऐसी चोरी की कहानी आप देखने देखने वाले हैं जो कि शायद आपने पहले ना देखी हो हालांकि यहाँ पर काफ़ी सारे सीन जो है वो आपको ऐसा लगेगा कि हम पहले देख चुके होंगे लेकिन फ़िल्म के अंदर वो सीन जो है इस मूवी के अंदर देखने में थोड़ा और मज़ा आता है अगर आप लोगों ने धूम टू देखी होगी तो शायद आपको याद होगा कि वहाँ पृतिक तो रौशन का उस फिल्म के अंदर चोरी करने का अंदाज़ एकदम अलग था इसके साथ ही वो हर चोरी के साथ अपनी निशानी छोड़कर जाते थे बस वही यहाँ पर पूरा सीक्वेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर भी जो फिल्म का हीरो हीरोइन होते हैं वो भी चोरी कर कुछ क्लू छोड़ते हैं अब मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये फ़िल्म रीमेक है लेकिन फिल्म के अंदर जो एक्टिंग है वो यहाँ पर जो सुशांत सिंह राजपूत इनकी बहुत ही बढ़िया है साथ ही में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम फ़िल्म के अंदर किया है और मूवी दोस्तों आपको जो है ज़रूर कोज कर सकती है अगर आप लोगों को रॉबरी या फिर ऐसी रेसिंग वाली मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो फिर डेफिनेटली ये मूवी दोस्तों आपको एक बार चेकआउट करनी चाहिए आपको अच्छी लगेंगी आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो और टी पर यह मूवी बहुत ही कम आती है तो आप इसे अभी तो शायद टी पर पता नहीं कब देख पाएंगे लेकिन हाँ आप इसे अभी नेटफ्लिक्स पर जो है इंजॉय कर सकते हैं फिलहाल ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर भी अनऑफिशली अवेलेबल है तो चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं लेकिन आपको वही बात है कि क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेंगी अगर आपको अच्छी क्वालिटी में देखना है तो आपको नेटफ्लिक्स पर जाना पड़ेगा जहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में मिलेंगी आप इस मूवी को ज़रूर देखिए आपको जो है कौन सा कैरेक्टर फिल्म के अंदर बढ़िया लगता है आप दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है ड्राइव और अगर आप लोग भी दोस्तों इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा करेंगे साथ ही में इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में डीप में बात करेंगे तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस फिल्म के बारे में क्या आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा इस फिल्म के अंदर क्या स्टोरी है गाने कैसे हैं इन सब के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों ड्राइव जो कि 2019 की बॉलीवुड की फिल्म है जिसके अंदर आपको क्राइम एक्शन देखने को मिलता है और इस मूवी का रन टाइम दो घंटे और सत्ताईस मिनट का है वहीं इस मूवी की जो आई है वो टेन आउट ऑफ थ्री की है और ये जो फ़िल्म थी रही थी दोस्तों इसे काफ़ी पसंद भी किया गया था और इस मूवी के कोई ना कोई आप लोगों ने जो टेटस ज़रूर देखी होगी शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि इस मूवी को डायरेक्ट रिलीज़ कर दिया गया था नेटफ्लिक्स पे ये मूवी दोस्तों सिनेमाघर में रिलीज़ नहीं हुई थी चलिए बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर हिंदी के अंदर अवेलेबल है क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं इनके बारे में चर्चा करते हैं दरअसल अगर आप ड्राई मूवी को यूटूब पर देखने की सोच रहे दोस्तों तो यूटूब पर यह मूवी शायद आपको मिल भी जाएंगी लेकिन आपको एच क्वालिटी में नहीं मिलेंगी हो सकता है उसकी क्वालिटी बेकार हो या फिर बैकग्राउंड के अंदर कोई म्यूजिक चल रहा हो अगर आपको इस मूवी को ऑफिशियल देखना है तो आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जहाँ पर दोस्तों ये मूवी आपको हिंदी के अंदर और वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी तो जाइए नेटफ्लिक्स पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को इंजॉय करिए आपको ये मूवी कैसी लगती है आप दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा वहीं अगर हम इस फिल्म के डायरेक्शन के बारे में दोस्तों बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है तरुण मनु सुखनी ने अगर हम इनकी थोड़ी और चर्चा करें तो इनकी एक मूवी आने वाली है फ्यूचर में जिसका नाम हाउसफुल फाइव रहने वाला है देखते हैं कि वो उनकी कैसी फिल्म रहती है हालांकि इससे पहले भी इन्होंने काफ़ी सारी फिल्में दोस्तों दे रखी हैं और वो दोस्तों ऑडियंस को जो है वो अच्छी भी लगी है तो ये वाली मूवी भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया रही है और ये भी फिल्म दोस्तों जो है ऑडियंस को पसंद ज़रूर आएंगी तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में साथ ही मैं आपको मैं कुछ फैक्ट इस मूवी के बारे में बताता हूँ जो फिल्म के अंदर लिडकास्ट कास्ट इसमें आपको सुशांत सिंह राजपूत जैकलिन विक्रमजीत विर्क सपना पडीम बोमन ईरानी पंकज त्रिपाठी रमेश खन्ना कुश्ताभ कुमार विभा चिबार इसके अलावा पनीजा रहमाना और ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं और इस मूवी के अंदर जो हीरो है इनकी एक्टिंग भी काफ़ी बढ़िया है जिनका नाम समर रहता है हालांकि वो भी इस दुनिया के अंदर तो नहीं रहे हैं लेकिन उनकी मूवीज़ दोस्तों आज भी याद की जाती हैं ये फिल्म दोस्तों काफ़ी अच्छी मुझे लगी है और मुझे ये भी उम्मीद है कि जब आप इस मूवी को देखने बैठेंगे तो ये मूवी आपको भी शायद अच्छी लगेंगी तो चलिए दोस्तों एक नज़र इस मूवी की कहानी की तरफ डाल लेते हैं और जानते हैं कि फ़िल्म की कहानी जो है वो किस प्रकार की है क्या सी इस मूवी के अंदर वी है इन सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं दरअसल दोस्तों इस फिल्म की कहानी जो है वो क्या है ये तो शायद आप लोग इसका ट्रेलर देख थोड़ा बहुत जो है प्रेडिक कर सकते हैं लेकिन अगर पूरी आपको फिल्म पूरी कहानी जाननी है तो इसके लिए तो आपको हर मूवी ही देखनी पड़ेगी दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको जो है वो एक रेस भी देखने को मिलती है जिसे मतलब एक यहाँ पर एक हीरो है और एक और भी किरदार है जिसे रेसिंग का शौक़ होता है अब जो सुशानिंग राजपूत है वो यहाँ पर एक मिस्टेरियस लड़के किरदार में आपको देखने को मिलते हैं जिनका पूरा जिनके नाम पर पूरी फिल्म बता ही नहीं गया है अब उन्हें अंत तक जो है वो मिस्टर शर्मा शर्मा ज़रूर कहा जा सकता है अब जो ताका है जो तारा है यानी कि जैकलिन अब इनके दोस्त होते हैं विक्की यानी कि विक्रमजीत वीरक और नैना यानी कि सपना पब्बी जो कि काफ़ी फ्राड इंस फ्रॉड इंसान होते हैं सुशांत और जैकलिन दोनों दोस्त संग मिलकर एक बड़ी चोरी का प्लान करते हैं हालांकि उन्हें पता होता है कि इस चोरी को करने के लिए जो है इन्हें काफ़ी सारी मुसीबत का सामना ज़रूर करना पड़ेगा लेकिन फिर भी दोस्तों जो है वो इसे अंजाम देते हैं अब यहाँ पर दिल्ली के जो राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन होते हैं वहाँ पर वो जो चोरी करने वाले होते हैं जहाँ पर एक भ्रष्ट अफसर ने अपने जो करोड़ों का काला धन छुपा कर रखा होता है और उन्हीं पैसों से सुशांत और जैकलिन जो है चुराना चाहते हैं फिल्म की कहानी दोस्तों यही है साथ ही यहाँ पर इसका जो ट्रीटमेंट है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर आपको अच्छा लगेगा अब रेसिंग से लेकर चोरी का चोरी करने का और एक दूसरे के लिए चोरी के लिए जो क्लू छोड़ जाना ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेंगी ही इतना नहीं दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छे दृश्य भी देखने को मिलेंगे जो कि आपको कुछ पुरानी मूवीज़ की याद दिला देंगे जिसमें आप ऐसी रेसिंग और एक ऐसी चोरी की कहानी आप देखने देखने वाले हैं जो कि शायद आपने पहले ना देखी हो हालांकि यहाँ पर काफ़ी सारे सीन जो है वो आपको ऐसा लगेगा कि हम पहले देख चुके होंगे लेकिन फ़िल्म के अंदर वो सीन जो है इस मूवी के अंदर देखने में थोड़ा और मज़ा आता है अगर आप लोगों ने धूम तो देखी होगी तो शायद आपको याद होगा कि वहाँ पृतिक रौशन का उस फिल्म के अंदर चोरी करने का अंदाज़ एकदम अलग था इसके साथ ही वो हर चोरी के साथ अपनी निशानी छोड़कर जाते थे बस वहीं यहाँ पर पूरा सीक्वेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर भी जो फिल्म का हीरो हिरोन होते हैं वो भी चोरी कर कुछ क्लू छोड़ते हैं अब मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये फिल्म रीमेक है लेकिन फिल्म के अंदर जो एक्टिंग है वो यहाँ पर जो सुशांत सिंह राजपूतन की बहुत ही बढ़िया है साथ ही में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम फिल्म के अंदर किया है और मूवी दोस्तों आपको जो है ज़रूर कुछ कर सकती है अगर आप लोगों को रॉबरी या फिर ऐसी रेसिंग वाली मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो फिर डेफ़िनेटली ये मूवी दोस्तों आपको एक बार चेकआउट करनी चाहिए आपको अच्छी लगेंगी आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो और टी पर ये मूवी बहुत ही कम आती है तो आप इसे अभी तो शायद टी पर पता नहीं कब देख पाएंगे लेकिन हाँ आप इसे अभी नेटफ्लिक्स पर जो है वो इन्जॉय कर सकते हैं फिलहाल ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर भी अनऑफिशियली अवेलेबल है तो चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं लेकिन आपको वही बात है कि क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेंगी अगर आपको अच्छी क्वालिटी में देखना है तो आपको नेटफ्लिक्स पर जाना पड़ेगा जहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में मिलेंगी आप इस मूवी को ज़रूर देखिए आपको जो है कौन सा कैरेक्टर फिल्म के अंदर बढ़िया लगता है आप दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है ड्राइव और अगर आप लोग भी दोस्तों इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा करेंगे साथ ही में इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में डीप में बात करेंगे तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस फिल्म के बारे में क्या आपको फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा इस फिल्म के अंदर क्या स्टोरी है गाने कैसे हैं इन सब के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों ड्राइव जो कि 2019 की बॉलीवुड की फिल्म है जिसके अंदर आपको क्राइम एक्शन देखने को मिलता है और इस मूवी का रन टाइम दो घंटे और 27 मिनट का है वहीं इस मूवी की जो आईएमडीबी है वो 10 आउट ऑफ 3.2 की है और ये जो फ़िल्म थी रही थी दोस्तों इसे काफ़ी पसंद भी किया गया था और इस मूवी के कोई ना कोई आप लोगों ने जो टेटस ज़रूर देखी होगी शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि इस मूवी को डायरेक्ट रिलीज़ कर दिया गया था नेटफ्लिक्स पे, ये मूवी दोस्तों सिनेमाघर में रिलीज़ नहीं हुई थी चलिए बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर हिंदी के अंदर अवेलेबल है क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं इनके बारे में चर्चा करते हैं दरअसल अगर आप ड्राई मूवी को यूटूब पर देखने की सोच रहे दोस्तों तो यूट्यूब पर यह मूवी शायद आपको मिल भी जाएंगी लेकिन आपको एच क्वालिटी में नहीं मिलेंगी हो सकता है उसकी क्वालिटी बेकार हो या फिर बैकग्राउंड के अंदर कोई म्यूज़िक चल रहा हो अगर आपको इस मूवी को ऑफिशियल देखना है तो आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जहाँ पर दोस्तों ये मूवी आपको हिंदी के अंदर और वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी तो जाइए नेटफ़्लिक्स पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को एंजॉय करिए आपको ये मूवी कैसी लगती है आप दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा वहीं अगर हम इस फिल्म के डायरेक्शन के बारे में दोस्तों बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है तरुण मनुसुखनी ने अगर हम इनकी थोड़ी और चर्चा करें तो इनकी एक मूवी आने वाली है फ्यूचर में जिसका नाम हाउसफुल फाइव रहने वाला है देखते हैं कि वो इनकी कैसी फिल्म रहती है हालांकि इससे पहले भी इन्होंने काफ़ी सारी फिल्में दोस्तों दे रखी हैं और वो दोस्तों ऑडियंस को जो है वो अच्छी भी लगी है तो ये वाली मूवी भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया रही है और ये भी फिल्म दोस्तों जो है ऑडियंस को पसंद ज़रूर आएँगी तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में साथ ही मैं आपको मैं कुछ फैक्ट इस मूवी के बारे में बताता हूँ जो फिल्म के अंदर लीड कास्ट इसमें आपको सुशांत सिंह राजपूत जैकलिन विक्रमजीत विरक सपना पडीम बोमन ईरानी पंकज त्रिपाठी रमेश खन्ना कुस्ताब कुमार विभा चिबार इसके अलावा पनीजा रहमाना और ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं और इस मूवी के अंदर जो हीरो है इनकी एक्टिंग भी काफ़ी बढ़िया है जिनका नाम समर रहता है हालांकि वो भी इस दुनिया के अंदर तो नहीं रहे हैं लेकिन उनकी मूवीज़ दोस्तों आज भी याद की जाती हैं ये फिल्म दोस्तों काफ़ी अच्छी मुझे लगी है और मुझे ये भी उम्मीद है कि जब आप इस मूवी को देखने बैठेंगे तो ये मूवी आपको भी शायद अच्छी लगेंगी तो चलिए दोस्तों एक नज़र इस मूवी की कहानी की तरफ़ डाल लेते हैं और जानते हैं कि फ़िल्म की कहानी जो है वो किस प्रकार की है क्या सी इस मूवी के अंदर वी एफ एक्स है इन सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं दरअसल दोस्तों इस फिल्म की कहानी जो है वो क्या है ये तो शायद आप लोग इसका ट्रेलर देख कर थोड़ा बहुत जो है प्रडिक कर सकते हैं लेकिन अगर पूरी आपको फिल्म पूरी कहानी जाननी है तो इसके लिए तो आपको हर मूवी ही देखनी पड़ेंगी दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको जो है वो एक रेस भी देखने को मिलती है जिसे मतलब एक यहाँ पर एक हीरो है और एक और भी किरदार है जिसे रेसिंग का शौक़ होता है अब जो सुसानिंग राजपूत है वो यहाँ पर एक मिस्टेरियस लड़के किरदार में आपको देखने को मिलते हैं जिनका पूरा जिनके नाम पर पूरी फिल्म बता ही नहीं गया है अब उन्हें अंत तक जो है वो मिस्टर शर्मा शर्मा ज़रूर कहा जा सकता है अब जो ताका है जो तारा है यानी कि जैकलिन अब इनके दोस्त होते हैं विक्की यानी कि विक्रमजीत वीरक और नैना यानी कि सपना पब्बी जो कि काफ़ी फ्राड फ्रॉड इंसान होते हैं सुशांत और जैकलिन दोनों दोस्त संग मिलकर एक बड़ी चोरी का प्लान करते हैं हालांकि उन्हें पता होता है कि चोरी को करने के लिए जो है इन्हें काफ़ी सारी मुसीबत का सामना जरूर करना पड़ेगा लेकिन फिर भी दोस्तों जो है वो इसे अंजाम देते हैं अब यहाँ पर दिल्ली के जो राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन होते हैं वहाँ पर वो जो चोरी जो करने वाले होते हैं जहाँ पर एक भ्रष्ट अफसर ने अपने जो करोड़ों का काला धन छुपा कर रखा होता है और उन्हीं पैसों से सुशांत और जैकलिन जो है चुराना चाहते हैं फिल्म की कहानी दोस्तों यही है साथ ही यहाँ पर इसका जो ट्रीटमेंट है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर आपको अच्छा लगेगा अब रेसिंग से लेकर चोरी का चोरी करने का और एक दूसरे के लिए चोरी के लिए जो क्लू छोड़ जाना ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेंगी ही इतना नहीं दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छे दृश्य भी देखने को मिलेंगे जो कि आपको कुछ पुरानी मूवीज़ की याद दिला देंगे जिसमें आप ऐसी रेसिंग और एक ऐसी चोरी की कहानी आप देखने देखने वाले हैं जो कि शायद आपने पहले ना देखी हो हालांकि यहाँ पर काफ़ी सारे सीन जो है वो आपको ऐसा लगेगा कि हम पहले देख चुके होंगे लेकिन फ़िल्म के अंदर वो सीन जो है इस मूवी के अंदर देखने में थोड़ा और मज़ा आता है अगर आप लोगों ने धूम तो देखी होगी तो शायद आपको याद होगा कि वहाँ पृत्युक तो रौशन का उस फिल्म के अंदर चोरी करने का अंदाज़ एकदम अलग था इसके साथ ही वो हर चोरी के साथ अपनी निशानी छोड़कर जाते थे बस वही यहाँ पर पूरा सीक्वेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर भी जो फिल्म का हीरो हीरोइन होते हैं वो भी चोरी कर कुछ क्लू छोड़ते हैं अब मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये फिल्म रीमेक है लेकिन फिल्म के अंदर जो एक्टिंग है वो यहाँ पर जो सुशांत सिंह राजपूत इनकी बहुत ही बढ़िया है साथ ही में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम फिल्म के अंदर किया है और मूवी दोस्तों आपको जो है जरूर कुछ कर सकती है अगर आप लोगों को रॉबरी या फिर ऐसी रेसिंग वाली मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो फिर डेफ़िनेटली ये मूवी दोस्तों आपको एक बार चेकआउट करनी चाहिए आपको अच्छी लगेंगी आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो और टी पर यह मूवी बहुत ही कम आती है तो आप इसे अभी तो शायद टी पर पता नहीं कब देख पाएंगे लेकिन हाँ आप इसे अभी नेटफ्लिक्स पर जो है इंजॉय कर सकते हैं फिलहाल ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर भी अनऑफिशियली अवेलेबल है तो चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं लेकिन आपको वही बात है कि क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेंगी अगर आपको अच्छी क्वालिटी में देखना है तो आपको नेटफ्लिक्स पर जाना पड़ेगा जहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में मिलेंगी आप इस मूवी को ज़रूर देखिए आपको जो है कौन सा कैरेक्टर फिल्म के अंदर बढ़िया लगता है आप दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है ड्राइव और अगर आप लोग भी दोस्तों इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा करेंगे साथ ही में इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में डीप में बात करेंगे तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस फिल्म के बारे में क्या आपको फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा इस फिल्म के अंदर क्या स्टोरी है गाने कैसे हैं इन सब के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों ड्राइव जो कि 2019 की बॉलीवुड की फिल्म है जिसके अंदर आपको क्राइम एक्शन देखने को मिलता है और इस मूवी का रन टाइम दो घंटे और 27 मिनट का है वहीं इस मूवी की जो आईएमडीबी है वो 10 आउट ऑफ 3.2 की है और ये जो फ़िल्म थी रही थी दोस्तों इसे काफ़ी पसंद भी किया गया था और इस मूवी के कोई ना कोई आप लोगों ने जो टेटस ज़रूर देखी होगी शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि इस मूवी को डायरेक्ट रिलीज़ कर दिया गया था नेटफ्लिक्स पे, ये मूवी दोस्तों सिनेमाघर में रिलीज़ नहीं हुई थी चलिए बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर हिंदी के अंदर अवेलेबल है क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं इनके बारे में चर्चा करते हैं दरअसल अगर आप ड्राई मूवी को यूटूब पर देखने की सोच रहे दोस्तों तो यूटूब पर यह मूवी शायद आपको मिल भी जाएंगी लेकिन आपको एच क्वालिटी में नहीं मिलेंगी हो सकता है उसकी क्वालिटी बेकार हो या फिर बैकग्राउंड के अंदर कोई म्यूजिक चल रहा हो अगर आपको इस मूवी को ऑफिशियल देखना है तो आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जहाँ पर दोस्तों ये मूवी आपको हिंदी के अंदर और वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी तो जाइए नेटफ्लिक्स पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को इंजॉय करिए आपको ये मूवी कैसी लगती है आप दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा वहीं अगर हम इस फिल्म के डायरेक्शन के बारे में दोस्तों बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है तरुण मनुसुखनी ने अगर हम इनकी थोड़ी और चर्चा करें तो इनकी एक मूवी आने वाली है फ्यूचर में जिसका नाम हाउसफुल फाइव रहने वाला है देखते हैं कि वो उनकी कैसी फिल्म रहती है हालांकि इससे पहले भी इन्होंने काफ़ी सारी फिल्में दोस्तों दे रखी हैं और वो दोस्तों ऑडियंस को जो है वो अच्छी भी लगी है तो ये वाली मूवी भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया रही है और ये भी फिल्म दोस्तों जो है ऑडियंस को पसंद ज़रूर आएंगी तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में साथ ही मैं आपको मैं कुछ फैक्ट इस मूवी के बारे में बताता हूँ जो फिल्म के अंदर लिड कास्ट इसमें आपको सुशांत सिंह राजपूत जैकलिन विक्रमजीत विर्क सपना पडीम बमन ईरानी पंकज त्रिपाठी रमेश खन्ना कुस्ताब कुमार विभा चिबार इसके अलावा पनीजा रहमाना और ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं और इस मूवी के अंदर जो हीरो है इनकी एक्टिंग भी काफ़ी बढ़िया है जिनका नाम समर रहता है हालांकि वो भी इस दुनिया के अंदर तो नहीं रहे हैं लेकिन उनकी मूवीज़ दोस्तों आज भी याद की जाती हैं ये फिल्म दोस्तों काफ़ी अच्छी मुझे लगी है और मुझे ये भी उम्मीद है कि जब आप इस मूवी को देखने बैठेंगे तो ये मूवी आपको भी शायद अच्छी लगेंगी तो चलिए दोस्तों एक नज़र इस मूवी की कहानी की तरफ डाल लेते हैं और जानते हैं कि फ़िल्म की कहानी जो है वो किस प्रकार की है क्या सी इस मूवी के अंदर वी है इन सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं दरअसल दोस्तों इस फिल्म की कहानी जो है वो क्या है ये तो शायद आप लोग इसका ट्रेलर देख थोड़ा बहुत जो है प्रेडिक कर सकते हैं लेकिन अगर पूरी आपको फिल्म पूरी कहानी जाननी है तो इसके लिए तो आपको हर मूवी ही देखनी पड़ेगी दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको जो है वो एक रेस भी देखने को मिलती है जिसे मतलब एक यहाँ पर एक हीरो है और एक और भी किरदार है जिसे रेसिंग का शौक़ होता है अब जो सुशान सिंह राजपूत है वो यहाँ पर एक मिस्टेरियस लड़के किरदार में आपको देखने को मिलते हैं जिनका पूरा जिनके नाम पर पूरी फिल्म बता ही नहीं गया है अब उन्हें अंत तक जो है वो मिस्टर शर्मा शर्मा ज़रूर कहा जा सकता है अब जो ताका है जो तारा है यानी कि जैकलिन अब इनके दोस्त होते हैं विकी यानी कि विक्रमजीत वीरक और नैना यानी कि सपना पब्बी जो कि काफ़ी फ्राड इंस फ्रॉड इंसान होते हैं सुशांत और जैकलिन दोनों दोस्त संग मिलकर एक बड़ी चोरी का प्लान करते हैं हालांकि उन्हें पता होता है कि इस चोरी को करने के लिए जो है इन्हें काफ़ी सारी मुसीबत का सामना ज़रूर करना पड़ेगा लेकिन फिर भी दोस्तों जो है वो इसे अंजाम देते हैं अब यहाँ पर दिल्ली के जो राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन होते हैं वहाँ पर वो जो चोरी जो करने वाले होते हैं जहाँ पर एक भ्रष्ट अफसर ने अपने जो करोड़ों का काला धन छुपा कर रखा होता है और उन्हीं पैसों से सुशांत और जैकलिन जो है चुराना चाहते हैं फिल्म की कहानी दोस्तों यही है साथ ही यहाँ पर इसका जो ट्रीटमेंट है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर आपको अच्छा लगेगा अब रेसिंग से लेकर चोरी का चोरी करने का और एक दूसरे के लिए चोरी के लिए जो क्लू छोड़ जाना ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेंगी ही इतना नहीं दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छे दृश्य भी देखने को मिलेंगे जो कि आपको कुछ पुरानी मूवीज़ की याद दिला देंगे जिसमें आप ऐसी रेसिंग और एक ऐसी चोरी की कहानी आप देखने देखने वाले हैं जो कि शायद आपने पहले ना देखी हो हालांकि यहाँ पर काफ़ी सारे सीन जो है वो आपको ऐसा लगेगा कि हम पहले देख चुके होंगे लेकिन फ़िल्म के अंदर वो सीन जो है इस मूवी के अंदर देखने में थोड़ा और मज़ा आता है अगर आप लोगों ने धूम तो देखी होगी तो शायद आपको याद होगा कि वहाँ पृतिक रौशन का उस फिल्म के अंदर चोरी करने का अंदाज़ एकदम अलग था इसके साथ ही वो हर चोरी के साथ अपनी निशानी छोड़कर जाते थे बस वहीं यहाँ पर पूरा सीक्वेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर भी जो फिल्म का हीरो हीरोइन होते हैं वो भी चोरी कर कुछ क्लू छोड़ते हैं अब मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये फिल्म रीमेक है लेकिन फिल्म के अंदर जो एक्टिंग है वो यहाँ पर जो सुशांत सिंह राजपूतन की बहुत ही बढ़िया है साथ ही में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम फिल्म के अंदर किया है और मूवी दोस्तों आपको जो है ज़रूर कुछ कर सकती है अगर आप लोगों को रॉबरी या फिर ऐसी रेसिंग वाली मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो फिर डेफ़िनेटली ये मूवी दोस्तों आपको एक बार चेकआउट करनी चाहिए आपको अच्छी लगेंगी आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो और टी पर ये मूवी बहुत ही कम आती है तो आप इसे अभी तो शायद टी पर पता नहीं कब देख पाएंगे लेकिन हाँ आप इसे अभी नेटफ्लिक्स पर जो है वो इन्जॉय कर सकते हैं फिलहाल ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर भी अनऑफिशियली अवेलेबल है तो चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं लेकिन आपको वही बात है कि क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेंगी अगर आपको अच्छी क्वालिटी में देखना है तो आपको नेटफ्लिक्स पर जाना पड़ेगा जहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में मिलेंगी आप इस मूवी को ज़रूर देखिए आपको जो है कौन सा कैरेक्टर फिल्म के अंदर बढ़िया लगता है आप दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है ड्राइव और अगर आप लोग भी दोस्तों इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा करेंगे साथ ही में इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में डीप में बात करेंगे तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस फिल्म के बारे में क्या आपको फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा इस फिल्म के अंदर क्या स्टोरी है गाने कैसे हैं इन सब के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों ड्राइव जो कि 2019 की बॉलीवुड की फिल्म है जिसके अंदर आपको क्राइम एक्शन देखने को मिलता है और इस मूवी का रन टाइम दो घंटे और सत्ताईस मिनट का है वहीं इस मूवी की जो आई है वो टेन आउट ऑफ थ्री की है और ये जो फ़िल्म थी रही थी दोस्तों इसे काफ़ी पसंद भी किया गया था और इस मूवी के कोई ना कोई आप लोगों ने जो टेटस ज़रूर देखी होगी शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि इस मूवी को डायरेक्ट रिलीज़ कर दिया गया था नेटफ्लिक्स पे, ये मूवी दोस्तों सिनेमाघर में रिलीज़ नहीं हुई थी चलिए बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर हिंदी के अंदर अवेलेबल है क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं इनके बारे में चर्चा करते हैं दरअसल अगर आप ड्राई मूवी को YouTube पर देखने की सोच रहे दोस्तों तो YouTube पर यह मूवी शायद आपको मिल भी जाएंगी लेकिन आपको एच क्वालिटी में नहीं मिलेंगी हो सकता है उसकी क्वालिटी बेकार हो या फिर बैकग्राउंड के अंदर कोई म्यूज़िक चल रहा हो अगर आपको इस मूवी को ऑफिशियल देखना है तो आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जहाँ पर दोस्तों ये मूवी आपको हिंदी के अंदर और वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी तो जाइए नेटफ्लिक्स पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को इंजॉय करिए आपको ये मूवी कैसी लगती है आप दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा वहीं अगर हम इस फिल्म के डायरेक्शन के बारे में दोस्तों बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है तरुण मनुसुखनी ने अगर हम इनकी थोड़ी और चर्चा करें तो इनकी एक मूवी आने वाली है फ्यूचर में जिसका नाम हाउसफुल फाइव रहने वाला है देखते हैं कि वो इनकी कैसी फिल्म रहती है हालांकि इससे पहले भी इन्होंने काफ़ी सारी फिल्में दोस्तों दे रखी हैं और वो दोस्तों ऑडियंस को जो है वो अच्छी भी लगी है तो ये वाली मूवी भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया रही है और ये भी फिल्म दोस्तों जो है ऑडियंस को पसंद ज़रूर आएँगी तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में साथ ही मैं आपको मैं कुछ फैक्ट इस मूवी के बारे में बताता हूँ जो फिल्म के अंदर लेडकास्ट कास्ट इसमें आपको सुशांत सिंह राजपूत जैकलिन विक्रमजीत विरक सपना पडीम बोमन ईरानी पंकज त्रिपाठी रमेश खन्ना कुस्ताब कुमार विभा चिबार इसके अलावा पनीजा रहमाना और ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं और इस मूवी के अंदर जो हीरो है इनकी एक्टिंग भी काफ़ी बढ़िया है जिनका नाम समर रहता है हालांकि वो भी इस दुनिया के अंदर तो नहीं रहे हैं लेकिन उनकी मूवीज़ दोस्तों आज भी याद की जाती हैं ये फिल्म दोस्तों काफ़ी अच्छी मुझे लगी है और मुझे ये भी उम्मीद है कि जब आप इस मूवी को देखने बैठेंगे तो ये मूवी आपको भी शायद अच्छी लगेंगी तो चलिए दोस्तों एक नज़र इस मूवी की कहानी की तरफ डाल लेते हैं और जानते हैं कि फ़िल्म की कहानी जो है वो किस प्रकार की है क्या सी इस मूवी के अंदर वी एफ एक्स है इन सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं दरअसल दोस्तों इस फिल्म की कहानी जो है वो क्या है ये तो शायद आप लोग इसका ट्रेलर देख कर थोड़ा बहुत जो है प्रडिक कर सकते हैं लेकिन अगर पूरी आपको फिल्म पूरी कहानी जाननी है तो इसके लिए तो आपको हर मूवी ही देखनी पड़ेंगी दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको जो है वो एक रेस भी देखने को मिलती है जिसे मतलब एक यहाँ पर एक हीरो है और एक और भी किरदार है जिसे रेसिंग का शौक़ होता है अब जो सुसानिंग राजपूत है वो यहाँ पर एक मिस्टेरियस लड़के किरदार में आपको देखने को मिलते हैं जिनका पूरा जिनके नाम पर पूरी फिल्म बता ही नहीं गया है अब उन्हें अंत तक जो है वो मिस्टर शर्मा शर्मा ज़रूर कहा जा सकता है अब जो ताका है जो तारा है यानी कि जैकलिन अब इनके दोस्त होते हैं विक्की यानी कि विक्रमजीत वीरक और नैना यानी कि सपना पब्बी जो कि काफ़ी फ्राड फ्रॉड इंसान होते हैं सुशांत और जैकलिन दोनों दोस्त संग मिलकर एक बड़ी चोरी का प्लान करते हैं हालांकि उन्हें पता होता है कि चोरी को करने के लिए जो है इन्हें काफ़ी सारी मुसीबत का सामना ज़रूर करना पड़ेगा लेकिन फिर भी दोस्तों जो है वो इसे अंजाम देते हैं अब यहाँ पर दिल्ली के जो राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन होते हैं वहाँ पर वो जो चोरी जो करने वाले होते हैं जहाँ पर एक भ्रष्ट अफसर ने अपने जो करोड़ों का काला धन छुपा कर रखा होता है और उन्हीं पैसों से सुशांत और जैकलिन जो है चुराना चाहते हैं फिल्म की कहानी दोस्तों यही है साथ ही यहाँ पर इसका जो ट्रीटमेंट है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर आपको अच्छा लगेगा अब रेसिंग से लेकर चोरी का चोरी करने का और एक दूसरे के लिए चोरी के लिए जो क्लू छोड़ जाना ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेंगी ही इतना ही दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छे दृश्य भी देखने को मिलेंगे जो कि आपको कुछ पुरानी मूवीज़ की याद दिला देंगे जिसमें आप ऐसी रेसिंग और एक ऐसी चोरी की कहानी आप देखने देखने वाले हैं जो कि शायद आपने पहले ना देखी हो हालांकि यहाँ पर काफ़ी सारे सीन जो है वो आपको ऐसा लगेगा कि हम पहले देख चुके होंगे लेकिन फिल्म के अंदर वो सीन जो है इस मूवी के अंदर देखने में थोड़ा और मज़ा आता है अगर आप लोगों ने धूम तो देखी होगी तो शायद आपको याद होगा कि वहाँ पृत्युक तो रौशन का उस फिल्म के अंदर चोरी करने का अंदाज़ एकदम अलग था इसके साथ ही वो हर चोरी के साथ अपनी निशानी छोड़कर जाते थे बस वहीं यहाँ पर पूरा सीक्वेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर भी जो फिल्म का हीरो हीरोइन होते हैं वो भी चोरी कर कर कुछ क्लू छोड़ते हैं अब मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये फिल्म रीमेक है लेकिन फिल्म के अंदर जो एक्टिंग है वो यहाँ पर जो सुशांत सिंह राजपूत इनकी बहुत ही बढ़िया है साथ ही में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम फिल्म के अंदर किया है और मूवी दोस्तों आपको जो है जरूर कुछ कर सकती है अगर आप लोगों को रॉबरी या फिर ऐसी रेसिंग वाली मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो फिर डेफ़िनेटली मूवी दोस्तों आपको एक बार चेकआउट करनी चाहिए आपको अच्छी लगेंगी आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो और टी पर यह मूवी बहुत ही कम आती है तो आप इसे अभी तो शायद टी पर पता नहीं कब देख पाएंगे लेकिन हाँ आप इसे अभी नेटफ्लिक्स पर जो है इंजॉय कर सकते हैं फिलहाल ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर भी अनऑफिशियली अवेलेबल है तो चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं लेकिन आपको वही बात है कि क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेंगी अगर आपको अच्छी क्वालिटी में देखना है तो आपको नेटफ्लिक्स पर जाना पड़ेगा जहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में मिलेंगी आप इस मूवी को ज़रूर देखिए आपको जो है कौन सा कैरेक्टर फिल्म के अंदर बढ़िया लगता है आप दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है ड्राइव और अगर आप लोग भी दोस्तों इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा करेंगे साथ ही में इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में डीप में बात करेंगे तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस फिल्म के बारे में क्या आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा इस फिल्म के अंदर क्या स्टोरी है गाने कैसे हैं इन सब के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों ड्राइव जो कि 2019 की बॉलीवुड की फिल्म है जिसके अंदर आपको क्राइम एक्शन देखने को मिलता है और इस मूवी का रन टाइम दो घंटे और 27 मिनट का है वहीं इस मूवी की जो आईएमडीबी है वो 10 आउट ऑफ 3.2 की है और ये जो फ़िल्म थी रही थी दोस्तों इसे काफ़ी पसंद भी किया गया था और इस मूवी के कोई ना कोई आप लोगों ने जो टेटस ज़रूर देखी होगी शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि इस मूवी को डायरेक्ट रिलीज़ कर दिया गया था नेटफ्लिक्स पे, ये मूवी दोस्तों सिनेमा घर में रिलीज़ नहीं हुई थी चलिए बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर हिंदी के अंदर अवेलेबल है क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं इनके बारे में चर्चा करते हैं दरअसल अगर आप ड्राई मूवी को यूटूब पर देखने की सोच रहे दोस्तों तो यूटूब पर यह मूवी शायद आपको मिल भी जाएंगी लेकिन आपको एच क्वालिटी में नहीं मिलेंगी हो सकता है उसकी क्वालिटी बेकार हो या फिर बैकग्राउंड के अंदर कोई म्यूज़िक चल रहा हो अगर आपको इस मूवी को ऑफिशियल देखना है तो आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जहाँ पर दोस्तों ये मूवी आपको हिंदी के अंदर और वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी तो जाइए नेटफ्लिक्स पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को इंजॉय करिए आपको ये मूवी कैसी लगती है आप दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा वहीं अगर हम इस फिल्म के डायरेक्शन के बारे में दोस्तों बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है तरुण मनुसुखनी ने अगर हम इनकी थोड़ी और चर्चा करें तो इनकी एक मूवी आने वाली है फ्यूचर में जिसका नाम हाउसफुल फाइव रहने वाला है देखते हैं कि वो इनकी कैसी फिल्म रहती है हालांकि इससे पहले भी इन्होंने काफ़ी सारी फिल्में दोस्तों दे रखी हैं और वो दोस्तों ऑडियंस को जो है वो अच्छी भी लगी है तो ये वाली मूवी भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया रही है और ये भी फिल्म दोस्तों जो है ऑडियंस को पसंद ज़रूर आएँगी तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में साथ ही मैं आपको मैं कुछ फैक्ट इस मूवी के बारे में बताता हूँ जो फिल्म के अंदर लीड कास्ट इसमें आपको सुशांत सिंह राजपूत जैकलिन विक्रमजीत विर्क सपना पडीम बोमन ईरानी पंकज त्रिपाठी रमेश खन्ना कुश्ताभ कुमार विभा चिबार इसके अलावा पनीजा रहमाना और ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं और इस मूवी के अंदर जो हीरो है इनकी एक्टिंग भी काफ़ी बढ़िया है जिनका नाम समर रहता है हालांकि वो भी इस दुनिया के अंदर तो नहीं रहे हैं लेकिन उनकी मूवीज़ दोस्तों आज भी याद की जाती हैं ये फिल्म दोस्तों काफ़ी अच्छी मुझे लगी है और मुझे ये भी उम्मीद है कि जब आप इस मूवी को देखने बैठेंगे तो ये मूवी आपको भी शायद अच्छी लगेंगी तो चलिए दोस्तों एक नज़र इस मूवी की कहानी की तरफ डाल लेते हैं और जानते हैं कि फ़िल्म की कहानी जो है वो किस प्रकार की है क्या सी इस मूवी के अंदर वी है इन सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं दरअसल दोस्तों इस फिल्म की कहानी जो है वो क्या है ये तो शायद आप लोग इसका ट्रेलर देख थोड़ा बहुत जो है प्रेडिक कर सकते हैं लेकिन अगर पूरी आपको फिल्म पूरी कहानी जाननी है तो इसके लिए तो आपको हर मूवी ही देखनी पड़ेंगी दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको जो है वो एक रेस भी देखने को मिलती है जिसे मतलब एक यहाँ पर एक हीरो है और एक और भी किरदार है जिसे रेसिंग का शौक़ होता है अब जो सुशान राजपूत है वो यहाँ पर एक मिस्टेरियस लड़के किरदार में आपको देखने को मिलते हैं जिनका पूरा जिनके नाम पर पूरी फिल्म बता ही नहीं गया है अब उन्हें अंत तक जो है वो मिस्टर शर्मा शर्मा ज़रूर कहा जा सकता है अब जो ताका है जो तारा है यानी कि जैकलिन अब इनके दोस्त होते हैं विक्की यानी कि विक्रमजीत वीरक और नैना यानी कि सपना पब्बी जो कि काफ़ी फ्राड इंस फ्रॉड इंसान होते हैं सुशांत और जैकलिन दोनों दोस्त संग मिलकर एक बड़ी चोरी का प्लान करते हैं हालांकि उन्हें पता होता है कि इस चोरी को करने के लिए जो है इन्हें काफ़ी सारी मुसीबत का सामना ज़रूर करना पड़ेगा लेकिन फिर भी दोस्तों जो है वो इसे अंजाम देते हैं अब यहाँ पर दिल्ली के जो राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन होते हैं वहाँ पर वो जो चोरी जो करने वाले होते हैं जहाँ पर एक भ्रष्ट अफसर ने अपने जो करोड़ों का काला धन छुपा कर रखा होता है और उन्हीं पैसों से सुशांत और जैकलिन जो है चुराना चाहते हैं फिल्म की कहानी दोस्तों यही है साथ ही यहाँ पर इसका जो ट्रीटमेंट है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर आपको अच्छा लगेगा अब रेसिंग से लेकर चोरी का चोरी करने का और एक दूसरे के लिए चोरी के लिए जो क्लू छोड़ जाना ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेंगी इतना नहीं दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छे दृश्य भी देखने को मिलेंगे जो कि आपको कुछ पुरानी मूवीज़ की याद दिला देंगे जिसमें आप ऐसी रेसिंग और एक ऐसी चोरी की कहानी आप देखने देखने वाले हैं जो कि शायद आपने पहले ना देखी हो हालांकि यहाँ पर काफ़ी सारे सीन जो है वो आपको ऐसा लगेगा कि हम पहले देख चुके होंगे लेकिन फ़िल्म के अंदर वो सीन जो है इस मूवी के अंदर देखने में थोड़ा और मज़ा आता है अगर आप लोगों ने धूम टू देखी होगी तो शायद आपको याद होगा कि वहाँ पृत्युक रौशन का उस फिल्म के अंदर चोरी करने का अंदाज़ एकदम अलग था इसके साथ ही वो हर चोरी के साथ अपनी निशानी छोड़कर जाते थे बस वहीं यहाँ पर पूरा सीक्वेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर भी जो फिल्म का हीरो हीरोइन होते हैं वो भी चोरी कर कर कुछ क्लू छोड़ते हैं अब मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये फिल्म रीमेक है लेकिन फिल्म के अंदर जो एक्टिंग है वो यहाँ पर जो सुशांत सिंह राजपूत इनकी बहुत ही बढ़िया है साथ ही में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम फिल्म के अंदर किया है और मूवी दोस्तों आपको जो है ज़रूर कोज कर सकती है अगर आप लोगों को रॉबरी या फिर ऐसी रेसिंग वाली मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो फिर डेफिनेटली ये मूवी दोस्तों आपको एक बार चेकआउट करनी चाहिए आपको अच्छी लगेंगी आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो और टी पर यह मूवी बहुत ही कम आती है तो आप इसे अभी तो शायद टी पर पता नहीं कब देख पाएंगे लेकिन हाँ आप इसे अभी नेटफ्लिक्स पर जो है इन्जॉय कर सकते हैं फिलहाल ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर भी अनऑफिशियली अवेलेबल है तो चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं लेकिन आपको वही बात है कि क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेंगी अगर आपको अच्छी क्वालिटी में देखना है तो आपको नेटफ्लिक्स पर जाना पड़ेगा जहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में मिलेंगी आप इस मूवी को ज़रूर देखिए आपको जो है कौन सा कैरेक्टर फिल्म के अंदर बढ़िया लगता है आप दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है ड्राइव और अगर आप लोग भी दोस्तों इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा करेंगे साथ ही में इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में डीप में बात करेंगे तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस फिल्म के बारे में क्या आपको फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा इस फिल्म के अंदर क्या स्टोरी है गाने कैसे हैं इन सब के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों ड्राइव जो कि 2019 की बॉलीवुड की फिल्म है जिसके अंदर आपको क्राइम एक्शन देखने को मिलता है और इस मूवी का रन टाइम दो घंटे और 27 मिनट का है वहीं इस मूवी की जो आई है वो 10 आउट ऑफ 3.2 की है और ये जो फ़िल्म थी रही थी दोस्तों इसे काफ़ी पसंद भी किया गया था और इस मूवी के कोई ना कोई आप लोगों ने जो टेटस ज़रूर देखी होगी शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि इस मूवी को डायरेक्ट रिलीज़ कर दिया गया था नेटफ्लिक्स पे, ये मूवी दोस्तों सिनेमाघर में रिलीज़ नहीं हुई थी चलिए बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर हिंदी के अंदर अवेलेबल है क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं इनके बारे में चर्चा करते हैं दरअसल अगर आप ड्राई मूवी को यूटूब पर देखने की सोच रहे दोस्तों तो यूट्यूब पर यह मूवी शायद आपको मिल भी जाएंगी लेकिन आपको एच क्वालिटी में नहीं मिलेंगी हो सकता है उसकी क्वालिटी बेकार हो या फिर बैकग्राउंड के अंदर कोई म्यूज़िक चल रहा हो अगर आपको इस मूवी को ऑफिशियल देखना है तो आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जहाँ पर दोस्तों ये मूवी आपको हिंदी के अंदर और वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी तो जाइए नेटफ्लिक्स पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को एंजॉय करिए आपको ये मूवी कैसी लगती है आप दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा वहीं अगर हम इस फिल्म के डायरेक्शन के बारे में दोस्तों बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है तरुण मनु सुखनी ने अगर हम इनकी थोड़ी और चर्चा करें तो इनकी एक मूवी आने वाली है फ्यूचर में जिसका नाम हाउसफुल फाइव रहने वाला है देखते हैं कि वो इनकी कैसी फिल्म रहती है हालांकि इससे पहले भी इन्होंने काफ़ी सारी फिल्में दोस्तों दे रखी हैं और वो दोस्तों ऑडियंस को जो है वो अच्छी भी लगी है तो ये वाली मूवी भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया रही है और ये भी फिल्म दोस्तों जो है ऑडियंस को पसंद ज़रूर आएंगी तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में साथ ही मैं आपको मैं कुछ फैक्ट इस मूवी के बारे में बताता हूँ जो फिल्म के अंदर लेडकास्ट कास्ट इसमें आपको सुशांत सिंह राजपूत जैकलिन विक्रमजीत विरक सपना पडीम बोमन ईरानी पंकज त्रिपाठी रमेश खन्ना कुस्ताब कुमार विभा चिबार इसके अलावा पनीजा रहमाना और ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं और इस मूवी के अंदर जो हीरो है इनकी एक्टिंग भी काफ़ी बढ़िया है जिनका नाम समर रहता है हालांकि वो भी इस दुनिया के अंदर तो नहीं रहे हैं लेकिन उनकी मूवीज़ दोस्तों आज भी याद की जाती हैं ये फिल्म दोस्तों काफ़ी अच्छी मुझे लगी है और मुझे ये भी उम्मीद है कि जब आप इस मूवी को देखने बैठेंगे तो ये मूवी आपको भी शायद अच्छी लगेंगी तो चलिए दोस्तों एक नज़र इस मूवी की कहानी की तरफ डाल लेते हैं और जानते हैं कि फ़िल्म की कहानी जो है वो किस प्रकार की है क्या सी इस मूवी के अंदर वी एफ एक्स है इन सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं दरअसल दोस्तों इस फिल्म की कहानी जो है वो क्या है ये तो शायद आप लोग इसका ट्रेलर देख कर थोड़ा बहुत जो है प्रेडिक कर सकते हैं लेकिन अगर पूरी आपको फिल्म पूरी कहानी जाननी है तो इसके लिए तो आपको हर मूवी ही देखनी पड़ेंगी दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको जो है वो एक रेस भी देखने को मिलती है जिसे मतलब एक यहाँ पर एक हीरो है और एक और भी किरदार है जिसे रेसिंग का शौक़ होता है अब जो सुशान सिंह राजपूत है वो यहाँ पर एक मिस्टेरियस लड़के किरदार में आपको देखने को मिलते हैं जिनका पूरा जिनके नाम पर पूरी फिल्म बता ही नहीं गया है अब उन्हें अंत तक जो है वो मिस्टर शर्मा शर्मा ज़रूर कहा जा सकता है अब जो ताका है जो तारा है यानी कि जैकलिन अब इनके दोस्त होते हैं विक्की यानी कि विक्रमजीत वीरक और नैना यानी कि सपना पब्बी जो कि काफ़ी फ्राड फ्रॉड इंसान होते हैं सुशांत और जैकलिन दोनों दोस्त संग मिलकर एक बड़ी चोरी का प्लान करते हैं हालांकि उन्हें पता होता है कि चोरी को करने के लिए जो है इन्हें काफ़ी सारी मुसीबत का सामना ज़रूर करना पड़ेगा लेकिन फिर भी दोस्तों जो है वो इसे अंजाम देते हैं अब यहाँ पर दिल्ली के जो राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन होते हैं वहाँ पर वो जो चोरी जो करने वाले होते हैं जहाँ पर एक भ्रष्ट अफसर ने अपने जो करोड़ों का काला धन छुपा कर रखा होता है और उन्हीं पैसों से सुशांत और जैकलिन जो है चुराना चाहते हैं फिल्म की कहानी दोस्तों यही है साथ ही यहाँ पर इसका जो ट्रीटमेंट है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर आपको अच्छा लगेगा अब रेसिंग से लेकर चोरी का चोरी करने का और एक दूसरे के लिए चोरी के लिए जो क्लू छोड़ जाना ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेंगी ही इतना नहीं दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छे दृश्य भी देखने को मिलेंगे जो कि आपको कुछ पुरानी मूवीज़ की याद दिला देंगे जिसमें आप ऐसी रेसिंग और एक ऐसी चोरी की कहानी आप देखने देखने वाले हैं जो कि शायद आपने पहले ना देखी हो हालांकि यहाँ पर काफ़ी सारे सीन जो है वो आपको ऐसा लगेगा कि हम पहले देख चुके होंगे लेकिन फ़िल्म के अंदर वो सीन जो है इस मूवी के अंदर देखने में थोड़ा और मज़ा आता है अगर आप लोगों ने धूम तो देखी होगी तो शायद आपको याद होगा कि वहाँ पृतिक तो रौशन का उस फिल्म के अंदर चोरी करने का अंदाज़ एकदम अलग था इसके साथ ही वो हर चोरी के साथ अपनी निशानी छोड़कर जाते थे बस वही यहाँ पर पूरा सीक्वेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर भी जो फिल्म का हीरो हिरोन होते हैं वो भी चोरी कर कर कुछ क्लू छोड़ते हैं अब मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये फिल्म रीमेक है लेकिन फिल्म के अंदर जो एक्टिंग है वो यहाँ पर जो सुशांत सिंह राजपूत इनकी बहुत ही बढ़िया है साथ ही में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम फिल्म के अंदर किया है और मूवी दोस्तों आपको जो है जरूर कोज कर सकती है अगर आप लोगों को रॉबरी या फिर ऐसी रेसिंग वाली मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो फिर डेफिनेटली ये मूवी दोस्तों आपको एक बार चेकआउट करनी चाहिए आपको अच्छी लगेंगी आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो और टी पर यह मूवी बहुत ही कम आती है तो आप इसे अभी तो शायद टी पर पता नहीं कब देख पाएंगे लेकिन हाँ आप इसे अभी नेटफ्लिक्स पर जो है वो इन्जॉय कर सकते हैं फिलहाल ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर भी अनऑफिशियली अवेलेबल है तो चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं लेकिन आपको वही बात है कि क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेंगी अगर आपको अच्छी क्वालिटी में देखना है तो आपको नेटफ्लिक्स पर जाना पड़ेगा जहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में मिलेंगी आप इस मूवी को ज़रूर देखिए आपको जो है कौन सा कैरेक्टर फिल्म के अंदर बढ़िया लगता है आप दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है ड्राइव और अगर आप लोग भी दोस्तों इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा करेंगे साथ ही में इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में डीप में बात करेंगे तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस फिल्म के बारे में क्या आपको फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा इस फिल्म के अंदर क्या स्टोरी है गाने कैसे हैं इन सब के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों ड्राइव जो कि 2019 की बॉलीवुड की फिल्म है जिसके अंदर आपको क्राइम एक्शन देखने को मिलता है और इस मूवी का रन टाइम दो घंटे और 27 मिनट का है वहीं इस मूवी की जो आईएमडीबी है वो 10 आउट ऑफ 3.2 की है और ये जो फ़िल्म थी रही थी दोस्तों इसे काफ़ी पसंद भी किया गया था और इस मूवी के कोई ना कोई आप लोगों ने जो टेटस ज़रूर देखी होगी शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि इस मूवी को डायरेक्ट रिलीज़ कर दिया गया था नेटफ्लिक्स पे, ये मूवी दोस्तों सिनेमाघर में रिलीज़ नहीं हुई थी चलिए बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर हिंदी के अंदर अवेलेबल है क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं इनके बारे में चर्चा करते हैं दरअसल अगर आप ड्राई मूवी को यूटूब पर देखने की सोच रहे दोस्तों तो यूट्यूब पर यह मूवी शायद आपको मिल भी जाएंगी लेकिन आपको एच क्वालिटी में नहीं मिलेंगी हो सकता है उसकी क्वालिटी बेकार हो या फिर बैकग्राउंड के अंदर कोई म्यूज़िक चल रहा हो अगर आपको इस मूवी को ऑफिशियल देखना है तो आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जहाँ पर दोस्तों ये मूवी आपको हिंदी के अंदर और वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी तो जाइए नेटफ्लिक्स पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को इंजॉय करिए आपको ये मूवी कैसी लगती है आप दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा वहीं अगर हम इस फिल्म के डायरेक्शन के बारे में दोस्तों बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है तरुण मनु सुखनी ने अगर हम इनकी थोड़ी और चर्चा करें तो इनकी एक मूवी आने वाली है फ्यूचर में जिसका नाम हाउसफुल फाइव रहने वाला है देखते हैं कि वो इनकी कैसी फिल्म रहती है हालांकि इससे पहले भी इन्होंने काफ़ी सारी फ़िल्में दोस्तों दे रखी हैं और वो दोस्तों ऑडियंस को जो है वो अच्छी भी लगी है तो ये वाली मूवी भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया रही है और ये भी फिल्म दोस्तों जो है ऑडियंस को पसंद ज़रूर आएंगी तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में साथ ही मैं आपको मैं कुछ फैक्ट इस मूवी के बारे में बताता हूँ जो फिल्म के अंदर लीड कास्ट इसमें आपको सुशांत सिंह राजपूत जैकलिन विक्रमजीत विर्क सपना पडीम बोमन ईरानी पंकज त्रिपाठी रमेश खन्ना कुस्ताब कुमार विभा चिबार इसके अलावा पनीजा रहमाना और ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं और इस मूवी के अंदर जो हीरो है इनकी एक्टिंग भी काफ़ी बढ़िया है जिनका नाम समर रहता है हालांकि वो भी इस दुनिया के अंदर तो नहीं रहे हैं लेकिन उनकी मूवीज़ दोस्तों आज भी याद की जाती हैं ये फिल्म दोस्तों काफ़ी अच्छी मुझे लगी है और मुझे ये भी उम्मीद है कि जब आप इस मूवी को देखने बैठेंगे तो ये मूवी आपको भी शायद अच्छी लगेंगी तो चलिए दोस्तों एक नज़र इस मूवी की कहानी की तरफ डाल लेते हैं और जानते हैं कि फ़िल्म की कहानी जो है वो किस प्रकार की है क्या सी इस मूवी के अंदर वी है इन सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं दरअसल दोस्तों इस फिल्म की कहानी जो है वो क्या है ये तो शायद आप लोग इसका ट्रेलर देख थोड़ा बहुत जो है प्रडिक कर सकते हैं लेकिन अगर पूरी आपको फिल्म पूरी कहानी जाननी है तो इसके लिए तो आपको हर मूवी ही देखनी पड़ेंगी दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको जो है वो एक रेस भी देखने को मिलती है जिसे मतलब एक यहाँ पर एक हीरो है और एक और भी किरदार है जिसे रेसिंग का शौक़ होता है अब जो सुशान सिंह राजपूत है वो यहाँ पर एक मिस्टेरियस लड़के किरदार में आपको देखने को मिलते हैं जिनका पूरा जिनके नाम पर पूरी फिल्म बता ही नहीं गया है अब उन्हें अंत तक जो है वो मिस्टर शर्मा शर्मा ज़रूर कहा जा सकता है अब जो ताका है जो तारा है यानी कि जैकलिन अब इनके दोस्त होते हैं विकी यानी कि विक्रमजीत वीरक और नैना यानी ने कि सपना पब्बी जो कि काफ़ी फ्राड इंस फ्रॉड इंसान होते हैं सुशांत और जैकलिन दोनों दोस्त संग मिलकर एक बड़ी चोरी का प्लान करते हैं हालांकि उन्हें पता होता है कि इस चोरी को करने के लिए जो है इन्हें काफ़ी सारी मुसीबत का सामना ज़रूर करना पड़ेगा लेकिन फिर भी दोस्तों जो है वो इसे अंजाम देते हैं अब यहाँ पर दिल्ली के जो राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन होते हैं वहाँ पर वो जो चोरी जो करने वाले होते हैं जहाँ पर एक भ्रष्ट अफसर ने अपने जो करोड़ों का काला धन छुपा कर रखा होता है और उन्हीं पैसों से सुशांत और जैकलिन जो है चुराना चाहते हैं फिल्म की कहानी दोस्तों यही है साथ ही यहाँ पर इसका जो ट्रीटमेंट है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर आपको अच्छा लगेगा अब रेसिंग से लेकर चोरी का चोरी करने का और एक दूसरे के लिए चोरी के लिए जो क्लू छोड़ जाना ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेंगी ही इतना नहीं दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छे दृश्य भी देखने को मिलेंगे जो कि आपको कुछ पुरानी मूवीज़ की याद दिला देंगे जिसमें आप ऐसी रेसिंग और एक ऐसी चोरी की कहानी आप देखने देखने वाले हैं जो कि शायद आपने पहले ना देखी हो हालांकि यहाँ पर काफ़ी सारे सीन जो है वो आपको ऐसा लगेगा कि हम पहले देख चुके होंगे लेकिन इस फिल्म के अंदर वो सीन जो है इस मूवी के अंदर देखने में थोड़ा और मज़ा आता है अगर आप लोगों ने धूम टू देखी होगी तो शायद आपको याद होगा कि वहाँ पृत्युक तो रौशन का उस फिल्म के अंदर चोरी करने का अंदाज़ एकदम अलग था इसके साथ ही वो हर चोरी के साथ अपनी निशानी छोड़कर जाते थे बस वहीं यहाँ पर पूरा सीक्वेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर भी जो फिल्म का हीरो हीरोइन होते हैं वो भी चोरी कर कुछ क्लू छोड़ते हैं अब मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये फिल्म रीमेक है लेकिन फिल्म के अंदर जो एक्टिंग है वो यहाँ पर जो सुशांत सिंह राजपूत इनकी बहुत ही बढ़िया है साथ ही में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम फिल्म के अंदर किया है और मूवी दोस्तों आपको जो है ज़रूर कोच कर सकती है अगर आप लोगों को रॉबरी या फिर ऐसी रेसिंग वाली मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो फिर डेफिनेटली ये मूवी दोस्तों आपको एक बार चेकआउट करनी चाहिए आपको अच्छी लगेंगी आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो और टीवी पर ये मूवी बहुत ही कम आती है तो आप इसे अभी तो शायद टीवी पर पता नहीं कब देख पाएंगे लेकिन हाँ आप इसे अभी नेटफ्लिक्स पर जो है वो इंजॉय कर सकते हैं फिलहाल ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर भी अनऑफिशियली अवेलेबल है तो चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं लेकिन आपको वही बात है कि क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेंगी अगर आपको अच्छी क्वालिटी में देखना है तो आपको नेटफ्लिक्स पर जाना पड़ेगा जहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में मिलेंगी आप इस मूवी को ज़रूर देखिए आपको जो है कौन सा कैरेक्टर फिल्म के अंदर बढ़िया लगता है आप दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है ड्राइव और अगर आप लोग भी दोस्तों इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा करेंगे साथ ही में इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में डीप में बात करेंगे तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस फिल्म के बारे में क्या आपको फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा इस फिल्म के अंदर क्या स्टोरी है गाने कैसे हैं इन सब के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों ड्राइव जो कि 2019 की बॉलीवुड की फिल्म है जिसके अंदर आपको क्राइम एक्शन देखने को मिलता है और इस मूवी का रन टाइम दो घंटे और सत्ताईस मिनट का है वहीं इस मूवी की जो आई है वो टेन आउट ऑफ थ्री की है और ये जो फ़िल्म थी रही थी दोस्तों इसे काफ़ी पसंद भी किया गया था और इस मूवी के कोई ना कोई आप लोगों ने जो टेटस ज़रूर देखी होगी शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि इस मूवी को डायरेक्ट रिलीज़ कर दिया गया था नेटफ्लिक्स पे, ये मूवी दोस्तों सिनेमाघर में रिलीज़ नहीं हुई थी चलिए बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर हिंदी के अंदर अवेलेबल है क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं इनके बारे में चर्चा करते हैं दरअसल अगर आप ड्राई मूवी को यूटूब पर देखने की सोच रहे दोस्तों तो यूट्यूब पर यह मूवी शायद आपको मिल भी जाएंगी लेकिन आपको एच क्वालिटी में नहीं मिलेंगी हो सकता है उसकी क्वालिटी बेकार हो या फिर बैकग्राउंड के अंदर कोई म्यूज़िक चल रहा हो अगर आपको इस मूवी को ऑफिशियल देखना है तो आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जहाँ पर दोस्तों ये मूवी आपको हिंदी के अंदर और वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी तो जाइए नेटफ्लिक्स पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को एंजॉय करिए आपको ये मूवी कैसी लगती है आप दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा वहीं अगर हम इस फिल्म के डायरेक्शन के बारे में दोस्तों बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है तरुण मनुसुखनी ने अगर हम इनकी थोड़ी और चर्चा करें तो इनकी एक मूवी आने वाली है फ्यूचर में जिसका नाम हाउसफुल फाइव रहने वाला है देखते हैं कि वो इनकी कैसी फिल्म रहती है हालांकि इससे पहले भी इन्होंने काफ़ी सारी फिल्में दोस्तों दे रखी हैं और वो दोस्तों ऑडियंस को जो है वो अच्छी भी लगी है तो ये वाली मूवी भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया रही है और ये भी फ़िल्म दोस्तों जो है ऑडियंस को पसंद ज़रूर आएंगी तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में साथ ही मैं आपको मैं कुछ फैक्ट इस मूवी के बारे में बताता हूँ जो फिल्म के अंदर लेडकास्ट कास्ट इसमें आपको सुशांत सिंह राजपूत जैकलिन विक्रमजीत विर्क सपना पडीम बोमन ईरानी पंकज त्रिपाठी रमेश खन्ना कुस्ताब कुमार विभा चिबार इसके अलावा पनीजा रहमाना और ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं और इस मूवी के अंदर जो हीरो है इनकी एक्टिंग भी काफ़ी बढ़िया है जिनका नाम समर रहता है हालांकि वो भी इस दुनिया के अंदर तो नहीं रहे हैं लेकिन उनकी मूवीज़ दोस्तों आज भी याद की जाती हैं ये फिल्म दोस्तों काफ़ी अच्छी मुझे लगी है और मुझे ये भी उम्मीद है कि जब आप इस मूवी को देखने बैठेंगे तो ये मूवी आपको भी शायद अच्छी लगेंगी तो चलिए दोस्तों एक नज़र इस मूवी की कहानी की तरफ डाल लेते हैं और जानते हैं कि फ़िल्म की कहानी जो है वो किस प्रकार की है कैसे इस मूवी के अंदर वी है इन सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं दरअसल दोस्तों इस फिल्म की कहानी जो है वो क्या है ये तो शायद आप लोग इसका ट्रेलर देख थोड़ा बहुत जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं लेकिन अगर पूरी आपको फिल्म पूरी कहानी जाननी है तो इसके लिए तो आपको हर मूवी ही देखनी पड़ेंगी दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको जो है वो एक रेस भी देखने को मिलती है जिसे मतलब एक यहाँ पर एक हीरो है और एक और भी किरदार है जिसे रेसिंग का शौक़ होता है अब जो सुशान सिंह राजपूत है वो यहाँ पर एक मिस्टेरियस लड़के किरदार में आपको देखने को मिलते हैं जिनका पूरा जिनके नाम पर पूरी फिल्म बता ही नहीं गया है अब उन्हें अंत तक जो है वो मिस्टर शर्मा शर्मा ज़रूर कहा जा सकता है अब जो ताका है जो तारा है यानी कि जैकलिन अब इनके दोस्त होते हैं विक्की यानी कि विक्रमजीत वीरक और नैना यानी कि सपना पब्बी जो कि काफ़ी फ्राड फ्रॉड इंसान होते हैं सुशांत और जैकलिन दोनों दोस्त संग मिलकर एक बड़ी चोरी का प्लान करते हैं हालांकि उन्हें पता होता है कि चोरी को करने के लिए जो है इन्हें काफ़ी सारी मुसीबत का सामना ज़रूर करना पड़ेगा लेकिन फिर भी दोस्तों जो है वो इसे अंजाम देते हैं अब यहाँ पर दिल्ली के जो राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन होते हैं वहाँ पर वो जो चोरी जो करने वाले होते हैं जहाँ पर एक भ्रष्ट अफसर ने अपने जो करोड़ों का काला धन छुपा कर रखा होता है और उन्हीं पैसों से सुशांत और जैकलिन जो है चुराना चाहते हैं फिल्म की कहानी दोस्तों यही है साथ ही यहाँ पर इसका जो ट्रीटमेंट है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर आपको अच्छा लगेगा अब रेसिंग से लेकर चोरी का चोरी करने का और एक दूसरे के लिए चोरी के लिए जो क्लू छोड़ जाना ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेंगी ही इतना नहीं दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छे दृश्य भी देखने को मिलेंगे जो कि आपको कुछ पुरानी मूवीज़ की याद दिला देंगे जिसमें आप ऐसी रेसिंग और एक ऐसी चोरी की कहानी आप देखने देखने वाले हैं जो कि शायद आपने पहले ना देखी हो हालांकि यहाँ पर काफ़ी सारे सीन जो है वो आपको ऐसा लगेगा कि हम पहले देख चुके होंगे लेकिन फ़िल्म के अंदर वो सीन जो है इस मूवी के अंदर देखने में थोड़ा और मज़ा आता है अगर आप लोगों ने धूम तो देखी होगी तो शायद आपको याद होगा कि वहाँ पृतिक तो रौशन का उस फिल्म के अंदर चोरी करने का अंदाज़ एकदम अलग था इसके साथ ही वो हर चोरी के साथ अपनी निशानी छोड़कर जाते थे बस वही यहाँ पर पूरा सीक्वेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर भी जो फिल्म का हीरो हिरोन होते हैं वो भी चोरी कर कर कुछ क्लू छोड़ते हैं अब मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये फिल्म रीमेक है लेकिन फिल्म के अंदर जो एक्टिंग है वो यहाँ पर जो सुशांत सिंह राजपूत इनकी बहुत ही बढ़िया है साथ ही में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम फिल्म के अंदर किया है और मूवी दोस्तों आपको जो है जरूर कोस कर सकती है अगर आप लोगों को रॉबरी या फिर ऐसी रेसिंग वाली मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो फिर डेफ़िनेटली ये मूवी दोस्तों आपको एक बार चेकआउट करनी चाहिए आपको अच्छी लगेंगी आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो और टी पर यह मूवी बहुत ही कम आती है तो आप इसे अभी तो शायद टी पर पता नहीं कब देख पाएंगे लेकिन हाँ आप इसे अभी नेटफ्लिक्स पर जो है इंजॉय कर सकते हैं फिलहाल ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर भी अनोपिशली अवेलेबल है तो चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं लेकिन आपको वही बात है कि क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेंगी अगर आपको अच्छी क्वालिटी में देखना है तो आपको नेटफ्लिक्स पर जाना पड़ेगा जहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में मिलेंगी आप इस मूवी को ज़रूर देखिए आपको जो है कौन सा कैरेक्टर फिल्म के अंदर बढ़िया लगता है आप दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है ड्राइव और अगर आप लोग भी दोस्तों इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा करेंगे साथ ही में इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में डीप में बात करेंगे तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस फिल्म के बारे में क्या आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा इस फिल्म के अंदर क्या स्टोरी है गाने कैसे हैं इन सब के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों ड्राइव जो कि 2019 की बॉलीवुड की फिल्म है जिसके अंदर आपको क्राइम एक्शन देखने को मिलता है और इस मूवी का रन टाइम दो घंटे और सत्ताईस मिनट का है वहीं इस मूवी की जो आई है वो टेन आउट ऑफ थ्री की है और ये जो फिल्म थी रही थी दोस्तों इसे काफ़ी पसंद भी किया गया था और इस मूवी के कोई ना कोई आप लोगों ने जो टेटस ज़रूर देखी होगी शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि इस मूवी को डायरेक्ट रिलीज़ कर दिया गया था नेटफ्लिक्स पे ये मूवी दोस्तों सिनेमाघर में रिलीज़ नहीं हुई थी चलिए अब बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर हिंदी के अंदर अवेलेबल है क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं इनके बारे में चर्चा करते हैं दरअसल अगर आप ड्राई मूवी को यूटूब पर देखने की सोच रहे दोस्तों तो यूट्यूब पर यह मूवी शायद आपको मिल भी जाएंगी लेकिन आपको एच क्वालिटी में नहीं मिलेंगी हो सकता है उसकी क्वालिटी बेकार हो या फिर बैकग्राउंड के अंदर कोई म्यूज़िक चल रहा हो अगर आपको इस मूवी को ऑफिशियल देखना है तो आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जहाँ पर दोस्तों ये मूवी आपको हिंदी के अंदर और वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी तो जाइए नेटफ्लिक्स पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को इंजॉय करिए आपको ये मूवी कैसी लगती है आप दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा वहीं अगर हम इस फिल्म के डायरेक्शन के बारे में दोस्तों बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है तरुण मनुसुखनी ने अगर हम इनकी थोड़ी और चर्चा करें तो इनकी एक मूवी आने वाली है फ्यूचर में जिसका नाम हाउसफुल फाइव रहने वाला है देखते हैं कि वो उनकी कैसी फिल्म रहती है हालांकि इससे पहले भी इन्होंने काफ़ी सारी फिल्में दोस्तों दे रखी हैं और वो दोस्तों ऑडियंस को जो है वो अच्छी भी लगी है तो ये वाली मूवी भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया रही है और ये भी फिल्म दोस्तों जो है ऑडियंस को पसंद ज़रूर आएँगी तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में साथ ही मैं आपको मैं कुछ फैक्ट इस मूवी के बारे में बताता हूँ जो फिल्म के अंदर लेडकास्ट कास्ट इसमें आपको सुशांत सिंह राजपूत जैकलिन विक्रमजीत विर्क सपना पडीम बोमन ईरानी पंकज त्रिपाठी रमेश खन्ना कुस्ताब कुमार विभा चिबार इसके अलावा पनीजा रहमाना और ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं और इस मूवी के अंदर जो हीरो है इनकी एक्टिंग भी काफ़ी बढ़िया है जिनका नाम समर रहता है हालांकि वो भी इस दुनिया के अंदर तो नहीं रहे हैं लेकिन उनकी मूवीज़ दोस्तों आज भी याद की जाती हैं ये फिल्म दोस्तों काफ़ी अच्छी मुझे लगी है और मुझे ये भी उम्मीद है कि जब आप इस मूवी को देखने बैठेंगे तो ये मूवी आपको भी शायद अच्छी लगेंगी तो चलिए दोस्तों एक नज़र इस मूवी की कहानी की तरफ़ डाल लेते हैं और जानते हैं कि फ़िल्म की कहानी जो है वो किस प्रकार की है क्या सी इस मूवी के अंदर वी एफ एक्स है इन सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं दरअसल दोस्तों इस फिल्म की कहानी जो है वो क्या है ये तो शायद आप लोग इसका ट्रेलर देख कर थोड़ा बहुत जो है प्रडिक कर सकते हैं लेकिन अगर पूरी आपको फिल्म पूरी कहानी जाननी है तो इसके लिए तो आपको हर मूवी ही देखनी पड़ेंगी दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको जो है वो एक रेस भी देखने को मिलती है जिसे मतलब एक यहाँ पर एक हीरो है और एक और भी किरदार है जिसे रेसिंग का शौक़ होता है अब जो सुसानिंग राजपूत है वो यहाँ पर एक मिस्टेरियस लड़के किरदार में आपको देखने को मिलते हैं जिनका पूरा जिनके नाम पर पूरी फिल्म बता ही नहीं गया है अब उन्हें अंत तक जो है वो मिस्टर शर्मा शर्मा ज़रूर कहा जा सकता है अब जो ताका है जो तारा है यानी कि जैकलिन अब इनके दोस्त होते हैं विक्की यानी कि विक्रमजीत वीरक और नैना यानी कि सपना पब्बी जो कि काफ़ी फ्राड फ्रॉड इंसान होते हैं सुशांत और जैकलिन दोनों दोस्त संग मिलकर एक बड़ी चोरी का प्लान करते हैं हालांकि उन्हें पता होता है कि चोरी को करने के लिए जो है इन्हें काफ़ी सारी मुसीबत का सामना ज़रूर करना पड़ेगा लेकिन फिर भी दोस्तों जो है वो इसे अंजाम देते हैं अब यहाँ पर दिल्ली के जो राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन होते हैं वहाँ पर वो जो चोरी जो करने वाले होते हैं जहाँ पर एक भ्रष्ट अफसर ने अपने जो करोड़ों का काला धन छुपा कर रखा होता है और उन्हीं पैसों से सुशांत और जैकलिन जो है चुराना चाहते हैं फिल्म की कहानी दोस्तों यही है साथ ही यहाँ पर इसका जो ट्रीटमेंट है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर आपको अच्छा लगेगा अब रेसिंग से लेकर चोरी का चोरी करने का और एक दूसरे के लिए चोरी के लिए जो क्लू छोड़ जाना ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेंगी इतना नहीं दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छे दृश्य भी देखने को मिलेंगे जो कि आपको कुछ पुरानी मूवीज़ की याद दिला देंगे जिसमें आप ऐसी रेसिंग और एक ऐसी चोरी की कहानी आप देखने देखने वाले हैं जो कि शायद आपने पहले ना देखी हो हालांकि यहाँ पर काफ़ी सारे सीन जो है वो आपको ऐसा लगेगा कि हम पहले देख चुके होंगे लेकिन फ़िल्म के अंदर वो सीन जो है इस मूवी के अंदर देखने में थोड़ा और मज़ा आता है अगर आप लोगों ने धूम तो देखी होगी तो शायद आपको याद होगा कि वहाँ पृतिक रौशन का उस फिल्म के अंदर चोरी करने का अंदाज़ एकदम अलग था इसके साथ ही वो हर चोरी के साथ अपनी निशानी छोड़कर जाते थे बस वही यहाँ पर पूरा सीक्वेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर भी जो फिल्म का हीरो हीरोइन होते हैं वो भी चोरी कर कर कुछ क्लू छोड़ते हैं अब मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये फिल्म रीमेक है लेकिन फिल्म के अंदर जो एक्टिंग है वो यहाँ पर जो सुशांत सिंह राजपूत इनकी बहुत ही बढ़िया है साथ ही में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम फिल्म के अंदर किया है और मूवी दोस्तों आपको जो है ज़रूर कोस कर सकती है अगर आप लोगों को रॉबरी या फिर ऐसी रेसिंग वाली मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो फिर डेफिनेटली ये मूवी दोस्तों आपको एक बार चेकआउट करनी चाहिए आपको अच्छी लगेंगी आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो और टी पर यह मूवी बहुत ही कम आती है तो आप इसे अभी तो शायद टी पर पता नहीं कब देख पाएंगे लेकिन हाँ आप इसे अभी नेटफ्लिक्स पर जो है इंजॉय कर सकते हैं फिलहाल ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर भी अनऑफिशियली अवेलेबल है तो चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं लेकिन आपको वही बात है कि क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेंगी अगर आपको अच्छी क्वालिटी में देखना है तो आपको नेटफ्लिक्स पर जाना पड़ेगा जहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में मिलेंगी आप इस मूवी को ज़रूर देखिए आपको जो है कौन सा कैरेक्टर फिल्म के अंदर बढ़िया लगता है आप दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है ड्राइव और अगर आप लोग भी दोस्तों इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा करेंगे साथ ही में इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में डीप में बात करेंगे तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस फिल्म के बारे में क्या आपको फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा इस फिल्म के अंदर क्या स्टोरी है गाने कैसे हैं इन सब के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों ड्राइव जो कि 2019 की बॉलीवुड की फिल्म है जिसके अंदर आपको क्राइम एक्शन देखने को मिलता है और इस मूवी का रन टाइम दो घंटे और सत्ताईस मिनट का है वहीं इस मूवी की जो आई है वो टेन आउट ऑफ थ्री की है और ये जो फ़िल्म थी रही थी दोस्तों इसे काफ़ी पसंद भी किया गया था और इस मूवी के कोई ना कोई आप लोगों ने जो टेटस ज़रूर देखी होगी शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि इस मूवी को डायरेक्ट रिलीज़ कर दिया गया था नेटफ्लिक्स पे, ये मूवी दोस्तों सिनेमाघर में रिलीज़ नहीं हुई थी चलिए बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर हिंदी के अंदर अवेलेबल है क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं इनके बारे में चर्चा करते हैं दरअसल अगर आप ड्राई मूवी को YouTube पर देखने की सोच रहे दोस्तों तो YouTube पर यह मूवी शायद आपको मिल भी जाएंगी लेकिन आपको एच क्वालिटी में नहीं मिलेंगी हो सकता है उसकी क्वालिटी बेकार हो या फिर बैकग्राउंड के अंदर कोई म्यूजिक चल रहा हो अगर आपको इस मूवी को ऑफिशियल देखना है तो आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जहाँ पर दोस्तों ये मूवी आपको हिंदी के अंदर और वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी तो जाइए नेटफ्लिक्स पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को इंजॉय करिए आपको ये मूवी कैसी लगती है आप दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा वहीं अगर हम इस फिल्म के डायरेक्शन के बारे में दोस्तों बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है तरुण मनु सुखनी ने अगर हम इनकी थोड़ी और चर्चा करें तो इनकी एक मूवी आने वाली है फ्यूचर में जिसका नाम हाउसफुल फाइव रहने वाला है देखते हैं कि वो उनकी कैसी फिल्म रहती है हालांकि इससे पहले भी इन्होंने काफ़ी सारी फिल्में दोस्तों दे रखी हैं और वो दोस्तों ऑडियंस को जो है वो अच्छी भी लगी है तो ये वाली मूवी भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया रही है और ये भी फिल्म दोस्तों जो है ऑडियंस को पसंद ज़रूर आएंगी तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में साथ ही मैं आपको मैं कुछ फैक्ट इस मूवी के बारे में बताता हूँ जो फिल्म के अंदर लीड कास्ट इसमें आपको सुशांत सिंह राजपूत जैकलिन विक्रमजीत विर्क सपना पड्डी बमन ईरानी पंकज त्रिपाठी रमेश खन्ना कुस्ताब कुमार विभा चिबार इसके अलावा पनीजा रहमाना और ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं और इस मूवी के अंदर जो हीरो है इनकी एक्टिंग भी काफ़ी बढ़िया है जिनका नाम समर रहता है हालांकि वो भी इस दुनिया के अंदर तो नहीं रहे हैं लेकिन उनकी मूवीज़ दोस्तों आज भी याद की जाती हैं ये फिल्म दोस्तों काफ़ी अच्छी मुझे लगी है और मुझे ये भी उम्मीद है कि जब आप इस मूवी को देखने बैठेंगे तो ये मूवी आपको भी शायद अच्छी लगेंगी तो चलिए दोस्तों एक नज़र इस मूवी की कहानी की तरफ़ डाल लेते हैं और जानते हैं कि फ़िल्म की कहानी जो है वो किस प्रकार की है क्या सी इस मूवी के अंदर वी है इन सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं दरअसल दोस्तों इस फिल्म की कहानी जो है वो क्या है ये तो शायद आप लोग इसका ट्रेलर देख थोड़ा बहुत जो है प्रेडिक कर सकते हैं लेकिन अगर पूरी आपको फिल्म पूरी कहानी जाननी है तो इसके लिए तो आपको हर मूवी ही देखनी पड़ेंगी दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको जो है वो एक रेस भी देखने को मिलती है जिसे मतलब एक यहाँ पर एक हीरो है और एक और भी किरदार है जिसे रेसिंग का शौक़ होता है अब जो सुशान सिंह राजपूत है वो यहाँ पर एक मिस्टेरियस लड़के किरदार में आपको देखने को मिलते हैं जिनका पूरा जिनके नाम पर पूरी फिल्म बता ही नहीं गया है अब उन्हें अंत तक जो है वो मिस्टर शर्मा शर्मा ज़रूर कहा जा सकता है अब जो ताका है जो तारा है यानी कि जैकलिन अब इनके दोस्त होते हैं विक्की यानी कि विक्रमजीत वीरक और नैना यानी कि सपना पबी जो कि काफ़ी फ्राड फ्रॉड इंसान होते हैं सुशांत और जैकलिन दोनों दोस्त संग मिलकर एक बड़ी चोरी का प्लान करते हैं हालांकि उन्हें पता होता है कि चोरी को करने के लिए जो है इन्हें काफ़ी सारी मुसीबत का सामना ज़रूर करना पड़ेगा लेकिन फिर भी दोस्तों जो है वो इसे अंजाम देते हैं अब यहाँ पर दिल्ली के जो राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन होते हैं वहाँ पर वो जो चोरी जो करने वाले होते हैं जहाँ पर एक भ्रष्ट अफसर ने अपने जो करोड़ों का काला धन छुपा कर रखा होता है और उन्हीं पैसों से सुशांत और जैकलिन जो है चुराना चाहते हैं फिल्म की कहानी दोस्तों यही है साथ ही यहाँ पर इसका जो ट्रीटमेंट है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर आपको अच्छा लगेगा अब रेसिंग से लेकर चोरी का चोरी करने का और एक दूसरे के लिए चोरी के लिए जो क्लू छोड़ जाना ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेंगी ही इतना नहीं दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छे दृश्य भी देखने को मिलेंगे जो कि आपको कुछ पुरानी मूवीज़ की याद दिला देंगे जिसमें आप ऐसी रेसिंग और एक ऐसी चोरी की कहानी आप देखने देखने वाले हैं जो कि शायद आपने पहले ना देखी हो हालांकि यहाँ पर काफ़ी सारे सीन जो है वो आपको ऐसा लगेगा कि हम पहले देख चुके होंगे लेकिन फ़िल्म के अंदर वो सीन जो है इस मूवी के अंदर देखने में थोड़ा और मज़ा आता है अगर आप लोगों ने धूम तो देखी होगी तो शायद आपको याद होगा कि वहाँ पृतिक तो तो रोशन का उस फिल्म के अंदर चोरी करने का अंदाज़ एकदम अलग था इसके साथ ही वो हर चोरी के साथ अपनी निशानी छोड़कर जाते थे बस वहीं यहाँ पर पूरा सीक्वेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर भी जो फिल्म का हीरो हिरोन होते हैं वो भी चोरी कर कर कुछ क्लू छोड़ते हैं अब मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये फिल्म रीमेक है लेकिन फिल्म के अंदर जो एक्टिंग है वो यहाँ पर जो सुशांत सिंह राजपूत इनकी बहुत ही बढ़िया है साथ ही में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम फिल्म के अंदर किया है और मूवी दोस्तों आपको जो है ज़रूर कोज कर सकती है अगर आप लोगों को रॉबरी या फिर ऐसी रेसिंग वाली मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो फिर डेफ़िनेटली ये मूवी दोस्तों आपको एक बार चेकआउट करनी चाहिए आपको अच्छी लगेंगी आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो और टी पर यह मूवी बहुत ही कम आती है तो आप इसे अभी तो शायद टी पर पता नहीं कब देख पाएंगे लेकिन हाँ आप इसे अभी नेटफ्लिक्स पर जो है वो इन्जॉय कर सकते हैं फिलहाल ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर भी अनऑफिशियली अवेलेबल है तो चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं लेकिन आपको वही बात है कि क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेंगी अगर आपको अच्छी क्वालिटी में देखना है तो आपको नेटफ्लिक्स पर जाना पड़ेगा जहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में मिलेंगी आप इस मूवी को ज़रूर देखिए आपको जो है कौन सा कैरेक्टर फिल्म के अंदर बढ़िया लगता है आप दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है ड्राइव और अगर आप लोग भी दोस्तों इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा करेंगे साथ ही में इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में डीप में बात करेंगे तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस फिल्म के बारे में क्या आपको फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा इस फिल्म के अंदर क्या स्टोरी है गाने कैसे हैं इन सब के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों ड्राइव जो कि 2019 की बॉलीवुड की फिल्म है जिसके अंदर आपको क्राइम एक्शन देखने को मिलता है और इस मूवी का रन टाइम दो घंटे और 27 मिनट का है वहीं इस मूवी की जो आईएमडीबी है वो 10 आउट ऑफ 3.2 की है और ये जो फ़िल्म थी रही थी दोस्तों इसे काफ़ी पसंद भी किया गया था और इस मूवी के कोई ना कोई आप लोगों ने जो टेटस ज़रूर देखी होगी शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि इस मूवी को डायरेक्ट रिलीज़ कर दिया गया था नेटफ्लिक्स पे। ये मूवी दोस्तों सिनेमाघर में रिलीज़ नहीं हुई थी चलिए बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर हिंदी के अंदर अवेलेबल है क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं इनके बारे में चर्चा करते हैं दरअसल अगर आप ड्राई मूवी को यूटूब पर देखने की सोच रहे दोस्तों तो यूटूब पर यह मूवी शायद आपको मिल भी जाएंगी लेकिन आपको एच क्वालिटी में नहीं मिलेंगी हो सकता है उसकी क्वालिटी बेकार हो या फिर बैकग्राउंड के अंदर कोई म्यूज़िक चल रहा हो अगर आपको इस मूवी को ऑफिशियल देखना है तो आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जहाँ पर दोस्तों ये मूवी आपको हिंदी के अंदर और वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी तो जाइए नेटफ्लिक्स पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को एंजॉय करिए आपको ये मूवी कैसी लगती है आप दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा वहीं अगर हम इस फिल्म के डायरेक्शन के बारे में दोस्तों बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है तरुण मनुसुखनी ने अगर हम इनकी थोड़ी और चर्चा करें तो इनकी एक मूवी आने वाली है फ्यूचर में जिसका नाम हाउसफुल फाइव रहने वाला है देखते हैं कि वो उनकी कैसी फिल्म रहती है हालांकि इससे पहले भी इन्होंने काफ़ी सारी फिल्में दोस्तों दे रखी हैं और वो दोस्तों ऑडियंस को जो है वो अच्छी भी लगी है तो ये वाली मूवी भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया रही है और ये भी फिल्म दोस्तों जो है ऑडियंस को पसंद ज़रूर आएँगी तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में साथ ही मैं आपको मैं कुछ फैक्ट इस मूवी के बारे में बताता हूँ जो फिल्म के अंदर लेडकास्ट कास्ट इसमें आपको सुशांत सिंह राजपूत जैकलिन विक्रमजीत विर्क सपना पडीम बोमन ईरानी पंकज त्रिपाठी रमेश खन्ना कुस्ताब कुमार विभा चिबार इसके अलावा पनीजा रहमाना और ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं और इस मूवी के अंदर जो हीरो है इनकी एक्टिंग भी काफ़ी बढ़िया है जिनका नाम समर रहता है हालांकि वो भी इस दुनिया के अंदर तो नहीं रहे हैं लेकिन उनकी मूवीज़ दोस्तों आज भी याद की जाती हैं ये फिल्म दोस्तों काफ़ी अच्छी मुझे लगी है और मुझे ये भी उम्मीद है कि जब आप इस मूवी को देखने बैठेंगे तो ये मूवी आपको भी शायद अच्छी लगेंगी तो चलिए दोस्तों एक नज़र इस मूवी की कहानी की तरफ डाल लेते हैं और जानते हैं कि फ़िल्म की कहानी जो है वो किस प्रकार की है क्या चीज़ इस मूवी के अंदर वी एफ एक्स है इन सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं दरअसल दोस्तों इस फिल्म की कहानी जो है वो क्या है ये तो शायद आप लोग इसका ट्रेलर देख कर थोड़ा बहुत जो है प्रेडिक कर सकते हैं लेकिन अगर पूरी आपको फिल्म पूरी कहानी जाननी है तो इसके लिए तो आपको हर मूवी ही देखनी पड़ेंगी दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको जो है वो एक रेस भी देखने को मिलती है जिसे मतलब एक यहाँ पर एक हीरो है और एक और भी किरदार है जिसे रेसिंग का शौक़ होता है अब जो सुसानिंग राजपूत है वो यहाँ पर एक मिस्टेरियस लड़के किरदार में आपको देखने को मिलते हैं जिनका पूरा जिनके नाम पर पूरी फिल्म बता ही नहीं गया है अब उन्हें अंत तक जो है वो मिस्टर शर्मा शर्मा ज़रूर कहा जा सकता है अब जो ताका है जो तारा है यानी कि जैकलिन अब इनके दोस्त होते हैं विक्की यानी कि विक्रमजीत वीरक और नैना यानी कि सपना पब्बी जो कि काफ़ी फ्राड फ्रॉड इंसान होते हैं सुशांत और जैकलिन दोनों दोस्त संग मिलकर एक बड़ी चोरी का प्लान करते हैं हालांकि उन्हें पता होता है कि चोरी को करने के लिए जो है इन्हें काफ़ी सारी मुसीबत का सामना जरूर करना पड़ेगा लेकिन फिर भी दोस्तों जो है वो इसे अंजाम देते हैं अब यहाँ पर दिल्ली के जो राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन होते हैं वहाँ पर वो जो चोरी जो करने वाले होते हैं जहाँ पर एक भ्रष्ट अफसर ने अपने जो करोड़ों का काला धन छुपा कर रखा होता है और उन्हीं पैसों से सुशांत और जैकलिन जो है चुराना चाहते हैं फिल्म की कहानी दोस्तों यही है साथ ही यहाँ पर इसका जो ट्रीटमेंट है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर आपको अच्छा लगेगा अब रेसिंग से लेकर चोरी का चोरी करने का और एक दूसरे के लिए चोरी के लिए जो क्लू छोड़ जाना ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेंगी इतना नहीं दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छे दृश्य भी देखने को मिलेंगे जो कि आपको कुछ पुरानी मूवीज़ की याद दिला देंगे जिसमें आप ऐसी रेसिंग और एक ऐसी चोरी की कहानी आप देखने देखने वाले हैं जो कि शायद आपने पहले ना देखी हो हालांकि यहाँ पर काफ़ी सारे सीन जो है वो आपको ऐसा लगेगा कि हम पहले देख चुके होंगे लेकिन फ़िल्म के अंदर वो सीन जो है इस मूवी के अंदर देखने में थोड़ा और मज़ा आता है अगर आप लोगों ने धूम तो देखी होगी तो शायद आपको याद होगा कि वहाँ पृत्युक रौशन का उस फिल्म के अंदर चोरी करने का अंदाज़ एकदम अलग था इसके साथ ही वो हर चोरी के साथ अपनी निशानी छोड़कर जाते थे बस वही यहाँ पर पूरा सीक्वेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर भी जो फिल्म का हीरो हीरोइन होते हैं वो भी चोरी कर कुछ क्लू छोड़ते हैं अब मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये फिल्म रीमेक है लेकिन फिल्म के अंदर जो एक्टिंग है वो यहाँ पर जो सुशांत सिंह राजपूत इनकी बहुत ही बढ़िया है साथ ही में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम फिल्म के अंदर किया है और मूवी दोस्तों आपको जो है ज़रूर कोज कर सकती है अगर आप लोगों को रॉबरी या फिर ऐसी रेसिंग वाली मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो फिर डेफिनेटली ये मूवी दोस्तों आपको एक बार चेकआउट करनी चाहिए आपको अच्छी लगेंगी आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो और टी पर यह मूवी बहुत ही कम आती है तो आप इसे अभी तो शायद टी पर पता नहीं कब देख पाएंगे लेकिन हाँ आप इसे अभी नेटफ्लिक्स पर जो है इंजॉय कर सकते हैं फिलहाल ये मूवी दोस्तों यूटूब पर भी अनऑफिशियली अवेलेबल है तो चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं लेकिन आपको वही बात है कि क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेंगी अगर आपको अच्छी क्वालिटी में देखना है तो आपको नेटफ्लिक्स पर जाना पड़ेगा जहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में मिलेंगी आप इस मूवी को ज़रूर देखिए आपको जो है कौन सा कैरेक्टर फिल्म के अंदर बढ़िया लगता है आप दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है ड्राइव और अगर आप लोग भी दोस्तों इस कमाल की फ़िल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी अवेलेबल है इनके बारे में चर्चा करेंगे साथ ही में इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में डीप में बात करेंगे तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस फिल्म के बारे में क्या आपको फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा इस फिल्म के अंदर क्या स्टोरी है गाने कैसे हैं इन सब के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों ड्राइव जो कि 2019 की बॉलीवुड की फिल्म है जिसके अंदर आपको क्राइम एक्शन देखने को मिलता है और इस मूवी का रन टाइम दो घंटे और 27 मिनट का है वहीं इस मूवी की जो आईएमडीबी है वो 10 आउट ऑफ 3.2 की है और ये जो फ़िल्म थी रही थी दोस्तों इसे काफ़ी पसंद भी किया गया था और इस मूवी के कोई ना कोई आप लोगों ने जो टेटस ज़रूर देखी होगी शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि इस मूवी को डायरेक्ट रिलीज़ कर दिया गया था नेटफ्लिक्स पे, ये मूवी दोस्तों सिनेमाघर में रिलीज़ नहीं हुई थी चलिए बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर हिंदी के अंदर अवेलेबल है क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं इनके बारे में चर्चा करते हैं दरअसल अगर आप ड्राई मूवी को YouTube पर देखने की सोच रहे दोस्तों तो YouTube पर यह मूवी शायद आपको मिल भी जाएंगी लेकिन आपको एच क्वालिटी में नहीं मिलेंगी हो सकता है उसकी क्वालिटी बेकार हो या फिर बैकग्राउंड के अंदर कोई म्यूजिक चल रहा हो अगर आपको इस मूवी को ऑफिशियल देखना है तो आप लोग इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जहाँ पर दोस्तों ये मूवी आपको हिंदी के अंदर और वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी तो जाइए नेटफ्लिक्स पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को एंजॉय करिए आपको ये मूवी कैसी लगती है आप दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा वहीं अगर हम इस फिल्म के डायरेक्शन के बारे में दोस्तों बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है तरुण मनु सुखनी ने अगर हम इनकी थोड़ी और चर्चा करें तो इनकी एक मूवी आने वाली है फ्यूचर में जिसका नाम हाउसफुल फाइव रहने वाला है देखते हैं कि वो उनकी कैसी फिल्म रहती है हालांकि इससे पहले भी इन्होंने काफ़ी सारी फिल्में दोस्तों दे रखी हैं और वो दोस्तों ऑडियंस को जो है वो अच्छी भी लगी है तो ये वाली मूवी भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया रही है और ये भी फिल्म दोस्तों जो है ऑडियंस को पसंद ज़रूर आएंगी तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में साथ ही मैं आपको मैं कुछ फैक्ट इस मूवी के बारे में बताता हूँ जो फिल्म के अंदर लीड कास्ट इसमें आपको सुशांत सिंह राजपूत जैकलिन विक्रमजीत विर्क सपना पडीम बमन ईरानी पंकज त्रिपाठी रमेश खन्ना कुस्ताब कुमार विभा चिबार इसके अलावा पनीजा रहमाना और ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं और इस मूवी के अंदर जो हीरो है इनकी एक्टिंग भी काफ़ी बढ़िया है जिनका नाम समर रहता है हालांकि वो भी इस दुनिया के अंदर तो नहीं रहे हैं लेकिन उनकी मूवीज़ दोस्तों आज भी याद की जाती हैं ये फिल्म दोस्तों काफ़ी अच्छी मुझे लगी है और मुझे ये भी उम्मीद है कि जब आप इस मूवी को देखने बैठेंगे तो ये मूवी आपको भी शायद अच्छी लगेंगी तो चलिए दोस्तों एक नज़र इस मूवी की कहानी की तरफ़ डाल लेते हैं और जानते हैं कि फ़िल्म की कहानी जो है वो किस प्रकार की है क्या सी इस मूवी के अंदर वी है इन सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं दरअसल दोस्तों इस फिल्म की कहानी जो है वो क्या है ये तो शायद आप लोग इसका ट्रेलर देख थोड़ा बहुत जो है प्रेडिक कर सकते हैं लेकिन अगर पूरी आपको फिल्म पूरी कहानी जाननी है तो इसके लिए तो आपको हर मूवी ही देखनी पड़ेगी दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको जो है वो एक रेस भी देखने को मिलती है जिसे मतलब एक यहाँ पर एक हीरो है और एक और भी किरदार है जिसे रेसिंग का शौक़ होता है अब जो सुशान सिंह राजपूत है वो यहाँ पर एक मिस्टेरियस लड़के किरदार में आपको देखने को मिलते हैं जिनका पूरा जिनके नाम पर पूरी फिल्म बता ही नहीं गया है अब उन्हें अंत तक जो है वो मिस्टर शर्मा शर्मा ज़रूर कहा जा सकता है अब जो ताका है जो तारा है यानी कि जैकलिन अब इनके दोस्त होते हैं विक्की यानी कि विक्रमजीत वीरक और नैना यानी कि सपना पब्बी जो कि काफ़ी फ्राड फ्रॉड इंसान होते हैं सुशांत और जैकलिन दोनों दोस्त संग मिलकर एक बड़ी चोरी का प्लान करते हैं हालांकि उन्हें पता होता है कि चोरी को करने के लिए जो है इन्हें काफ़ी सारी मुसीबत का सामना ज़रूर करना पड़ेगा लेकिन फिर भी दोस्तों जो है वो इसे अंजाम देते हैं अब यहाँ पर दिल्ली के जो राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन होते हैं वहाँ पर वो जो चोरी जो करने वाले होते हैं जहाँ पर एक भ्रष्ट अफसर ने अपने जो करोड़ों का काला धन छुपा कर रखा होता है और उन्हीं पैसों से सुशांत और जैकलिन जो है चुराना चाहते हैं फिल्म की कहानी दोस्तों यही है साथ ही यहाँ पर इसका जो ट्रीटमेंट है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर आपको अच्छा लगेगा अब रेसिंग से लेकर चोरी का चोरी करने का और एक दूसरे के लिए चोरी के लिए जो क्लू छोड़ जाना ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेंगी ही इतना नहीं दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको जो है काफ़ी अच्छे दृश्य भी देखने को मिलेंगे जो कि आपको कुछ पुरानी मूवीज़ की याद दिला देंगे जिसमें आप ऐसी रेसिंग और एक ऐसी चोरी की कहानी आप देखने देखने वाले हैं जो कि शायद आपने पहले ना देखी हो हालांकि यहाँ पर काफ़ी सारे सीन जो है वो आपको ऐसा लगेगा कि हम पहले देख चुके होंगे लेकिन फ़िल्म के अंदर वो सीन जो है इस मूवी के अंदर देखने में थोड़ा और मज़ा आता है अगर आप लोगों ने धूम तो देखी होगी तो शायद आपको याद होगा कि वहाँ पृतिक तो रौशन का उस फिल्म के अंदर चोरी करने का अंदाज़ एकदम अलग था इसके साथ ही वो हर चोरी के साथ अपनी निशानी छोड़कर जाते थे बस वहीं यहाँ पर पूरा सीक्वेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर भी जो फिल्म का हीरो हिरोन होते हैं वो भी चोरी कर कुछ क्लू छोड़ते हैं अब मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये फिल्म रीमेक है लेकिन फिल्म के अंदर जो एक्टिंग है वो यहाँ पर जो सुशांत सिंह राजपूत इनकी बहुत ही बढ़िया है साथ ही में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम फिल्म के अंदर किया है और मूवी दोस्तों आपको जो है ज़रूर कुछ कर सकती है अगर आप लोगों को रॉबरी या फिर ऐसी रेसिंग वाली मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो फिर डेफ़िनेटली ये मूवी दोस्तों आपको एक बार चेकआउट करनी चाहिए आपको अच्छी लगेंगी आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो और टी पर यह मूवी बहुत ही कम आती है तो आप इसे अभी तो शायद टी पर पता नहीं कब देख पाएंगे लेकिन हाँ आप इसे अभी नेटफ्लिक्स पर जो है वो इन्जॉय कर सकते हैं फिलहाल ये मूवी दोस्तों यूट्यूब पर भी अनऑफिशियली अवेलेबल है तो चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं लेकिन आपको वही बात है कि क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेंगी अगर आपको अच्छी क्वालिटी में देखना है तो आपको नेटफ्लिक्स पर जाना पड़ेगा जहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में मिलेंगी आप इस मूवी को ज़रूर देखिए आपको जो है कौन सा कैरेक्टर फिल्म के अंदर बढ़िया लगता है आप दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा